गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स चलो सो आई विनोद रेड्डी वेलकम ऑल ऑफ यू टू दिस वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट कॉल्ड एज कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग ठीक है इसको तुम कॉस्टिंग बोलते हो नो प्रॉब्लम बोलने के लिए हम भी कॉस्टिंग बोलेंगे सी ए इंटर कॉस्टिंग का बैच है हम भी यहां पे कॉस्टिंग ऐसे ही लिखते हैं बट पेपर का नाम क्या है अपना कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग अगर आप इसके कुछ साल पहले जाओगे ओके अभी अपने ये जो लेवल पे है अपन सीए में उसको सीए इंटरमीडिएट बोलते हैं ना इसको पहले सीए आईपीसीसी बोला जाता था सीए आईपीसीसी उस वक्त ये पेपर का नाम था कॉस्ट अकाउंटिंग क्या था कॉस्ट अकाउंटिंग इट वॉज नॉट कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग तब इसका नाम क्या था कॉस्ट अकाउंटिंग एंड उस वक्त जो फाइनल था मतलब जब ये इंटरमीडिएट आईपीसीसी था उस वक्त जो फाइनल था उस वक्त कॉस्टिंग फाइनल में भी हुआ करता था जिसका नाम हुआ करता था एडवांस्ड मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या नाम हुआ करता था एडवांस मैनेजमेंट अकाउंटिंग उसके पहले द नेम ऑफ द पेपर इन सी ए फाइनल वॉज कॉस्ट मैनेजमेंट क्या था कॉस्ट मैनेजमेंट उसके बाद में हो गया सीए फाइनल में स्ट्रैटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट एससीएम एंड पी ई स्ट्रैटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट एंड परफॉर्मेंस इवेल्यूएशन क्या नाम हुआ करता था स्ट्रैटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट एंड परफॉर्मेंस इवेल्यूएशन एंड उसके बाद में सीए फाइनल से कॉस्टिंग ये सब्जेक्ट ही डिलीटेड है ठीक है तो अब ये सब्जेक्ट सिर्फ कहां पे है सीए yeah. इंटरमीडिएट में ओके बट यह सीए फाइनल में इसका क्या रिलेवेंस है वो भी अपन थोड़ी देर के बाद बात करेंगे चलेगा बच्चों तो इंटरमीडिएट में जो पेपर का नाम है इवन दो वी पॉपुलरली क्वालिटाइज कॉस्टिंग पेपर का नाम क्या है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग पेपर फोर बराबर ना वेटेज कितने मार्क्स हंड्रेड मार्क्स इट्स क्लियर हंड्रेड मार्क्स पेपर इसमें कोई ऐसे दो पेपर वगैरह नहीं है लाइक like, तुम्हारा एफ एम एस एम है बराबर है ना ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे या डी टी एंड जी एस टी है तो इट इज नॉट लाइक दैट ये पूरा हंड्रेड मार्क्स का पेपर है क्वेश्चन पेपर वन ट्वेंटी मार्क्स का होता है क्वेश्चन पेपर वन ट्वेंटी मार्क्स होता है एक क्वेश्चन ऑप्शन में रहता है राइट right, जो आप स्किप भी कर सकते हो मतलब ऐसा होता है कि सॉल्व एनी फोर आउट ऑफ फाइव क्वेश्चन नंबर वन इज कंपल्सरी एंड सॉल्व एनी फोर आउट ऑफ फाइव तो एक बीस मार्क्स का क्वेश्चन कंप्लीटली आपको एडिशनल रहता है जो आप स्किप करें तो भी चल सकता है राइट यू कैन कवर हंड्रेड मार्क्स पेपर तो अगर आप वो हंड्रेड मार्क्स का पेपर कवर करना चाहते हो तो मेनी टाइम्स इट बिकम्स अ कंप्लीट प्रैक्टिकल पेपर इट बिकम्स अ कंप्लीट प्रैक्टिकल पेपर मतलब मैंने थ्योरी का एक आंसर नहीं लिखा फिर भी मैं सौ मार्क का पेपर कवर करके आया हूं ये भी पॉसिबल है इट डजेंट मीन कि हम थ्योरी कवर नहीं करेंगे इट ड मीन कि थ्योरी इंपॉर्टेंट नहीं है वी आर गोइंग टू ये रेगुलर बैच है तो ऑब्वियसली वी आर गोइंग टू कवर एवरीथिंग एवरीथिंग के आगे जो रहता है वो हम कवर करेंगे बराबर है ना बिकॉज इट्स अ रेगुलर बैच ये कोई एग्जाम ओरिएंटेड बूस्टर शॉट ऐसा कुछ नहीं है ये एकदम फुल शॉट क्या है ये फुल फ्लेजेड रेगुलर बैच है समझ रहा है ना ये कोई वन डे बिफोर मैराथन नहीं है कि बस इसमें हम बोलेंगे कि भाई अगले पंद्रह मिनट में जिंदगी आपकी बदलेगी तो <laughs> ऐसा कुछ भी नहीं होगा अगले पंद्रह मिनट में नहीं बदलेगी बट ये बैच का ड्यूरेशन इज मोर देन टू हंड्रेड आवर्स इट इज मोर देन टू हंड्रेड आवर्स ओके सिंपल है ओके okay, मैं जैसे अभी कुछ पॉइंट्स कवर करूंगा आप डे वन को अभी फर्स्ट लेक्चर में अपन पूरा इंट्रोडक्शन लेते क्योंकि बहुत सारे लोग ऑनलाइन अटेंड करते हैं उनको भी बहुत सारे डाउट रहते हैं स्पेशली ऑनलाइन में थोड़े ज़्यादा ही डाउट रहते हैं ठीक है तो कंसिडरिंग दैट मैं पूरा एक बार सब कुछ बता देता हूँ कि ये बैच में क्या होने वाला है ओके okay, क्या नहीं होने वाला है सब कुछ मैं डे नंबर वन को आपको बता दूंगा प्रीवियसली ना बच्चों क्या हुआ करता था दिस कॉस्टिंग फॉर द फर्स्ट टाइम देखो मैंने यहाँ पे वेलकम टू सी एंटर लिखा है जैसे कि एज इफ तुम्हारा सी ए इंटर का फर्स्ट डे है बट तुम्हारा सी ए इंटर ग्रुप वन तो हो चुका है मैंने ये तब से कंटिन्यू किया है जब क्योंकि मैं कॉस्टिंग फर्स्ट ग्रुप में ही हुआ करता था एंड इसके इस बैच के पहले हम कॉस्टिंग फर्स्ट ग्रुप में नहीं था तो भी फर्स्ट ग्रुप के साथ ही पढ़ाते थे करेक्ट है सेकंड ग्रुप में फिर दो ही सब्जेक्ट बरसते थे, थे क्योंकि फर्स्ट ग्रुप प्लस कॉस्टिंग ऐसा एटलीस्ट पुणे का शेड्यूल रहा करता था इसके पहले ठीक है बट इस बार हमने वो कंसीडरिंग स्टूडेंट का वो जो टाइम है राइट उस केस में स्टूडेंट को 7:30 7:45 तक इवनिंग में लेक्चर्स अटेंड करने पड़ते थे और अब हमने सोचा कि हमने इस बार सब लोगों ने सोचा था कि एक स्टूडेंट अगर फाइव के आसपास फ्री हो जाता है तो एक्चुअली उसके रिजल्ट पॉइंट ऑफ व्यू से इट इज वैल्यू एडेड थिंग इट इज़ गोइंग टू बी बेनिफिशियल अगर स्टूडेंट फाइव थर्टी को फ्री होता है तो क्योंकि उसको पुणे में आने के और भी पर्पज़ है बराबर है ना ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये इंटर ही है बराबर है ना पुणे में आ गए और तुमको पता कुछ लोगों को पता चला पुणे में आया मैं हॉस्टल में रहा सुबह सुबह प्रेसिड पॉइंट आता था बाहर जाता तो अंधेरा रहता था बराबर है छः महीने आया यहाँ पे एंड घर पे आया, आया। बाजू में कौन बैठता था याद नहीं आ रहा है है कि नहीं कहाँ पे था वो प्रेसिड पॉइंट की ये साइड में क्या होता याद नहीं आ रहा है तो ऐसा नहीं होना चाहिए अपने को और भी पर्पज़ है लाइक पढ़ाई करना है अपने को बराबर है ना लाइक बहुत सारी पढ़ाई करना है। ये यही आप सोच रहे थे ना मैं तो यही बोल रहा था एटलीस्ट ठीक है तुम भी यही सोच रहे थे ना तो अपने को पढ़ाई करना है मेनली आफ्टर 5:30 बराबर है ना तो कंसीडरिंग दैट हमने 5:30 का शेड्यूल का अगर ध्यान में रखा तो कॉस्टिंग ग्रुप वन के साथ फिट नहीं होता था वी हैव शिफ्टेड इट टू ग्रुप टू मतलब कोचिंग पॉइंट ऑफ व्यू से ऑब्वियसली आईसीआई के एंगल से तो ये ग्रुप टू में ऑलरेडी है चलेगा बच्चों yeah. तो अपना टाइमिंग क्या रहने वाला है अपना बैच का ड्यूरेशन क्या रहने वाला है सब एक एक करके बात करते हैं तो आई अगेन वेलकम ऑल ऑफ यू राइट ऑनलाइन स्टूडेंट ऑफलाइन स्टूडेंट्स ओके टू दिस सी ए इंटरमीडिएट कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग पेपर फोर हंड्रेड मार्क्स का जो पेपर है ओब्वियसली तुम में से मैक्सिमम लोग मेरे ख्याल से जनवरी ट्वेंटी फाइव अपेयर होने वाले हो सकता है कि ऑनलाइन ऑफलाइन में से कुछ स्टूडेंट सप्टेम्बर ट्वेंटी फोर एग्जाम भी टारगेट कर रहे हो सकता है कि उन्होंने पहले एक ही ग्रुप किया था एंड नाउ अभी एक ग्रुप देके आए यहाँ पे एंड सप्टेबर ट्वेंटी फोर में दे आर प्लानिंग टू राइट ग्रुप टू तो ये दोनों स्टूडेंट्स के लिए ऑब्वियसली ये बैच अप्लीकेबल है ओके okay? ये बैच कहीं फर्स्ट वीक ऑफ ऑगस्ट में जाके कंप्लीट होगा तो जो लोग सप्टेबर अपियरिंग है उनको भी करीबन वन मंथ मिल सकता है ओके क्योंकि एनी दे आर राइटिंग ग्रुप टू ऐसा पॉसिबिलिटी ज़्यादा है जो सप्टेबर लिख रहे तो ऑब्वियसली ग्रुप वन के बाद में मतलब ग्रुप टू का पेपर अगर फर्स्ट वीक में भी एग्जाम स्टार्ट होता है समझ रहे हैं ना आपको ये तो इन दैट के इस ग्रुप टू का पहला पेपर कहीं पर पे, पाँच छह तारीख के आगे ही जाएगा बराबर है ना अभी तक शेड्यूल आया भी रहेगा मेरे ख्याल से तो तो आपको ये बैच कंप्लीट होने के बाद में भी अप्रॉक्सिमेटली वन मंथ मिल सकता है फॉर सप्टेबर अपेयरिंग स्टूडेंट फॉर जनवरी ट्वेंटी फाइव स्टूडेंट्स तुम वन ऑफ द आपका मतलब जो भी कुछ है कुछ लकी स्टूडेंट्स में से हो पिछले पांच छह साल में से क्योंकि पांच छह साल से अगर सी ए इंटरमीडिएट में स्टूडेंट का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है तो टाइम सर सी ए फाउंडेशन पास होने के बाद में एट मंथ्स बचते एट सब्जेक्ट्स है बराबर है ना एट सब्जेक्ट्स है उसमें से कई सब्जेक्ट हम जिंदगी में फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं एंड कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी थोरोली पढ़ना है डेप्थ में पढ़ना है ये बाकी तो है ही है कि नहीं डे नंबर वन सारे टीचर्स ने आपको यही बोला रहेगा ना कि कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी ये वो सब कुछ तो वो एंगल से तो पढ़ना ही है आपको बराबर है कि नहीं एंड वो करने के लिए टाइम का है लेकिन करेक्ट है करना बहुत कुछ है बट टाइम का है बट मेरे ख्याल से तुम वो बैच हो जिनके पास ये लॉजिक अब नहीं है या ये जस्टिफिकेशन नहीं है ऐसा मैं बोल सकता हूँ क्योंकि आठ के छह सब्जेक्ट्स चलो छह सब्जेक्ट नहीं बोलेंगे बट छह पेपर्स सब्जेक्ट जो भी है बट छह पेपर्स कितना भी नहीं बोला तो भी थोड़ा बहुत तो बर्डन कम है ही अकाउंट्स एडवांस अकाउंट्स दो पेपर की जगह एक पेपर है भले ही सब्जेक्ट का दोनों दो दु, सब्जेक्ट वन प्लस वन की जगह अगर ये एक मिला के बट डेफिनेटली वो हाफ नहीं हुआ है बट वो पहले जितना था उतना भी नहीं है ये भी आप जानते हो बराबर है पहले दो मिलके जितना था उतना एक में ही है ये लॉजिक तो गलत है तो कब कम, कम तो कुछ तो हुआ ही है करेक्ट ई आई जो पहले पेपर रहा करता था जो बहुत टाइम कंज्यूमिंग था टेक्निकल था वो कम हो चुका है बराबर है या नहीं है तो ऑब्वियसली यार छह ही है, okay, तो है, saying, easy, right, तो सब्जेक्ट है ओके तो डेफिनेटली तुम्हारा काम रिलेटिवली आसान है रिलेटिवली आई एम सी आई एम नॉट इट्स एक्सट्रीमली इजी बट एज कंपेयर टू वॉट इट वॉज प्रीवियसली डेफिनेटली राइट इट इज लिटिल बिट ईजियर तो छह सब्जेक्ट है एंड ऊपर से तुम्हारे पास मेरे ख्याल से आग, आपने डे वन से राइट जब से आपने फर्स्ट ग्रुप का कोचिंग ज्वाइन किया था तब से आपका एग्जाम कब है अगर आप ये देखेंगे तो इट्स अराउंड इलेवन मंथ्स इट्स अराउंड इलेवन मंथ्स करेक्ट और नॉट तो इलेवन मंथ्स का टाइम तुम्हारे पास है बच्चों इलेवन मंथ्स जो कोई कम टाइम नहीं है इसमें राइट दो चार बार रिवीजन हो सकता है दो चार बार रिवीजन मतलब एक्चुअल में चार बार रिवीजन हो सकता है कुछ कुछ लोगों का वो जो रिवीजन होता है ना कि सुबह चालू किया दोपहर में कॉस्टिंग खत्म वो वाला नहीं एक्चुअल में पढ़ने वाला समझ रहे हैं ना कुछ कुछ लोग आगे मिलते हैं ना सर सर अठारह रिविजन कर लिए ट्वेंटी फिफ्थ चल रहा है वो सब बातें रहती है

चार मंथ फोर मंथ्स पूरा टाइम है तुम्हारे पास जिसमें आप थोरोली एकदम टेस्ट सीरीज प्लान कर सकते हो कि भाई मैं पढ़ के टेस्ट सीरीज दूंगा पूरा दुनिया भर का पढ़ के मैं टेस्ट सीरीज दूंगा राइट यू कैन प्लान अकॉर्डिंगली तुम्हारे पास ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है बच्चों बट एट द सेम टाइम अब कॉम्पिटिशन भी वो लेवल का रहेगा बच्चों क्योंकि सिर्फ तुम्हारे पास टाइम नहीं है ओके okay? बाकी लोगों के पास भी ऑल ओवर इंडिया सबके पास इतना ही टाइम है तो तुम्हारे पास ऑब्वियसली ऑगस्ट के बाद में ओके दो चॉइसेस रहेंगे या तो ऑगस्ट के बाद एक फेस्टिवल सीजन रहता है आपको पता है बहुत सारे फेस्टिवल्स मेरे ख्याल से उसके बाद दो तीन महीने में आते बराबर है गणपति दही हंडी गोकुल अष्टमी जिसको बोलते हैं और क्या रहता है दशहरा नवरात्रि बराबर है ना दिवाली बराबर है फिर क्रिसमस न्यू ईयर बराबर है ना फिर एग्जाम करेक्ट है या नहीं बट जो भी कुछ हो बाकी एक चीज आईसीआई ने बहुत अच्छा किया है कम से कम ये तीन एग्जाम वाले पैटर्न में कि कम से कम लोगों की दिवाली ठीक रखी है अभी ठीक है नहीं बाकी कुछ हो ना हो मतलब सबसे खतरनाक सिचुएशन वो रहा करता था आई स्टिल रिमेंबर कि एग्जाम देने वाले अपन यहाँ पे पुणे में एक हॉस्टल पे रहते हैं एंड हर घर में लोग दिख रहे भाई ट्रेडिशनल ड्रेस पहने हुए लोग खुश है ऐसे घर से एक खाने की खुशबू आती रहती ना बाहर भी वो आती रहती कहीं पर भी जाने के बाद तो और अपन में इस पर खाना खा रहे हो ऐसे चपाती ऊपर लिया तो अपने को दिख रहा है कि भाई अपन हॉस्टल पर है एक्चुअल में करके बराबर ना तो कम से कम आई ने आपको उससे बचा लिया बराबर है ना कम से कम आपका नवंबर में कभी एग्जाम नहीं आने वाला है अभी इनफैक्ट आपका नवंबर में था ना एक्चुअली इस बार करेक्ट है जब आप मेरे ख्याल से ग्रुप वन ज्वाइन किए थे डे वन को आपको टीचर ने यही बोला रहेगा कि राइट वेलकम टू दिस बैच एंड लेट्स टारगेट नवंबर ट्वेंटी फोर एग्जाम नवंबर ट्वेंटी फोर के एंगल से ही आपने ग्रुप वन स्टार्ट किया था बच्चों राइट बट नाउ योर एग्जाम इज इन जनवरी ट्वेंटी फाइव और बाकी कुछ लोगों का एग्जाम ऑब्वियसली सितंबर 24 में भी रह सकता है ठीक है बच्चों सो so, मैं कुछ पॉइंटर्स लिख के लाया हूं ओके ताकि कुछ मेरे से कुछ छूट ना जाए क्योंकि ऑनलाइन स्टूडेंट्स का बाद में फिर अभी पहले मैं ज्यादा डरता नहीं था कि भाई कुछ छूट भी गए तो क्या होगा सेकंड डे बता देंगे बट अब तो अगर मेरा से कुछ भी एक बात भी बताना छूट गया तो ऐसा रात को टेलीग्राम भर जाएगा बराबर है ना कि भाई सर इसका क्या उसका क्या तो कुछ पॉइंट्स है मेरे पास इसके बारे में बात करेंगे चलेगा ना बच्चों ओके okay, एंड देखो सबसे पहले तो पहले ना ये ग्रुप वन के साथ में ना जब पढ़ाते थे, थे ना बच्चों सो दिस यूज टू बी अराउंड थ्री टू थ्री एंड हाफ मंथ्स अब अपने पास कितने मंथ्स है टू मंथ्स एंड वन वीक पकड़ सकते हो आप ज़्यादा ज्यादा टू मंथ्स एंड वन वीक है एंड इसमें अपने को कॉस्टिंग कंप्लीट करना है तो थोड़ा फास्ट कंप्लीट करेंगे क्या फिर पहले 200 हंड्रेड आवर्स देते थे तो अभी 150 फिफ्टी आवर्स में कंप्लीट करेंगे क्या बिल्कुल नहीं नंबर ऑफ डेज कम रहेंगे बट ड्यूरेशन इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ आवर्स उतना ही रहेगा समझ रहा है आपको ये तो अपना टाइम रहेगा सेवन थर्टी टू ऑब्वियसली इलेवन विथ वन ब्रेक ऑफ टेन टू फिफ्टीन मिनट्स मैक्सिमम ठीक है ना एक ब्रेक के साथ में अपन ये शेड्यूल ऑगस्ट फर्स्ट वीक तक कंटिन्यू करेंगे चलेगा बच्चों संडे को भी अपन ले सकते हैं ना तो पहला संडे तो देखते हैं बाकी जो भी कुछ करेंगे उनके साथ में रहेंगे बट अगले संडे से एक्सपेक्ट मत करना ऑफ ठीक है ना एक दो महीने राइट आप समझो कि चलो भाई राइट अपन ये सेकंड ग्रुप के नाम अपनी जिंदगी कर देते चलेगा ना वैसे भी तुम सीए वाले बच्चे हो तुम तो बराबर है ना बराबर है ना तुम सी वाले बच्चे हो मतलब तुमने बाकी जिंदगी को तो ऑलमोस्ट टाटा बाय बाय बोल बोल ही दिया है ना क्योंकि हम सी कर रहे हैं बराबर है ना ये आईआईटी वाले वगैरह कुछ नहीं करते हो बिल्कुल पढ़ाई नहीं करते है कि नहीं एंड आईआईटी में तो क्या दस लाख लोग बैठते हैं एंड नौ लाख साठ हजार पास होते है कि नहीं कितना ज्यादा रिजल्ट है यार उनका और अपने सी में हजार नहीं दो लोग बैठते एक पास होता है है कि नहीं बराबर है ना इतना कम अपना रिजल्ट है तो अपन बलिदान दे रहे बराबर ना आपको शायद समझ रहा है ना मैं सार्केस्टिकली बोल रहा हूं कुछ लोगों को लग रहा है कि हाँ क्या समझ रहा है पढ़ाई दूसरे भी लोग कर रहे हैं समझ रहा है क्या मेहनत दूसरे भी लोग कर रहे हैं बट अपन शो ऑफ बहुत ज्यादा करते हैं ये कॉमर्स का प्रॉब्लम है है कि नहीं शो ऑफ अपन इतना करते हैं दो घंटे पढ़े नहीं अपन ऐसे बाहर आते हैं है कि नहीं दो घंटे के बाद में बराबर ये दो तीन घंटे पढ़े अपन अपने रूम पार्टनर के सामने भी अपन ऐसे रहते <laughs> दो घंटे से मैं पढ़ रहा हूं अरे भाई लोग रात रात भर पढ़ते तो सुबह बोलते कि भाई अरे कुछ पढ़ाई नहीं हो रही है ऐसे कैटेगरी के भी लोग हैं दुनिया में समझ रहा है कि आपको तो शॉफ मत करो अपन एक्चुअल में रिजल्ट लाएंगे एंड देखो बच्चों ये सी ए मैं आगे भी बात करूंगा बट सी ए इंटरमीडिएट की एक खास बात ये है बच्चों अभी तक जो ना बच्चों अभी तक जैसे कि समझो टेंथ स्टैंडर्ड में कोई अच्छे मार्क्स लिया कोई खराब मार्क्स लिया ओके okay? बट दोनों इलेवंथ में रहते थे एट्थ में फेल होने का तो कोई संबंध ही नहीं है बट कम ज्यादा मार्क्स जो भी कुछ है बट दोनों नाइन्थ स्टैंडर्ड में ही रहते थे दोनों शायद बाजू बाजू में वापस बैठते एक ही बेंच पे बराबर ना बच्चों फाउंडेशन में भी करीबन कुछ ऐसा ही हाल था ठीक है भाई जो पास हो गया वो इंटर के क्लास में जो फेल हो गया वो वापस फाउंडेशन के क्लास में छह महीने के बाद इंटर में आएगा बट एटलीस्ट सी ए के क्लास में है एटलीस्ट सी ए के क्लास में मतलब दोनों क्लासरूम में ही है पास होने वाला भी और फेल होने वाला भी बट सी ए इंटरमीडिएट वो लेवल नहीं है समझ रहा है क्या ये पास होने वाला कहीं और चला जाएगा फेल होने वाला इधर ही रहेगा समझा क्या पास होने वाला रहेगा उसकी जिंदगी कंप्लीट अलग रहेगी पास होने वाला रहेगा भाई मैं राइट पी डब्ल्यू सी में आर्टिकलशिप कर रहा हूँ ई वाई में आर्टिकलशिप कर रहा हूँ है कि नहीं एडल वाइज में इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग कर रहा हूँ मैं बी सी सी में इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग कर रहा हूँ मैं दिल्ली में हूँ मैं मुंबई में हूँ है कि नहीं मैं पुणे में ये फॉर्म में हूँ मैं बैंगलोर ऑडिट करने जा रहा हूँ समझा ये उसकी ज़िंदगी रहेगी एंड बाकी जो फेल हो रहा है उसकी जिंदगी इधर ही है प्रस्टिज पॉइंट बूस्टर रिविजन बैच कर रहा हूँ वन डे रिविज़न कर रहा हूँ टीचर के केबिन के, के बाहर बैठा हूँ उनको पूछने वाला हूँ हाउ टू स्टडी उनको क्या पूछने वाला हूँ हाउ टू स्टडी एंड उसके बाद में मैं पढ़ूंगा बराबर है कि नहीं तो ये होता है राइट कुछ लोगों को रहता है ना मैं मैं आपको पहले दिन बता दूं सबसे पहले मेरे पास कभी मत आना ये डाउट लेके कि हाउ टू स्टडी समझ रहा है क्या पूरे बैच में पहले बताता हूं आप समझ रहे हो क्या मुझे बहुत ज़्यादा इरिटेट होता है वो क्वेश्चन से कौन सा हाउ टू स्टडी सर कैसे पढ़ो सब लोग दुनिया में आंखों से ही पढ़ते समझ में आ रहा है क्या एंड ऐसे चेयर पे बैठ के बुक को पढ़ते बस समझ रहा है क्या एक ये भगवान ने ऐसा कोई दूसरा बॉडी का पार्ट नहीं दिया जिसे अपन पढ़ सकते अब समझ रहे हो ना कोई भी आदमी आज तक पास हुआ रहेगा तो कैसे पढ़ा रहेगा आंखों से ही पढ़ा रहेगा अब बराबर है ना वैसे ही पढ़ते बैठ के अब समझ रहे हो क्या आप इसको अदरवाइज मत लेना बच्चों बट वो क्या होता है अपन तीन घंटे बैठते किधर तो टीचर के केबिन के, के बाहर वो मिलता नहीं वो आता है बाद में बिजी शेड्यूल में से और वो बोलता है सर कैसे पढ़ो बोलता है बहुत अच्छे से पढ़ बेटा आज रात को आठ बजे जाओ मस्त ऐसे पढ़ रिविजन कर फिर बाद में चेक कर कि तुझे समझ रहा है क्या राइट समरी नोट्स बना हाँ हाँ सर ये तुमको मालूम नहीं है क्या यार अच्छा ऐसा क्या बताया जो तुमको मालूम नहीं था थैंक्स फॉर योर सपोर्ट सर बराबर है कि नहीं थैंक्स फॉर योर गाइडेंस सर यू आर द रियल मेंटोर अब क्या होता है जनरली किसी लोगों ने क्रिटिसाइज किया ना बच्चों तो आप लोग है कि है उसको क्या हक्का है बट किसी ने तारीफ किया ना तो आप थोड़ी बोलते हो उसको क्या हक है बराबर है कि नहीं तो जनरली अभी समझो तुम आके मेरी तारीफ कर रहे हो मुझे पता है कि समझ रहे हैं ना तुमको कुछ नहीं मालूम बट अच्छा लगता है ना करेक्ट और नॉट सुनने को कुछ चीजें सुनने को बहुत अच्छी लगती है जबकि अपने को खुद को मालूम है क्या वो ऐसा कुछ भी नहीं है जैसे समझो मुझे आके कोई बोल रहा है क्या भाई फिट दिख रहा है एकदम मुझे खुद को मालूम है करेक्ट और नॉट बट मुझे वो सुनने का मन कर रहा है मुझे लग रहा है वाह बहुत अच्छा है जबकि मुझे हंड्रेड नाइनटी नहीं कितना परसेंट हंड्रेड परसेंट मालूम है कि वो सच नहीं है करेक्ट और नॉट बट फिर भी सुनने का मन कर रहा है लग रहा है कि हाँ भाई बट कोई बोलता है ये क्या सर कैसी हो गई हालत थोड़ा एक्सरसाइज किया करो मुझे क्या लग रहा है है तुझे क्या समझता है समझ रहे क्या तो जनरली तुम्हारे लिए अच्छा 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 जो तुम्हें बोला कि तुम्हें लगता है कि टीचर अच्छा है बहुत जबरदस्त है है कि नहीं बट तुमको रियलिटी बताया तुम्हें मालूम भी है कि ये सच है एंड पहले केस में तुम जब मैं तुम्हारी तारीफ कर रहा था ना तुम्हें मालूम भी था कि ये झूठ है बट फिर भी मज़ा तो बहुत आ रहा है ना क्योंकि अपनी तारीफ कर रहा है मैं रोज आपको बोलूं कि बच्चों सूए करने वाले तुम हो मतलब तुम क्या ग्रेड हो भाई तुम सु कर रहे हो मतलब मजाक थोड़ी है सुए है कि नहीं पूरा जवानी कॉम्प्रोमाइज करके तुम सीए कर रहे हो होगा ना आपको का हां जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है जबकि आप तीन घंटे मोबाइल देखते बैठते हो रील्स देखते बैठते हो है कि नहीं बट सुनने को बहुत मजा आ रहा है ना तो वो फील फैक्टर से करियर नहीं बनता है बच्चों समझ रहा है क्या फील फैक्टर से कुछ आदमी शॉर्ट टर्म में खुश रहता है करियर बनता है समझ रहा है क्या कंसिस्टेंसी से लॉन्ग टर्म मेहनत से एंड अपने को करियर बनाना है समझ रहा है क्या अपने को वो आ, एक दो तीन महीने खुश रहना है नहीं रहना है कुछ तो करके समझ रहा है ना तो चलो फिर ये कुछ ये पॉइंट्स कवर करते हैं एंड ये बैच का मैं क्या रहने वाला है एग्जैक्टली exactly कितने दिन यूट्यूब पे पे रहेगा ऑनलाइन ऑफलाइन वालों के लिए सारे इंस्ट्रक्शंस दे देता हूँ चलेगा बच्चों चलो पहला क्या यह अबाउट द बैच एंड सब्जेक्ट तो मैंने सब्जेक्ट बताया इट्स अ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग पहले पेपर का क्या नाम था अब क्या है वो भी बता दिया मैंने पहले पेपर का नाम था कॉस्ट अकाउंटिंग अच्छा सुनो उसमें ना कुछ इंस्टीट्यूट ने इंस्टीट्यूट टाइम वाइज कुछ चेंजेस करता है सिलेबस में पता है क्या आपको ये फॉर एग्जाम्पल जब ये इंटरमीडिएट इंट्रोड्यूस हुआ था आईपीसीसी से लेके क्या इंट्रोड्यूस हुआ था इंटरमीडिएट तब सिलेबस जो था उसमें भी आईसीआई ने राइट right, एक वन एंड हाफ चैप्टर डिलीट किया है क्या किया है वन एंड हाफ चैप्टर डिलीट किया है एक चैप्टर पूरा ही डिलीट किया है कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग कौन सा कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट कुछ दूसरे चैप्टर में से कुछ सम्स उन्होंने कुछ मेथड डिलीट किए फॉर एग्जांपल प्रोसेस कॉस्टिंग में पहले तीन मेथड थे फीफो लिफो एंड वेटेड एवरेज उसमें से उन्होंने लिफो डिलीट कर दिया उसमें से उन्होंने क्या कर दिया है लिफो तो अगर आप दो के पहले का कोई पेपर सॉल्व कर रहे हो तो हो सकता है कि आपको कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग का क्वेश्चन मिले एंड आप वो इंटरमीडिएट का ही क्वेश्चन पेपर रहेगा 2018 में 18 या मई उन्नीस समझ रहे कि आपको ये दैट कैट uh, उस रेंज में आपको कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग का क्वेश्चन दिखेगा और आपको लगेगा नहीं सर ये आईपीसीसी का नहीं ये इंटरमीडिएट का पेपर है तो ये तो हमारे लिए कवर हो जाना चाहिए था तो वो आईसीआई ने ट्वेंटी में डिलीट किया है बाद में समझा क्या तो अब मैं मैंने वो लेना चाहिए क्या आपके लिए नहीं क्योंकि आपके सिलेबस में ही नहीं हो आपके सिलेबस में ही कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग नहीं है तो ऑब्वियसली कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग तो होगा नहीं इसमें तो आप वो एग्जाम पेपर देखोगे तो आप अननेसेसरी कंफ्यूज हो जाओगे तो दिस इस बैच में आई एम गोइंग टू कवर एवरीथिंग व्हिच इज देयर इन योर सिलेबस थोड़ा सा भी डाउट मत रखना दिमाग में ओके तो अबाउट द बैच ये बैच ऑब्वियसली थर्ट टीथ को स्टार्ट हो रहा है फर्स्ट वीक ऑफ ऑगस्ट में कंप्लीट हो जाएगा सात आठ ऑगस्ट दिमाग में रख लेना आप समझ रहे क्या बच्चों एकदम थरोली कंप्लीट करने के लिए आप समझ रहे हो क्या मैं बोलने के लिए कुछ ऐसे बोलूंगा नहीं कि मैं ट्राई करूंगा जुलाई एंड में एंड ऑल दो सिंग फर्स्ट वीक ऑफ ऑगस्ट तक ये बैच चलेगा बच्चों समझ में आ रहा है क्या थरोली तो आई रिक्वायर अराउंड 200 हंड्रेड टू टू हंड्रेड एंड टेन आवर्स फॉर कंप्लीटिंग रेगुलर बैच रेगुलर बैच कंप्लीट करने के लिए उतना ड्यूरेशन लगता है बच्चों तो राइट right, उतना हम हम कवर कर सकते हैं संडेज को लेक्चर रखना पड़ सकता है कभी एक आध बार ऑफ दे दिया मैंने तो आप बोनस समझो बट संडे को लेक्चर रहेगा ही ऐसे तुम्हारे दिमाग में रख दो नहीं रहेगा तो तुम इंजॉय कर लेना उस दिन चलेगा बच्चों ओके okay. तो ड्यूरेशन ऑफ द बैच मैंने बताया आपको डेज एंड आवर्स तो ये दो पॉइंट कवर्ड बच्चो ये बताया क्या मैंने ड्यूरेशन ऑफ द बैच तीसरा पॉइंट क्या है बैच एप्लीकेबिलिटी तो ये बैच जो अभी चालू हो रहा है अभी जो मैं पढ़ाऊंगा राइट वो कौन से एग्जाम के लिए एप्लीकेबल है इज इट एप्लीकेबल फॉर सेप्टेम्बर ट्वेंटी फोर इज इट एप्लीकेबल फॉर जैन ट्वेंटी फाइव अगर कोई बाद में मे 25 वाला बच्चा देख रहा है इसको ऐसा नहीं है कि उसके लिए कंप्लीट इनएप्लीकेबल है ये बट हो सकता है कि उसमें मैंने कुछ चेंजेस किए बाद में उस अटेम के लिए जो बैच चालू होगा राइट हो सकता है कि उसमें मैंने कुछ क्वेश्चंस कुछ क्वेश्चंस मतलब ऑब्वियसली ये चेंज नहीं होते बट रिसेंट एग्जाम क्वेश्चन वगैरह तो हम ऐड करते रहते हैं समझ रहे हो ना तो वो क्वेश्चन सिर्फ उसको एडिशनल करना पड़ेगा अदरवाइज दिस एप्लीकेबल फॉर मे 25 फाइव एग्जाम ऑल्सो कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा सो दिस एप्लीकेबल फॉर सेप्टेम्बर 24 फोर इज एप्लीकेबल फॉर जनवरी 25 फाइव इज एप्लीकेबल फॉर मे 25 फाइव ऑल्सो नॉट अ प्रॉब्लम ओके अच्छा बताओ ये मैंने जनरल पॉइंट लिखा था यहां पे कि आपने ग्रुप वन करना चाहिए ग्रुप टू करना चाहिए बोध ग्रुप करना चाहिए क्या ना इसे तुम्हारे लिए दिस नॉट एप्लीकेबल ओनली क्यों बच्चों अच्छा तुम में से आई एम श्योर कुछ लोग रहेंगे जो हो सकता है कि अगर नवंबर एग्जाम होता तो एक ही ग्रुप देने वाले थे क्वाइट पॉसिबल कि अगर नवंबर में एग्जाम होता तो आप ग्रुप वन ही करने वाले थे बट अगर जनवरी में एग्जाम है बच्चों तो एक ग्रुप दोनों में से एक ग्रुप करना इज नॉट एट ऑल एडवाइजेबल माई फ्रेंड्स बहुत जरूरत से बहुत ज्यादा ही टाइम हो जाएगा फॉर थ्री सब्जेक्ट्स समझ रहा है क्या अगर इमेजिन करो तुम अभी से फ्री हो और जनवरी में एग्जाम लिखने वाले हो वो भी एक ग्रुप का ओके बहुत ज्यादा टाइम हो गया आप समझ रहे हो क्या मुझे याद है कि हम लोग सीए फाइनल का प्रिपरेशन जब करे किए थे ना बच्चों तो फर्स्ट अटेम्प कॉम में चार महीने का स्टडी लीव मिलता चार महीने का लीव मिलता था आर्टिकलशिप से चार महीने में फर्स्ट टाइम जबकि क्लास भी हमारे आठ सब्जेक्ट के नहीं रहा करते थे हार्डली दो तीन सब्जेक्ट के क्लास थे उस जब जमाने में तो चार पांच सब्जेक्ट का तो हमें खुद ही करना पड़ता था तो भी हम चार महीने में फुल फ्लेजेड सी ए फाइनल का प्रिपरेशन करते थे तो ऑब्वियसली इट इज पॉसिबल कि आपका जो ये छह सब्जेक्ट है अगर आपको एग्जाम के पहले फोर मंथ्स मिलते हैं फुल फ्लेजेड फोर मंथ्स तो विथ रिविजन का सीरीज रिविजन एंड रिविजन ये कंप्लीट हो सकता है विद इन फोर मंथ्स मैं बोध ग्रुप बात कर रहा हूं ऑब्वियसली तो, तो सिंगल ग्रुप पे जाने का तो सवाल ही नहीं उठता है जो लोग कौन सा एग्जाम देने वाले हैं जनवरी ट्वेंटी फाइव तो ऑब्वियसली वी शुड गो फॉर बोध द ग्रुप्स इसमें कोई डाउट नहीं नेक्स्ट पॉइंट है रिलेवेंस इन सी ए फाइनल अच्छा बताओ ये जैसे कि आप, आपने डायरेक्ट टैक्स पढ़ा सी ए फाइनल में भी है जीएसटी पढ़ा सी ए फाइनल में भी है अकाउंट्स पढ़ा सी ए फाइनल में भी है एफ आर बराबर है ना एफ एम आज पढ़ोगे आप दोपहर में एफ एम सी ए फाइनल में भी है ए एफ एम एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट ए एफ एम तो कॉस्टिंग है क्या सी ए फाइनल में तो ऑब्वियसली कॉस्टिंग पहले हुआ करता था एक पेपर था हंड्रेड मार्क्स का कॉस्टिंग एंड क्यूटी बोल के क्यूटी इज क्वांटिटेटिव टेक्निक्स ओके तो हंड्रेड मार्क्स का पेपर था बट आई ने वो डिलीट कर दिया है बट वो जो कंटेंट था बच्चों वो आई ने डिलीट नहीं किया है या तो उसमें से कुछ रिलेवेंट कंटेंट उन्होंने अलग अलग दूसरे सब्जेक्ट में डाला हुआ है या उन्होंने वो सेल्फ पेस्ट मॉड्यूल करके रहता है पता है क्या आपको एक सेल्फ पेस्ट ऑनलाइन मॉड्यूल्स रहता है ना वो भी एग्जाम देना कंपलसरी रहता है आपके लिए राइट right? वो उसमें डाला हुआ है तो अगर आप ये कॉस्टिंग ठीक से नहीं पढोगे ना तो वहाँ पे भी बहुत दिक्कत आएगी इनफैक्ट सी ए ये राइट ये कॉस्टिंग में बहुत सारे ऐसे कंसेप्ट्स हैं जो आपको सीए बनने के बाद में भी काम में आएंगे आप समझ रहे हो क्या ऐसे इस सिर्फ बोलने के लिए नहीं बोल रहा बच्चों में राइट आप कल जाके कोई बिजनेस कर रहे हो तो भी आपको बहुत सारे टर्म्स इसमें से काम में आएंगे कि हाँ भाई वो पढ़ा था या ऐसा रहता है आप समझ रहे हो क्या आई एम नॉट सेंगे आपने रट्टा मार कर लिया कुछ और एज इट इज वो काम में आने वाला है बट जो आप नॉलेज जो आप इनसाइड लोगे सब्जेक्ट के डेफिनेटली दैट इज गोइंग टू बी यूजफुल फॉर योर ओन बिजनेस एज वेल तो ये सब्जेक्ट को इग्नोर मत करना इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट फ्रॉम एकेडमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल एज फ्रॉम योर फ्यूचर पॉइंट ऑफ व्यू ये कॉस्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है मैं बाकी कॉस्टिंग के बारे में और तीन घंटे बात कर सकता हूं बट हमारे पास उतना टाइम नहीं है समझ में आ रहा है कि आपको ये ओके नेक्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज नोट्स फॉर सी ए इंटर कॉस्टिंग इसमें नोट्स क्या रहेंगे आई एम श्योर कुछ लोगों ने नोट्स कलेक्ट किए हुए हैं ओके बट बहुत सारे लोगों ने नोट्स अभी तक कलेक्ट किए नहीं कुछ लोग मेरे ख्याल से आज ही आए यहाँ पे पुणे में या कुछ लोग तो ऑब्वियसली बहुत सारे लोग तो राइट फर्स्ट जून से ज्वाइन होने वाले उनका हॉस्टल का इशू एंड ऑल दूस थिंग्स ओके नोट्स आपने कलेक्ट नहीं किए बट नोट्स में आपको क्या क्या है वो बता देता हूं ओके आपको अभी दिख रहा है क्या स्क्रीन पे कुछ तो ये है तुम्हारा वॉल्यूम वन क्या है ये वॉल्यूम वन बुक है अराउंड फाइव हंड्रेड पेज का बुक है जिनके पास नोट्स है उनको पता है उनको सामने दिख भी रहा होगा वॉल्यूम टू वॉल्यूम थ्री ओके अगर आप ये वॉल्यूम वन है तो अगर आप उसका वॉल्यूम वन का इंडेक्स देखोगे तो वॉल्यूम वन में आपको कुछ चैप्टर्स दिखेंगे वॉल्यूम वन में दिख रहा है क्या कुछ चैप्टर के नाम क्या क्या पढ़ लो बस इंट्रोडक्शन टू कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग उसके सामने पेज नंबर तक नहीं लिखा है मैंने पेज नंबर भी हम ही लिखने वाले ओके नेक्स्ट चैप्टर क्या है कॉस्ट शीट थर्ड क्या है मटेरियल कॉस्ट फोर्थ क्या है एम्प्लॉ कॉस्ट एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस फिफ्थ ओवरहेड्स एंड एबसॉपशन कॉस्टिंग सिक्स एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग ये वॉल्यूम वन में है ये वॉल्यूम टू का इंडेक्स है पढ़ लो ज्वाइंट प्रोडक्ट एंड बाय प्रोडक्ट कॉस्टिंग प्रोसेस एंड ऑपरेशन कॉस्टिंग मार्जिनल कॉस्टिंग स्टैंडर्ड कॉस्टिंग बजेट एंड बजेटरी कंट्रोल ये वॉल्यूम टू है एंड ये है तुम्हारा वॉल्यूम थ्री ये वॉल्यूम थ्री का एक बार इंडेक्स देख लेना आप वॉल्यूम थ्री का और बताओ इसमें क्या क्या चैप्टर्स आपको दिख रहे वॉल्यूम थ्री में हा पढ़ो यूनिट बैच एंड जॉब कॉस्टिंग आईसीआई स्टडी मटेरियल में ये दो चैप्टर है बच्चों यूनिट एंड बैच कॉस्टिंग बोल के एक चैप्टर है जॉब कॉस्टिंग बोल के अगला चैप्टर है मैं आपको क्यों बता रहा हूं क्योंकि बाद में आप नंबर ऑफ चैप्टर काउंट करोगे आप लोग एक चैप्टर कम ले रहे ऐसा नहीं है यहां पर मैंने दो चैप्टर मर्ज किए आप समझ रहे हो क्या कौन से दो चैप्टर है वो यूनिट एंड बैच आईसीआई के एंगल से एक चैप्टर है एंड दूसरा कौन सा है जॉब कॉस्टिंग जो एक्चुअली एक ही चैप्टर है समझ रहा है क्या तो ये मैंने यहां पे मर्ज कर दिया यूनिट बैच एंड जॉब कॉस्टिंग नेक्स्ट कौन सा है सर्विस कॉस्टिंग नेक्स्ट इज कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम्स एंड लास्ट मैंने यहाँ पे दिया हुआ है आईसीए प्रीवियस एग्जाम पेपर्स क्वेश्चन पेपर्स कुछ दिए हुए मैंने यहाँ पे जिस जो हम क्लास में यहाँ पे सॉल्व करने वाले बाद में ओके okay, बच्चों तो ये चार मटेरियल मैं आपको right, राइट प्रोवाइड कर, कर जो लोगों को मिल चुका है उनके पास ये ऑलरेडी है एंड जो लोगों ने कलेक्ट नहीं किया है वो लोगों को आज ये कलेक्ट करना है बच्चों ठीक है बच्चों आज जो ऑनलाइन है ऑब्वियसली उनको नोट्स डिस्पैच हो जाएगा या हुआ भी रहेगा बहुत सारे लोगों को नोट्स मिले रहेंगे ऑफलाइन स्टूडेंट आज एक्सपर्ट के ऑफिस से ये कलेक्ट कर लेना मेरे भाई ठीक है जितना जल्दी हो सकता है उतना नोट्स कलेक्ट करो क्योंकि इसका रीजन इज वेरी सिंपल राइट सबसे पहले तो ये दो घंटे का लेक्चर नहीं है दिस इज मोर देन थ्री आवर्स लेक्चर पर डे ओके मैं दस दिन आपको खुश नहीं रख सकता कुछ तो चिल्लर पड़ा के यहाँ पे समझ रहे हैं ना ताकि आप एडमिशन लो आप समझ रहे हो क्या राइट right? अगर कुछ लोग आज डेमो देखने आए रहेंगे तो आज क्लास के बाद में इमीडिएटली मुझे मिलो चार क्वेश्चन पूछो अगर मैं आंसर दे पाया तो एडमिशन ले लो नहीं तो कहीं और ले लेना और उधर ही बैठना बाद में समझ रहा है क्या चार जगह पे पहले पाँच दिन चार दिन इधर देख रहा है उधर देख रहा है मेरे ख्याल से एकदम मुंह पे एकदम सीधी बात करूँ क्या तुम में वो एबिलिटी ही नहीं है कि एक दिन में तुम समझो कि कौन तुमको अच्छा पढ़ाए समझाया नहीं तुम में वो क्या बताओ एबिलिटी नहीं है अब आपको ये बोलना थोड़ा सा फर्स्ट डे रिस्की है समझाया नहीं फर्स्ट डे बोलना यह थोड़ा रिस्की है समझाया नहीं मतलब फर्स्ट डे इनफैक्ट मैंने क्या बोलना चाहिए कि भाई तुम भगवान हो क्योंकि तुम कंज्यूमर होना दी बट बराबर है कि नहीं बट थोड़ा सा वो बैठता नहीं यार दिमाग में क्या करेंगे कितनी तारीफ करेंगे सामने वाली की फाउंडेशन पास बच्चे की बराबर है कि नहीं उतना है या नहीं है तो तुम किसी भी को भी एक दिन में ऐसा जज कर पाओगे ये थोड़ा सा मुश्किल काम है बच्चों ओके जहां तक मेरी बात करूं मैं तो आप पैदा होने के पहले से मैं ये सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूं आप समझ रहे हो ना आप पैदा होने के पहले से मैं ये लिटरली सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूं आप समझ रहे हो क्या इनफैक्ट ये सी कोचिंग में मैं आपका क्या टू थाउजेंड फाइव सिक्स बॉन्ड रहोगे ना सिक्स सेवन फाइव सिक्स सेवन ये ये रेंज में रहोगे ना तुम तो मैं टू थाउजेंड फोर में सी ए बना था एंड जून टू थाउजेंड फोर में मैं पहला बैच लिया था जून 2004 में पहला बैच लिया था ओके तो मैं तब से पढ़ा रहा हूँ बच्चों मैं दिखता नहीं हूँ बट मैं राइट उतना मैं वैसे तो मैं दिखने के लिए तेईस साल का ही दिखता हूँ ना आपको आज भी <laughs> बराबर नहीं बट आई एम बट मैं बीस साल से पढ़ा रहा हूँ बच्चों नहीं मैं जानता हूँ मैं आपको बोला था ना मैं एग्जैक्ट जानता हूँ आप मुझे तारीफ भी करोगे तो मुझे खुशी नहीं होती है आप समझ रहे हो ना चलो तो <clears throat> समझ में आ रहा है आपको ये क्या बोला था मैं बोलो चार जो सब्जेक्ट चार बुक्स आपको कलेक्ट करना है ध्यान दे रहे हो सब लोग चार बुक्स आपको कलेक्ट करना है एंड जल्दी से कलेक्ट करने का रीजन समझा क्या आपको क्योंकि दिस इज गोइंग टू बी नो नोटबुक दिस इज गोइंग टू बी नो नोटबुक कंसेप्ट क्या ये नो नोटबुक कंसेप्ट ओके आपको जैसे अपने अकाउंट्स का आपके पास क्वेश्चंस रहेंगे अपने बुक में आंसर लिखे रहेंगे आपके नोटबुक में मोस्ट ऑफ द टाइम्स ऐसे ही हुआ रहेगा ओके बट कॉस्टिंग में मैंने यहां पे बुक ही आपको ऐसा बनाया है कि जैसे कि जस्ट एक एग्जाम्पल देखना है तो अब देखो यहां पे ये क्वेश्चन दिख रहा है क्या आपको क्वेश्चन दिख रहा है क्या यानी क्वेश्चन के नीचे पर मैंने जगह छोड़ी हुई है आंसर लिखने के लिए ये क्वेश्चन दिख रहा है नेक्स्ट उसके नीचे मैंने आंसर के लिए जगह छोड़ी है चलो आगे जाके थोड़ा देखते हो ओके लेट से यहां पे देखो आपको दिख रही है यहां पर कुछ जगह देखो ये जगह मैंने क्यूर रखी रहेगी ये देखो ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आप समझ रहे हो क्या तो ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मैंने जगह यहां पे छोड़ी हुई है हर क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मैंने वो क्वेश्चन के नीचे जगह छोड़ी हुई है तो दिस इज अ कंप्लीट नो नोटबुक कंसेप्ट माय फ्रेंड्स दिस इज कंप्लीट अ बोलो नो नोटबुक कंसेप्ट तो ये नो no नोटबुक मैंने बच्चो तो अभी कल से अगर आप नोट्स नहीं लाओगे तो मेरे लिए इट विल बी लिटिल डिफिकल्ट और नॉट फिर क्या होगा आप आपके नोटबुक में लिखना पड़ेगा आपको फिर नोटबुक से वापस नोट्स में कॉपी करना पड़ेगा जो इतना आसान काम नहीं है करेक्ट और नॉट आप वो करोगे नहीं एंड तीन चार पाँच दिन भी अगर आप नहीं करोगे तो फिर पाँच दिन में कम से कम एक बीस पच्चीस पेजेस लिखे जाएंगे क्लास में बराबर है कि नहीं तो फिर वो कॉपी करना मतलब अननेसेसरी आपके लिए काम आपका डुप्लीकेशन ऑफ वर्क हो रहा है ना वो तो बेटर है आप जल्दी नोट्स कलेक्ट कर लेना बच्चों तो कितने नोट्स कलेक्ट करोगे आप चार बुक कलेक्ट करोगे आपको लग रहा है चार चौथा वाला बुक कौन सा है तो ये वॉल्यूम वन वॉल्यूम टू वॉल्यूम थ्री लास्ट वाला बुक क्या है ये एमसी क्यू वाला बुक ओके तो ये फोर्थ वाला बुक जो है ना बच्चो दैट इज सी क्यू बुक ओके कौन सा बुक है वो एम सी क्यू बुक तो यहां पर मैंने सारे चैप्टर्स के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिए जो जो सोर्स आपके पास अवेलेबल है बोर्ड ऑफ स्टडीज का ऐप समझ रहे क्या आई सी के वेबसाइट पे जो क्वेश्चन उन्होंने डेमो बोल के डाले हुए हैं समझ रहा है क्या स्टडी मटेरियल में जो एमसीक्यू है एंड मैंने खुद बनाए हुए एमसीक्यूज सब कंपाइल करके मैंने इलेवन हंड्रेड एम दिए हुए यहां पे आप समझ रहे हो क्या जो आपको कहीं पे भी इंडिया में नहीं मिलेंगे आप समझ रहे हो क्या आपको लगता है कि नहीं सर यहां से तो आपको हर सोर्स से मैं ले चुका हूं ये आप समझ रहे हो क्या ऊपर से खुद एमसीक्यू बनाया मैंने <coughs> आप में से जो लोग मेरे से सीए फाउंडेशन कर चुके हैं उनको तो पता है कि मैंने ब्लैंक पेपर पर पे डायरेक्टली आपको मैथ्स पढ़ाया मैं खुद एमसीक्यू डायरेक्ट यहां पे पढ़ाते पढ़ाते मैं क्वेश्चन बना के आपसे सॉल्व कर लिया तो वो मैं कॉस्टिंग में भी ऑब्वियसली कर सकता हूं एमसीक्यू समझ में आ रहा है क्या तो मैंने वो एमसीक्यू बना केस सिनारियो बेस्ड एमसीक्यूज भी बनाए एंड वो भी यहां पे इस बुक में डाले हुए तो 1100 एंड चैप्टर वाइज कितने एमसीक्यूज है वो भी मैंने वहां पे पेज वन पे, पे ही दिया हुआ है जैसे फर्स्ट चैप्टर के 60 एमसीक्यूज है सेकंड के 110 थर्ड के हंड्रेड एमसीक्यू दिख रहे हैं आपको ये सबके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यहां पे ऊपर से आपके जो रेगुलर नोट्स है ना बच्चो उसमें हर चैप्टर के एंड में आपको कम से कम दस एमसीक्यू मिलेंगे जो आपको वॉल्यूम वन वॉल्यूम टू वॉल्यूम थ्री है ना उसमें हर चैप्टर के एंड में टेन टू फिफ्टीन एमसीक्यूज क्यूज आधे हैं जैसे कुछ बड़े चैप्टर में मैंने ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव थर्टी एमसीक्यूज भी वॉल्यूम वन टू थ्री में भी है मतलब रेगुलर बुक में भी है तो ये एमसीक्यू बुक भी आपको कलेक्ट करना है बच्चों आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस तो ये चार बुक आज आपको कलेक्ट करना है ऑफिस से ऑनलाइन स्टूडेंट्स को ऑब्वियसली डिस्पैच हो जाएगा आपके नोट्स डोंट वरी एट ऑल ओके तो चलो अबाउट द द बैच अबाउट सब्जेक्ट हो गया बच्चों हो गया क्या ड्यूरेशन ऑफ द बैच के बारे में कोई क्वेरी है बैच एप्लीकेबल फॉर विच एटेम कोई क्वेरी है आपको समझ रहा है ना सब कुछ टेंशन में आ गए क्या भाई कंटिन्यू करना है ना या अभी कहीं और जाके डेमो लेना है नहीं ना कहीं और लेकिन लेना है तो ले लो भाई कुछ लोगों को लग रहा है नहीं सर टाइम वेस्ट हो रहा है तो कहीं लेना है तो अभी जाओ भाई डेमो लेना है कहीं और रह गया ना कुछ लोग डेमो मोड में आज क्वेश्चन पूछेंगे मुझे क्लास के बाद सर व्हाट इज़ योर अप्रोच ऑफ टीचिंग व्हाट इज़ योर अप्रोच ऑफ टीचिंग कॉस्टिंग पढ़ेंगे अपन पूरा थोरोली पढ़ेंगे हाउ अब मैं 220 घंटे पढ़ाने वाला हूं भाई समझ में आ रहा है क्या मैं कैसे बताऊँ पाँच मिनट में थरोली पढ़ेंगे ऑब्वियसली अच्छा चलो मेरे पास स्टूडेंट किसी को भी पूछो पढ़ाता है या क्या करता है वो बोलेगी भाई सिर्फ पढ़ाता है वो पूरा पागल है है नहीं पढ़ा पढ़ा के बोर हो गए वापस पढ़ाता है है नहीं तो है, और अपन किस पर्पज के लिए आए यहाँ पे पढ़ाई के लिए आए ओके इंटरटेनमेंट पर्पज है क्या देखो एक बोर नहीं हो रहा है वो एक बात है ओके एंड एंटरटेनमेंट वो दूसरी बात है मैं आपको बोर नहीं होने दूंगा क्लास में उतना ही हीमर रहेगा आपको बिल्कुल ऐसा ये नहीं लगेगा कि अरे और कब लेक्चर खत्म होगा ऐसा नहीं लगेगा वो मेरी गारंटी है ओके बट एट द सेम टाइम मैं आपको खुश नहीं करूंगा <coughs> समझ रहा है क्या मैं आपको खुश नहीं करूंगा आपकी तारीफ करके फ्री वाली समझ रहा है क्या अगर आप में से कोई पढ़ नहीं रहा है ओके okay, मैं उसको डांटूँगा जरूर समझ रहा है फिर उसमें मैं लड़का लड़की ये भी नहीं देखूंगा लड़की है इसलिए कम ये भी नहीं होगा आप समझ रहे हो क्या तुम सब ये बोलते हो ना लड़का लड़की इक्वल तो इक्वल समझ रहा है ना तो फिर इक्वल हर जगह पे इक्वल समझ रहा है ना बच्चों तो क्ला, अपने को सिंसियर रहना है यहां पे समझ रहा है बच्चों तो ऑब्वियसली ये दो महीने का एंड सात दो महीने एंड सात दिन अराउंड सेवेंटी डेज का हमारा ये सफर है बच्चों तो इसमें वी, वी विल मेक मैक्सिमम आउट ऑफ इट ओके okay. ये बैच की के बारे में कभी भी अपने को याद करेंगे ना बाद में जिंदगी भर तो अपने को लगना चाहिए था यार हाँ यार वो क्या थे वो सेवेंटी डेज क्या नॉलेज आया यार और क्या मजे किए साथ साथ में मज़े मतलब हम सब्जेक्ट में मजे करेंगे हाँ अगर आपको लगता है कि सर नहीं सर एंटरटेनमेंट भी कुछ चाहिए अपन बैच के एंड में अपन ये जैसे मैं अमित सर और प्रशांत सर हम आ, आपको एक ग्रैंड पार्टी देंगे जैसे लास्ट बैच में भी हम दिए थे और उससे भी बेटर पार्टी देंगे आपको समझ रहे डी जे पार्टी जहाँ पे नाचो खाओ जो भी कुछ है वो सब करेंगे बट बैच के एंड में चलेगा बच्चों अपन यहां पे सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करेंगे दो महीना ओके? मैं 20 साल से पढ़ा रहा हूं पिछले बच्चों मैं फाउंडेशन में भी बताया था अगर 20 साल में कुछ बदला नहीं है तो वो है डे नंबर वन को जो स्टूडेंट का रिस्पॉन्स रहता है वो डे नंबर वन स्टूडेंट ऐसे बैठता है।, है कि नहीं करना है कुछ तो उसको जिंदगी में बनना है घर से भी ऐसे तिलक लगा के भेज दिया होता है ना जा बेटा है कि नहीं डे नंबर वन हाईली हाई लेवल ऑफ मोटिवेशन बराबर है कि नहीं फिर अभी ये तो मॉर्निंग क्लास है है कि नहीं तो इसमें फिर स्टूडेंट दो चार दिन के बाद सोचेगा वैसे भी सर कल जो पढ़ा है वही शायद एग्जाम्पल्स लेंगे तो मैं ऑनलाइन करूँगा या मैं करूँगा ही नहीं ऑनलाइन कराते कर, करते करते पाँच मिनट में सो जाते हो ऑनलाइन कैसे करते घर पे मतलब ऐसे उठ के ऐसे ओडन इधर वो ये उड़ान है उसका है कि नहीं पूरा मतलब सोने की फुल तैयारी है उसकी सिर्फ क्या है सामने लेक्चर है उससे कुछ होता जाता है नहीं बैकअप वैकअप वो सब कुछ होता नहीं आई एम वेरी श्योर ग्रुप वन का बैकअप पड़ा है आपके पास अभी भी जो हो नहीं रहा है आपसे बराबर है कि नहीं जो आपसे हो नहीं रहा है एंड होगा भी नहीं समझ रहा है क्या तो आपको आपको लगा और नहीं सर पहले दिन से आपने डिमोटिवेट करना चालू कर दिया अरे मेरे भाई बैकअप रखो ही मत ना यार जो लोग फेस टू फेस वाले हैं वो तो रोज क्लास को आओ एंड जो ऑनलाइन कर रहे हैं रोज कर लेला मेरे भाई एंड जो ऑब्वियसली रिकॉर्डेड मोड में ही देख रहा है उसने एक टाइम टेबल बनाना चाहिए एंड रोज का एक टाइम रखना चाहिए कुछ तो कि ये टाइम पे मैं लेक्चर अटेंड करूंगा राइट ऐसे नहीं होना चाहिए कि आज सुबह कर लिया कल दोपहर में आज एक दिन रात को कर लिया तो इससे कोई वो कंटिन्यूटी नहीं रहेगी सब्जेक्ट में मजा नहीं आएगा आपको कुछ समझ रहा है बच्चो तो रोज क्लास को आने आने का अपने को कितने बजे क्लास स्टार्ट होगा अपना सेवन थर्ट सेवन थर्टी मतलब सेवन थर्टी सेवन थर्टी वन भी नहीं होगा ओके सेवन थर्टी को मैं यहां पे रेडर होगा हाँ कुछ टेक्निकल क्वेरी कुछ प्रॉब्लम है सेवन थर्टी वन होगा बट सेवन थर्टी टू होगा बट उससे ज्यादा लेट नहीं होगा सेवन थर्टी के पहले एक दो मिनट लगे तो क्लास स्टार्ट कर दूंगा मैं बट उसके बाद लेट नहीं होगा मैं यहां पर सेवन ट्वेंटी को आ जाऊंगा सेवन ट्वेंटी या पहले आ जाऊंगा जिस दिन मैं सात बीस के आगे यहां पर पहुंचा यहां पर आप मुझे पार्टी मांग लेना मैं उसी दिन आपको पार्टी दे दूंगा आप समझ रहे हो क्या जिस दिन मैं सेवन ट्वेंटी के बाद में सेवन ट्वेंटी वन को भी अगर मैं यहां पे आया तो आप मुझे पार्टी मांग लेना उसी दिन ओके कितने बजे सेवन ट्वेंटी वन को भी अगर मैं आया तो सेवन ट्वेंटी के पहले मैं क्लास में रहूंगा आप समझ रहे हो क्या सेवन ट्वेंटी के पहले एवरी डे टिल लास्ट डे मैं क्लास में रहूंगा सेवन ट्वेंटी वन को मैं आया आप बोलो कि सर तो आप लेट हो पार्टी दे दो मैं उसी दिन पार्टी दूंगा नो आर्ग्यूमेंट्स नो क्वेश्चन समझ रहा है उसी दिन मैं आपको पार्टी दे दूंगा बच्चों सेम डे ओके तो मैंने नोट्स के बारे में बताया आपको नोट्स में आपने को कितने नोट्स कलेक्ट करना है चार बुक कलेक्ट करना है बच्चों ओके जिसमें वॉल्यूम थ्री जो है ना बच्चों अगर आपने उसका इंडेक्स अच्छे से देखा है तो वॉल्यूम थ्री में क्या दिख रहा है लास्ट लास्ट में देखो आप आईसीआई एग्जाम पेपर्स ऐसा कुछ दिख रहा है क्या तो देखो बच्चों मैंने यहां पे ना क्या किया हुआ है आप देखो जैसे यहां पे अगर आप देख पा रहे हो अच्छे से तो ये नोट्स ओके क्वेश्चन आंसर क्वेश्चन आंसर ये फॉर्मेट में दिख रहा है क्या सबसे पहले तो वो देखो नहीं दिख रहा है कुछ भी दिख रहा है ना बच्चों क्वेश्चन के नीचे जगह छोड़ी है ऐसे दिख रहा है क्या कुछ नहीं दिख रहा है भाई ओके चलो वो तो स्टार्ट हो जाएगा देखो ये पेपर है मई 2018 का कौन सा पेपर दिख रहा है मई 2018 का पेपर है उसके नीचे देखो मैंने क्वेश्चन 4 ए उसके नीचे जगह दिख रही क्या आपको उसके बाद में देखो ये फोर बी उसके नीचे जगह छोड़ी हुई है ऐसा मे 2018 थाउजेंड 2018 समझ रहा है देन मे 2019 थाउजेंड 2019 फिर मे 2000 में शायद एग्ज़ाम नहीं हुआ था बिकॉज ऑफ कोविड ओके फिर उसके बाद में नवंबर 2020 फिर और उसके बाद में एक जनवरी में एग्जाम हुआ था वहां क्योंकि उस वक्त दो बार एग्ज़ाम दिया था तो जनवरी का पेपर फिर मे ट्वेंटी वन नवम्बर ट्वेंटी वन समझ रहे हैं आपको ये है? मे 22 टू 22 ट्वेंटी टू मे ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी थ्री एंड मे ट्वेंटी फोर मतलब इस आज से करीबन पंद्रह दिन पंद्रह बीस दिन पहले जो पेपर हुआ है वो मे ट्वेंटी फोर वाला पेपर भी मैंने यहाँ पे डाला हुआ है मे ट्वेंटी फोर वाला देखो ये मे ट्वेंटी फोर का के लिए सोल्यूशन के लिए जगह छोड़ी हुई है ये देखो ये मे ट्वेंटी फोर वाला तुम्हारा पेपर है कौन सा पेपर है मे ट्वेंटी फोर वाला पेपर है दिख रहा है क्या आपको ये मे 24 वाला एंड वो सॉल्व करने के लिए मैंने यहाँ पे जगह छोड़ी है तो हम वहाँ तक सॉल्व करेंगे इससे ज्यादा मैं अपडेट नहीं कर सकता इससे ज्यादा अपडेट करने के लिए तुम्हारा ही पेपर डालना पड़ेगा मुझे आप समझ रहे हो क्या ये नोट्स कब तक अपडेटेड है फिर मे 24 का एग्जाम पेपर्स भी मैंने यहां पे दिए हुए एंड ये एग्जाम में से मैक्सिमम क्वेश्चन हम क्लास में ही कंप्लीट करेंगे क्लास में हम कोशिश करेंगे कि विदाउट एनी होम एक्सरसाइज हम क्लास में ही कंप्लीट कर पाएंगे बच्चों आप समझ रहे हो क्या बाकी ऑब्वियसली बाकी सारे चैप्टर्स के ऑल क्वेश्चन वी आर गोइंग टू कवर इन द क्लास इट्सल्फ ओके मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे एक अच्छी बात बताऊंगा कि आपको रिवीजन करने के लिए ना बच्चों आप खुद हो के मैं बोलूंगा कुछ अगर कोई कंसेप्ट चल रहा है तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करके आ सकते हो वहां पे दिखता है ना अपने को क्वेश्चन बट मैं इन स्पाइट ऑफ दैट आई विल सॉल्व ऑल द क्वेश्चन इन द क्लास इट सेल्फ एज इफ आपने कोई इसके पहले पढ़ाई नहीं की तो विल स्टडी फ्रॉम द वेरी बेसिक्स ओके आपको कुछ भी नहीं आता है वहां से अपन स्टार्ट करेंगे एंड ईच एंड एवरी क्वेश्चन वी विल सॉल्व इन द क्लास ओके तो ये नोट्स रिलेटेड आपको कुछ डाउट हो तो बोलो आप मुझे अभी बोलो नोट्स फॉर सी ए इंटर कॉस्टिंग ओके चार वॉल्यूम है वन टू थ्री ओके एमसीक्यू बुक ओके ऑनलाइन स्टूडेंट्स हो सकता है कुछ लोगों को कि सर अभी तक हमारे पास नोट्स नहीं है एंड डिस्पैच को इट विल टेक फ्यू डेज तो मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो आप वीडियो देख रहे हो उसके डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है और वहां पे आपको चैप्टर वन के नोट्स मिलेंगे ओके तो चैप्टर वन का उतना प्रिंट आउट निकाल लेना ओके एंड उसमें लिख लेना बाद में वो चैप्टर वन वहां पर आपके बुक में अटैच कर देना वहाँ पे वो पेजेस निकाल के दूसरी ये पेजेस डाल के स्पायरल बाइंडिंग कर देना चल सकता है ना तो जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स है वो चैप्टर वन का प्रिंटआउट निकाल सकते हो तो वो नोट्स मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाले विनोद रेड्डी टेलीग्राम चैनल पे भी डाले हुए विनोद रेड्डी टेलीग्राम चैनल पे भी ये नोट्स है ठीक है बच्चों? ओके तो वॉट इज वॉट आर द नोट्स इसमें क्लैरिटी है वॉट इज नो नोटबुक कंसेप्ट इसमें क्लैरिटी है नो नोटबुक कंसेप्ट अच्छा नो नोटबुक कंसेप्ट का टॉपिक है इसलिए मैं साथ साथ में बता दूं मैं लास्ट बैच में बाद में थोड़े दिनों के बाद बताया था इसलिए राइट कुछ लोग नाराज़ हो गए थे तो मैं आपका आप जो नोटबुक बनाओगे ओके तो जो बहुत नोटबुक मतलब ऑब्वियसली नोट्स अपना मैं नोट note, जो नोट्स इशू करूंगा उसी को नोटबुक भी बोलते हैं ना हम लोग बराबर है ना तो आप बहुत अच्छे से लिखना क्योंकि नोट्स ये तुम्हारा सबसे बड़ा दोस्त रहेगा बिफोर द एग्जाम नोट्स बहुत अच्छे होना बहुत इंपॉर्टेंट है एंड कॉस्टिंग ये सब्जेक्ट ऐसा है कि जहां पे इट रिक्वायर्स सिस्टमेटिकनेस ओके अकाउंट्स एंड कॉस्टिंग में अगर कोई डिफरेंस है बोलोगे तो अकाउंट्स में क्या होता है मोस्ट ऑफ द टाइम्स एक कैटेगरी आया तो उसके पांच छह क्वेश्चन उसी कैटेगरी के चलते बाद में एडजस्टमेंट एक दो चेंज होते हैं बट ऑलमोस्ट क्वेश्चन का टाइप सेम रहता है बट कॉस्टिंग में ऐसा नहीं होता है कॉस्टिंग में ये बहुत चेंज होता है पहला एक ही चैप्टर का एक क्वेश्चन पढ़ा अगला क्वेश्चन में कंप्लीट अलग फॉर्मेट बनता है कंप्लीट अलग टेबल बनता है एंड ऑल तो स्टूडेंट का क्या प्रॉब्लम रहता है कि सर आपके साथ सब समझता है खुद को नहीं आता है आपके साथ बहुत अच्छी समस्या है मैं जब सॉल्व करूं ऐसा लगता है कि ये तो बहुत आसान है बहुत आसान है बहुत आसान है घर पर सॉल्व किया कुछ नहीं जम रहा है इसका प्रॉब्लम क्या होता है ये क्यों है क्योंकि स्टूडेंट बाद में क्या करता है प्रैक्टिकल सब्जेक्ट भी पढ़ता है पढ़ता है बोल रहा हूँ मैं ऐसे देखता है जैसे ऑडिट कर देना अपन हाँ करेक्ट राइट right. फिर नंबर देखता है ये नंबर कहाँ से है अच्छा ये वेस्ट ऑफ टाइम है समझाया नहीं आपने प्रैक्टिकल सब्जेक्ट कैसे करना चाहिए क्वेश्चन ब्लैंक पेपर सॉल्व कर रहा है कुछ नहीं आ रहा है कुछ नहीं आ रहा है पाँच मिनट सोचा कुछ तो गलत कर दिया समझ रहा है क्या वट सही आंसर देख लिया उसको रेक्टिफाई कर लिया समझा या नहीं अगला क्वेश्चन देखा कुछ नहीं आ रहा है अगला क्वेश्चन देखा और कुछ नहीं आ रहा है समझा क्या सोल्यूशन देखा चेक कर लिया धीरे 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 क्या होगा थोड़ा थोड़ा आने लग जाएगा एंड धीरे धीरे क्या होगा आगे और बहुत अच्छे से आने लग जाएगा समझ रहा है क्या दिस इज द प्रोसेस समझ रहा है अगर आप बोलोगे कि नहीं सर मैं सब पढ़ के निकालूंगा तो वो जस्ट टाइम पास राइट टाइम पास करने में आई होप आपको कोई इंटरेस्ट नहीं है बराबर है ना तो आपको नोटबुक बहुत अच्छे से बनाना है समझ रहा है क्या क्या बनाना है नोटबुक मतलब ये नोट्स आपने को बहुत अच्छे से बनाना है क्लास में जितना अच्छा लिखोगे मतलब मैं डेकोरेशन नहीं बोल रहा हूं प्रेजेंटेशन आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट सर हैंड राइटिंग बहुत अच्छे रखो सर ऐसा डिजाइन करो उसमें पाँच कलर के पेन यूज कर लो वो नहीं बोल रहा हूँ मैं आएम नॉट टॉकिंग अबाउट डेकोरेशन आई एम टॉकिंग अबाउट प्रजेंटेशन प्रजेंटेशन अच्छा रखो ओके तो जस्ट फॉर लिटल बिट मोटिवेशन इन मेंटेनिंग द बुक मैंने आपको लास्ट बैच में कुछ अवार्ड रखे थे प्राइजेस रखे थे मैं आपको क्लास के बाद में जिनको सबमिट करना है वो सबमिट कर सकते जिनको लगता है कि अपना लेवल ही नहीं है कि अपन फर्स्ट आए आप मत करो सबमिट बट क्लास के बाद में आपके तीनों वॉल्यूम कंप्लीट रहेंगे जिसमें आपने लिखा रहेगा तो वो तीनों वॉल्यूम अगर आप ऑफिस में सबमिट करते हो एक चार दिन के लिए हम लोग सब चेक करते हैं उसके बाद में कुछ पैरामीटर्स पे हम चेक करते हैं कि किसका बुक सब सबसे अच्छा लिखा लाइक like, कंप्लीट है क्या राइट right? उसने टेबल्स अच्छे से बनाए हैं क्या राइट right? रुपीज़ का वगैरह सिंबल मेंशन है क्या नंबर्स बराबर लिखे हैं क्या समझ रहा है क्या एडिशनल नोट्स कुछ लिखे हैं क्या खुद ने कुछ पॉइंटर्स बनाए हैं क्या उस कुछ पैरामीटर्स पे हम चेक करते हैं एंड जो सबसे अच्छा बुक बनाएगा उसको हमने प्राइस रखा है एलेवन ओके okay? जो सेकंड लिखेगा सेकंड है उसको फाइव थर्ड को फोर फोर्थ को थ्री एंड उसके बाद में हम लोग कुछ कॉन्सलेशन प्राइजेस देते पचास प्राइजेस हमने दिए थे लास्ट बैच में पचास लोगों को ओके okay? तो ये लास्ट बैच के देखो अगर आपको ये दिख रहा है तो ये श्रेया पाटिल करके एक लड़की थी जो फर्स्ट आई थी इलेवन थाउजेंड रुपीज का उसको दिया था ये फर्स्ट सेकंड थर्ड आपको दिख रहे क्या ये सब ये टॉपर से ये देखो ये लड़की फर्स्ट आई थी उस समय पे ये लड़की उस वक्त फर्स्ट आई थी नोटबुक में जिस इसने सबसे अच्छा नोटबुक बनाया था उस समय पे सबसे अच्छा नोटबुक लास्ट बैच में इसने बनाया था तो ये तीन चार लोगों को मैंने दिया हुआ है पचास लोगों का फोटो मैंने नहीं डाला यहां पे बट पचास लोगों को मैंने प्राइसेज दिए थे बहुत अच्छा नोटबुक बनाने के लिए तो मैं आपको डे नंबर वन को ही बता रहा हूं बहुत अच्छा बुक बनाओ राइट इससे देखो ये मनी प्राइज इज नॉट द मोटिवेशन तुम्हारा फायदा होगा एंड ये अगर मिला तो बहुत अच्छी बात है राइट एक जस्ट एक एडिशनल मोटिवेशन देने के लिए मैंने ये प्राइजेस रखे आप बहुत अच्छा बुक बनाओ राइट दैट्स द ओनली पर्पज फॉर दिस ओके गेटिंग प्राइज इज जस्ट अ सेकंड ये तुम्हारे लिए फ्यूचर में इलेवन थाउजेंड रुपीज भी वो एक छोटी सी अमाउंट रहेगी ओके? मी हम लोग जब स्टैंडर्ड में थे ना बच्चों, तो हम लोगों को जो क्लास में टॉपर आता था, था ना कॉलेज कालेवन साइंस में था में, 11, 12, तो उसमें जो में, ने 40 में से चालीस लिए क्लास का टॉपर है एक रुपए बट उसके लिए हम लोग इतना पढ़ते थे कि बस क्योंकि प्रिंसिपल आता था क्लास में समझ रहे रहा चालू क्लास में प्रिंसिपल सर आते थे एंड आगे बोलते थे कि हाँ चलो ये टॉपर है सामने आके उस जमाने में फोटो वोटो नहीं थे इतने ज्यादा कुछ ऐसा सोशल मीडिया वगैरह नहीं था कि भाई तुरंत इंस्टाग्राम पे स्टोरी डाल ली वगैरह वो, वो नहीं था बट प्राइस जरूर था कितना था वन रुपी था बट उसके लिए हम लोग इतना पढ़ते थे आप समझ रहे हो क्या तो प्राइज मनी इज नॉट इंपॉर्टेंट मे बी इलेवन थाउजेंड इज नॉट अ वेरी बिग अमाउंट फॉर ऑल ऑफ यू कंसिडरिंग योर फ्यूचर नॉट प्रेजेंट ओके बट आप नोटबुक अच्छा बनाओ ये उसका पर्पज है ओके okay? तो दिस प्राइजेस मैंने आपको बताया राइट प्राइजेस फॉर मेकिंग नोटबुक अच्छा नोटबुक बनाओगे तो बहुत अच्छा रहेगा बच्चों आर द नोट्स अपडेटेड मैंने बताया आपको ये, नोट्स कहां तक अपडेटेड है मे 24 एग्जाम क्वेश्चंस तक नोट्स अपडेटेड जिनके पास नोट्स मिले आप देख सकते हो आपको एड वॉल्यूम थ्री के एंड में मे ट्वेंटी फोर का पेपर भी मिलेगा जो पंद्रह दिन पहले हुआ है एंड अगर आप मे ट्वेंटी फोर के कोई भी बंदे को पकड़ो नवंबर ट्वेंटी थ्री वाले को पकड़ो और उसको पूछो कि भाई क्लास में जो सॉल्व करते वही क्वेश्चन आते क्या वो बोलेगा कि हा, हाँ भाई नाइन् परसेंट वही रहता है अब नंबर बदल के तो क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं ना हम लोग अच्छा जो लोग फाउंडेशन में वैसे किए थे क्या किया था मैथ्स मैंने पढ़ाया था एग्जाम में हिस्ट्री आया था क्या आया था जो अपन क्लास में पढ़ाया था वही आया था या दूसरा कुछ आया था वही आया था या नहीं एंड ऑलमोस्ट उसी लाइन पे थे बट अब कुछ लोग बोलो नहीं सर कुछ तो दूसरा आया था हाँ आया रहेगा चार क्वेश्चन आए रहेंगे कुछ तो अजीब क्वेश्चन रहेंगे चार अब अच्छा बताओ चार क्वेश्चन अजीब है ये बोलने का हक उसको है जिसको नाइनटी सिक्स मार्क्स है समझा या नहीं अगर तुमको मार्क्स ही बाईस है तो तुम बोल सकते हो क्या नहीं सर वो चार क्वेश्चन तो चार क्वेश्चन तुम्हारे सेवेंटी मार्क्स लिखे गए समझ रहा है क्या अब कॉस्टिंग में भी कुछ कुछ लोगों का ऐसा रहता है एक क्वेश्चन कुछ तो होंगे नहीं सर वो क्वेश्चन बहुत टफ था जैसे अभी एफ का पेपर था मैं ट्वेंटी फोर वाला अगर आप देखोगे ना एफ एम का पेपर इंस्टीट्यूट एक खाद पेपर में तो लेगी ना यार बच्चे की है या नहीं बराबर है कि नहीं अब बताओ ऐसा कुछ होगा क्या कि सारे पेपर एकदम ऐसा कभी ना कभी कुछ प्रोफेशनल एग्जाम है जिसका रिजल्ट कंट्रोल करना है जिसका इतना स्ट्रांग फ्यूचर है नंबर ऑफ सी एज लिमिटेड है आपको लगता है क्या ऐसा बिल्कुल एकदम राइट right, एज इट इज़ रहेगा तो भी अगर अपन ये चार बुक अगर अच्छे से कंप्लीट करते बच्चों बहुत कम चांस है कि इसके बाहर का कुछ आएगा समझ रहा है क्या एंड अगर ये आप इज्जत से करोगे ना इतना ईमानदारी से करोगे ना आपका बैड लक भी हो गया ना बच्चों आप बोलोगे सेट यार राइट बैड लक हो गया तो भी आपको सेवेंटी मार्क्स आएंगे सेवेंटी मार्क्स आएंगे जैसे मैथ्स में सी ए फाउंडेशन में कुछ लोगों को पेपर अच्छा भी नहीं गया वो लेगा हर चल अच्छा नहीं गया सेवेंटी आ गए आ नहीं गए सेवेंटी फाइव आ गए समझ रहा है क्या जबकि किसी का ड्रीम स्कोर था ही। किसी दूसरे का ये ड्रीम स्कोर हो सकता है कि नहीं बट अपने लिए ऐसा होना चाहिए कि भाई बैड लक भी आए तो अपने को इतने मार्क्स आएंगे अपना प्रिपरेशन का लेवल हो चाहिए ओके नेक्स्ट क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वेदर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आर कवर्ड इसका क्या आंसर है यस फोर्थ वाला बुक मैंने लास्ट बैच में ये बुक इश्यू नहीं किया था क्योंकि लास्ट बैच में एम सी क्यू आईसीआई ने फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किए थे एंड उस वक्त पता भी नहीं था कि एग्जैक्टली exactly वो कैसे एम सी क्यू पूछते क्या करते बट अब इस बार तो हमारे पास राइट right, एक ऑथेंटिक डेटा है कि आईसीआई कैसे एम सी क्यू पूछते क्या करते तो मैंने पूरा एम सी क्यू बुक बना के आपको दिया हुआ है बच्चों ओके नेक्स्ट इज योर शेड्यूल एंड आर्स ऑफ स्टडी तो आपका क्या शेड्यूल है अभी अभी ये सेकेंड ग्रुप में आपका शेड्यूल क्या रहेगा सेवन थर्टी टू इलेवन कॉस्टिंग बराबर है, है ना उसके बाद में इलेवन फिफ्टीन टू वन फोर्टी फाइव बराबर ना ऑडिट एंड उसके बाद में एफ एम एंड एस एम गेट फाइव थर्टी को मेरे ख्याल से आप फ्री हो रहे हो बराबर है ना एंड फाइव थर्टी के फाइव थर्टी के बाद में बच्चों पढ़ाई करो एंड फाइव थर्टी के बाद में आठ घंटा दस घंटा पढ़ाई मत करो बट एंश्योर की आज से यू आर स्टडिंग मिनिमम फॉर टू आवर्स मिनिमम फॉर टू आवर्स टू टू आवर्स टू टू एंड हाफ आवर्स आप पढ़ाई कर रहे हो ऑन डेली बेसिस प्लीज एंश्योर करो मैं फाउंडेशन वाले बच्चों को बताया कि मैं रोज ये बोलता था आपको समझ रहा है कि नहीं तो प्लीज कंसिस्टेंसी इंपॉर्टेंट मैंने यहां पे लिखा था व्हाई कंसिस्टेंसी एंड इंपॉर्टेंट और मेयर सीरियसनेस कुछ कुछ कॉमर्स में बच्चे रहते ना जो सिर्फ सीरियस है क्या है सीरियस उसको बोला भाई चल मूवी देखने जाते मूवी <laughs> को आया क्या नहीं चल भाई पार्टी करते मजे करते चल सी हमारा कोर्स हमको अलाउ ही नहीं करता ये चीज बराबर है ना चल भाई क्रिकेट मैच देखते समझो मैं आपको बहुत सारे ऐसे बोलता हूँ ना कुछ कुछ लोग मैं बहुत ऐसा जोक में सार्केस्टिक में बोलता हूँ कि वो मच्छर कैटेगरी के लोग मच्छर कैटेगरी के लोग समझते पता है क्या आपको मच्छर मच्छर ये देखो मच्छर इधर भी घूम रहा है मच्छर कैटेगरी को मतलब वो जो मच्छर जो काटता भी नहीं और जाता भी नहीं ऐसा रहता है ना मच्छर करके आता है है कि नहीं अगर उसको समझो ओपन ऑफर दे दिया एक काम कर चल काट ही दे तेरी रिक्वायरमेंट कितना है तीन एम ले एंड निकल यहां से तू भी सोचा मैं आराम करता हूं वो का, नहीं। काटूंगा? नहीं। जा फिर उधर बैठ तू उधर बैठ मैं इधर बैठता हूं आराम करते नहीं करेगा क्या गीं, गीं, ऐसे घूमेगा बाजू बराबर है कि नहीं कुछ स्टूडेंट ऐसे रहते चल भाई पढ़ाई कर क्या जिंदगी हो गई यार कुछ नहीं यार जिंदगी में झंड हो गई बराबर है कि नहीं अच्छा पढ़ रहे क्या फिर नहीं जिंदगी झंड हो गई ना उसकी एक काम करते चल आ, पार्टी करते रात को तीन चार बजे तक नाचेंगे वापस आ जाएंगे तीन चार नहीं भाई डेढ़ बजे तक अभी अभी अलाउड नहीं है बराबर है ना तो तो नाचेंगे वापस आ जाएंगे समझ रहे क्या पार्टी करेंगे ऐसा करेंगे कुछ तो मैच देखेंगे वाट एवर इंटरटेनमेंट नहीं चले काम करते छोड़ दे एंटरटेनमेंट पढ़ते क्या जिंदगी हो गई यार कर क्या रहा है भाई तू है कि नहीं ना जिंदगी के मजे ले रहा है ना जिंदगी के मजे समझ रहा है क्या बराबर है बस जिंदगी तेरी ले रही है ऐसा हो गया है ना आप समझ रहे हो क्या एक डिसाइड कर लो कुछ तो तुम्हें कितना पढ़ना है एंड उसके बाद में जितना पढ़ना है उसके बाद में आपके जो भी बाकी शौक है एक्स्ट्रा करिकुलर वाटेवर रहेंगे और वो सब कंटिन्यू हो सकते हैं यार समझ रहा है कि नहीं कोई डांस करता है कर सकता है इसके आगे भी कोई अगर कोई गिटार बजाता है वो बजा सकता है कोई सिंगर है इसके बाद में भी रह सकता है कोई डांस करता है कोई कुछ करता है वाटेवर सब कंटिन्यू हो सकता है कुछ कुछ लोग क्या करते हैं राइट मैं डांस कर रहा हूँ अभी मैं सी कर रहा हूँ मैं डांस छोड़ दिया मैं सी कर रहा हूँ मैं क्रिकेट छोड़ दिया मैं सी कर रहा हूँ मैंने गिटार बजाना छोड़ दिया समझ रहे अच्छा फिर सीए से इद्दत से कर रहा है भाई दिन रात पढ़ता रहेगा गिटार बजाना तक छोड़ दिया तूने क्या जिंदगी हो गई <laughs> बोला था ना मच्छर कैटेगरी काटता भी नहीं और जाता भी नहीं करे पढ़ता भी नहीं और मजे भी नहीं करता है बराबर नहीं सिर्फ क्या उसको हमेशा वो दुखी आत्मा है बस ऐसा सीए में बहुत है ऐसे लाइब्रेरी में बैठे रहते हैं आपने देखे रहेंगे कुछ कुछ लोग पांच पांच आठ आठ अटेम्प्ट बराबर कि नहीं दस अटैम्प्ट आटेम, बारह अटैम्प्ट नहीं और फिर लोगों को बताते ऐसे पढ़ वैसे पढ़ बराबर है कि नहीं तो अपने को वो कैटेगरी में नहीं जाना है बच्चों समझ रहा है क्या सी ए कोई डिफिकल्ट कोर्स नहीं है अच्छे से पढ़ने वाला हर बंदा पास होता है मैं क्या बोल रहा हूँ रिपीट करूँ अच्छे से पढ़ने वाला हर बंदा पास होता है आप समझ रहे हो क्या मैं क्या बोल रहा हूँ अच्छे से पढ़ने वाला हर हाँ बंदा पास हो एंड उसके लिए कोई दिन रात में दिन रात एक कर दिया 24 घंटे में पढ़ा ऐसा कुछ नहीं होता यार राइट एक रीजनेबल पढ़ाई कर लो डेफिनेटली तुम पास हो जाओगे कोई प्रॉब्लम ही नहीं है बट सबसे इंपॉर्टेंट क्या है क्लास में अभी तुम बोलोगे कि सर क्लास में हमारा क्या अप्रोच है नंबर वन एक चीज तो आज डिसाइड कर लो कि कुछ भी हो जाए मैं क्लास को आऊंगा कुछ भी हो जाए ओके अब आपको लगेगा कल से कि ऐसा होता है अभी एक आपको हो सकता है ये सेवन थर्टी आने के लिए कुछ लोगों को साढ़े पाँच बजे उठना पड़ेगा कुछ लोगों को साढ़े छः बजे डिपेंड्स आप कहाँ पे रहते हो ये सब ओके बट आपको क्लास को आना है या ऑनलाइन रहेगा तो आपको जो भी कुछ है क्लास करना है ऑफलाइन वाले स्टूडेंट ये नहीं सोचेगी कि मैं आज के दिन ऑनलाइन करूँगा बस एक दिन जब वो ऑनलाइन पे शिफ्ट हो जाओगे ना बच्चों तुम कम से कम बीस लेक्चर ऑनलाइन हो जाएंगे तुम्हारे मोमेंट यू टेक दैट लिबर्टी बस वो कंटिन्यू होगा समझ रहा है क्या आपने डिसाइड करना है कि मुझे एक लेक्चर भी राइट right, ऑनलाइन नहीं करना है मैं फेस टू फेस स्टूडेंट की बात कर रहा हूं आपको राइट right, सारे के सारे लेक्चर्स ऑफलाइन करना है तो यहां पे फेस टू फेस करना है आपको क्या पॉइंट है मुझे बताओ यार तीन महीने के बाद तुम स्टेटस डालोगे या स्टोरी डालोगे इंस्टाग्राम पे मिसिंग दोज क्लास डेज उसे अच्छा आज मुझे करो ना यार बराबर कि नहीं अपना वो ह्यूमन टेंडेंसी फाउंडेशन में भी आपको बताया था एक ह्यूमन टेंडेंसी है कि नहीं अपना? अपना आज क्या बोलते क्या यार वो ट्वेल्थ स्टैंडर्ड के दिन थे मजे थे अच्छा सच्ची में मजे किए क्या उस वक्त तुम ये तो आज बोल उस वक्त उस वक्त उस वक्त तुम्हें मालूम था कि तुम मजे कर रहे हो उस वक्त तुम उस वक्त क्या बोलते थे क्या यार ये ट्वेल्थ है क्या नहीं ऐसा वैसा अच्छा तुम्हें बाद में आने के बाद क्या लग रहा है अरे यार वो दिन अच्छे थे इन इफेक्ट आपको इलेवन ट्वेल्थ में क्या बोलते रहोगे बताओ क्या अरे यार वो टेंथ के क्या दिन थे यार अब तो कॉलेज में जिंदगी झंड हो गई वो टेंथ में मतलब हमेशा मैं बोला था आपको एक कि हमेशा एक पैर बोलू क्या एक पैर अपना कहाँ पे रहता है पास्ट पे क्या दिन थे दूसरा पैर कहाँ पे रहता है फ्यूचर पे मैं अमेरिका जाऊँगा मैं ये करूंगा मैं वो करूँगा तो आप सोचो एक पैर पास्ट पे है दूसरा फ्यूचर पे है तो प्रेजेंट पे क्या हो रहा है बराबर है कि नहीं प्रेजेंट पे क्या हो रहा है प्रेजेंट पे सुसु हो रहा है लिटरली बराबर है कि नहीं प्रेजेंट पे तो यही हो रहा है ना तो वो काम नहीं करना है भाई समझ रहा है क्या हमेशा अपन पास्ट फ्यूचर पास्ट फ्यूचर ऐसा वो दिन क्या थे फ्यूचर में मैं ये करूंगा वो क्या थे अरे भाई आज देख ले आज के तीन लेक्चर से अच्छे से कर ले तीन चार लेक्चर जितना हुआ है अच्छे से पढ़ ले बस दो घंटा घर जाके पढ़ ले मजे ले जिंदगी के बराबर है कि नहीं दो ढाई घंटा पढ़ ले बाकी तेरा जो शौक है वो कर ले भाई सी ये जिंदगी थोड़ी है आप समझ रहे हो या नहीं सीधी सी बात है तो बट जिंदगी का एक बहुत अहम हिस्सा है वो भी याद रखो ऐसा मत समझो कि ये जिंदगी ये थोड़ी जिंदगी है इसलिए कुछ कर ले बट ये एक अहम हिस्सा है एक पर्टिकुलर एज में जो इंपॉर्टेंट है अब मेहनत नहीं करोगे बाद में करना पड़ेगा बराबर है कि नहीं बाद में करना पड़ेगा एंड बाद में उस समय पे करना पड़ेगा जहाँ पे बहुत ज़्यादा इरीटेट होगा उससे तो बेटर है कि अभी मेहनत करे बेटर है कि अभी मेहनत करे, आईआईटी वाला बंदा एक ही बार मेहनत कर लेता है आईआईटी में गया मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि वहाँ पर बाद में उसको मेहनत ही नहीं करना है बट यार उसका फ्यूचर सिक्योर्ड है कि नहीं उस समय पर आई का कोई बंदा बाद में ऐसे रहता अनएम्प्लॉयड रहता है क्या बहुत कम हाँ वो खुद जॉब नहीं करेगा ये हो सकता है बट उसको जॉब ही नहीं मिल रहा है ये पॉसिबिलिटी नहीं है आप समझ रहे हो क्या तो सीए भी कुछ ऐसा ही है आप एक बार कर लोगे सीए अनएम्प्लॉयड है बिल्कुल उसको काम ही नहीं है ऐसा होता ही नहीं है तो एक बार मेहनत करो नहीं तो फिर बाद में मेहनत करना पड़ेगा यार एंड गलत टाइम पे मेहनत करना पड़ेगा तो अभी अच्छे से करना बेटर है या नहीं है तो थोड़ा सा सिंसैरिटी रखो मैं क्या बोल रहा हूं कंसिस्टेंसी दैट डिटर्मिनेशन राइट इज मोर इंपॉर्टेंट दैन सीरियसनेस एंड मोटिवेशन क्या मैंने बोला मोटिवेशन Motiv से इंपॉर्टेंट क्या है डिटर्मिनेशन एंड प्रिपरेशन क्या इंपॉर्टेंट है प्रिपरेशन जैसे मैं कई बार बताता हूं प्रिपरेशन एक प्रोसेस फॉलो करना इज मोर इंपॉर्टेंट देन मियर मोटिवेशन सिर्फ मोटिवेशन कुछ लोगों को रोज मोटिवेशन तू कर पाएगा भाई जिंदगी में तुझे कुछ करना है माँ बाप के लिए करना है उसके लिए करना है देख तेरे मां बाप की क्या एक्सपेक्टेशन है रोज रोज अच्छा नहीं लगता है यार अपने माँ बाप भी अपने को रोज बोलते हैं ना कि मैं सौ रुपए लेकर शहर में आया था पहले एक दो बार अच्छा लगता है बाद में बोर होता है वो बराबर है कि नहीं वो रोज उसी लेवल का मोटिवेशन नहीं कर सकते ना तो आपने को क्या करना है मोटिवेशन से इंपॉर्टेंट क्या है प्रिपरेशन क्या इंपॉर्टेंट है प्रिपरेशन सिर्फ मोटिवेशन से अपन कोई काम कर पाएंगे क्या अच्छा मुझे बताओ ये लड़की बहुत मोटिवेटेड है बट उसने पढ़ाई कुछ भी नहीं की एंड एग्जाम के पहले मैं इसको बोल रहा हूँ कि यस तू कर सकती है तू नहीं करेगी तो कौन करेगी यू आर द विनर जा फाड़ दे एक्चुअल पेपर फाड़ना पड़ेगा उसको वो तो छोड़ो पढ़ाई कुछ की नहीं राइट होने वाला है क्या बट आप बताओ वर्षे so दूसरी लड़की जिसने मान लो ये अच्छे से राइट right, रोज़ क्लास की है दो घंटे पढ़ाई की है राइट नाइन्टी नाइन्टी फाइव परसेंट उसने सिलेबस कवर कर लिया है हंड्रेड परसेंट कवर कर लिया है रिविजन किया है जितना हो सकता है राइट right, कुछ क्वेश्चन उसको नहीं भी आते रहेंगे कोई प्रॉब्लम नहीं डेफिनेटली वो पास हो जाएगी समझाए नहीं उसको सिर्फ मोटिवेशन क्या लास्ट में थोड़ा समझो थोड़ा डर लग रहा है उसको ओवरकम करने के लिए मोटिवेशन चाहिए यस तू कर सकती है तू विनर है तूने बहुत अच्छा मेहनत किया है अब समय चुका है कि वो मेहनत को मार्क्स में कन्वर्ट करे हाँ मोटिव काम कर रहा है यहां पे बट किसके बाद काम कर रहा है प्रिपरेशन के बाद तो बिना प्रिपरेशन के सिर्फ मोटिवेशन काम में आएगा क्या राइट तू कर सकता है है भाई तू तू विनर तुझे कोई हरा नहीं सकता ये क्या चीज है क्या चीज है 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 दिखती है बराबर बराबर मार्क्स में है या नहीं है प्रिपरेशन के बिना मोटिवेशन किसी काम का नहीं है तो वो प्रिपरेशन इज इंपॉर्टेंट माइ फ्रेंड्स सिर्फ सीरियसनेस काम में नहीं आने वाला है ओनली सीरियसनेस इज ऑफ नो यूज माई फ्रेंड्स ओके लास्ट थ्री मंथ्स का स्ट्रैटेजी ये अपन क्वेश्चन बाद में बाद के लिए पेंडिंग रखिएगा आप ये जब अपन क्लास के एंड एंड में जाएंगे वहां पर आपने इसके बाद में क्या करना चाहिए वो डिस्कस करेंगे करेक्ट है आज तो अपन ये सेकंड ग्रुप के सब्जेक्ट भी ठीक से नहीं जानते तो ये अपन बाद में डिस्कस करेंगे ओके बच्चों देन व्हाट शुड बी अवॉइडेड इन कॉस्टिंग बैच ओके मैंने कुछ हद तक इसका आंसर दे दिया है ओके okay, क्या अवॉइड करना है अपने को सबसे पहले क्या करना है रोज क्लास को आना है क्या करना है एवरी डे यू नीट टू कम टू द क्लास आपको कल परसों या आठ दिन के बाद दस दिन के बाद ऐसा लगेगा कुछ लोगों को लगेगा ऐसे कि सर आ, एक दिन ऑनलाइन कर लेता हूँ एक दिन घर पे बैठ जाता हूँ कुछ तो इंपॉर्टेंट है ये है वो है या नींद आ रही है अब सुबह का वैसे तो वो भी हो सकता है ना? सर वो सुबह नींद आ रही थी है कि नहीं तो वो पांच मिनट का फेज़ आपको सिर्फ ओवरकम करना है जहाँ पे आपको लगता है ना कि आज मैं क्लास को नहीं जाऊँगा आपको खुद को बताना है कि भाई तुझे तेरे पास चॉइस नहीं है तुझे क्लास को जाना है तुम वो पांच मिनट दो मिनट जब आपको लगता है ना कि मैं आज क्लास को नहीं जाऊँगा तुम अपने आप को कन्विंस कर दिया ना बच्चों यूल नेवर रिग्रेट दैट नेवर रिग्रेट आपको बाद में यही लगेगा कि अच्छा किया भाई मैं क्लास को आ गया राइट फालतू में सोया रहता बाद में क्योंकि वो सोकर आप दस साढ़े दस बजे से बुढ़ते हो ना बच्चों वो ज्यादा रिग्रेट रहता है वो ज्यादा पेनफुल रहता है एज कंपेयर टू तुमने जो समझ रहा है क्या वो दो मिनट का मजा लिया राइट ऐसा कुछ नहीं होता कि राइट साढ़े दस बजे उठा गया ग्यारह बजे उठा मतलब बाबा ऐसा लगता है कि भाई राइट कितना ग्रेट काम हो गया बाद नाइन्टी नाइन परसेंट इट रिजल्ट इन टू अ रिग्रेट ओनली नाइनटी नाइन परसेंट आपको यही लगता है कि अरे यार मैंने सुबह जल्दी उठना चाहिए था तो उससे अच्छा वो जब लग रहा था ना अपने को कि जब वो आराम बसता है बराबर सुबह टाइम पे बराबर है कि नहीं उस वक्त पे उठ जाने का बराबर समझ रहा है क्या रात को आपका पढ़ाई का जो भी समय है या सुबह है वॉट कुछ लोगों का ऐसा भी हो सकता है कि सर सुबह उठ के मैं दो घंटे पढ़ाई करता हूँ शाम को मैं कुछ भी नहीं करूंगा वॉट इट इज राइट जो भी कुछ है राइट आपके हिसाब से शेड्यूल बनाओ आपका शेड्यूल बनाओ आप फॉलो करो मेरा राइट आपको यही सजेशन है कि आप चारों लेक्चर ये जो भी कुछ चल रहा है सेवन थर्टी टू फाइव थर्टी अच्छे से अटेंड करो टू से टू एंड हाफ आवर्स पढ़ाई करो ऑन एवरी डे मुझे नहीं लगता कि इससे ज्यादा कुछ भी रिक्वायरमेंट है या एक्सपेक्टेड है अगर कुछ लोग बोलेंगे कि सर इससे ज्यादा क्या करो कुछ भी मत करो मेरे भाई सोचो मत रोज उठ के जनवरी ट्वेंटी की समझ रहा है क्या सोचो आज मैं सारे लेक्चर्स करूंगा एंड आज मैं ढाई घंटे पढ़ सकता हूं क्या कुछ भी मत सोचो अपने को पचास ओवर में चार रन निकालना है सोचो मत चार रन निकालना है सोचो कि दो पहले दो ओवर में पंद्रह निकालना है राइट बिना विकेट के सोचो कि अपने को चार ओवर के एंड में थर्टी तक पहुंचना है बिना विकेट के समझा क्या सोचो कि दस ओवर के एंड में अपने को अस्सी रन निकालना है मैक्सिमम एक विकेट के साथ मैक्सिमम एक विकेट के साथ समझ में आ रहा है क्या आपको ये सोचो कि अपने को बीस ओवर में डेढ़ सौ तक पहुंचना है मैक्सिमम तीन विकेट के साथ समझ रहा है कि आपको ये ये शॉर्ट टर्म टारगेट रखो ये इजियर है ना बच्चों समझा है या नहीं कोई बैट्समैन भी दो खेल रहे तो वो ये नहीं सोचते कि 400 400 400 वो ये सोचते चल भाई ये थोड़ा लूज बॉलर है कम से कम इसके ओवर में अपन 12 तेरह रन निकाल लेते अगला ओवर नहीं भाई ये टफ बॉलर है राइट ये राइट मुश्किल है इसको एक काम करते मेडन गया तो गया बट एक आधा इसने लूज बॉल डाल दिया तो मारते फोर अदरवाइज इसको डिफेंड करते समझा है नहीं अपन सोचे क्या चार रन अपन सोचे क्या चार रन नहीं अपन क्या सोचे उस समय की सोचे क्या सोचे उस समय के सोचे समझा ना अगर आपने अभी आईपीएल में, में, में देखा रहेगा कई मैचेस में मैंने देखा समझो ओवर में अस्सी रन निकालना है पांच ओवर में अस्सी रन निकालना है सामने वाले को एंड समझो सोलहवा ओवर बुमरा डाल रहा है एंड जो उसका लास्ट ओवर है तो भी उन्होंने सामने वालों ने पांच ओवर में अस्सी रन निकालना है ना वो बोले चलो भाई इसको प्ले करते राइट इसको दस के नीचे ही रखते या इसको एक एक रन निकाला तो भी बोनस है अगले चार ओवर में सेवेंटी फाइव निकालेंगे बट इसको डिफेंड करेंगे समझा क्या सोचे क्या बुमराह के ओर में 80 अस्सी रन निकालना है अस्सी रन निकालना है अस्सी रन निकालना है क्या सोचे कुछ नहीं करना है अभी सिर्फ विकेट नहीं जाने देना है यस और नो अगला बॉल आएगा उसको धो सकते हैं अपन इसको बोलते कुछ प्लानिंग समझ रहे क्या तो आप रोज उठ के ये मत सोचो कि कॉरियर कॉरियोर कॉरियोर विटिकल शुप करना ये बोनना ये करना है तुम ये सोचो आज मैं चार लेक्चर्स कर सकता हूं क्या आज मैं ढाई घंटे पढ़ सकता हूं क्या बस है आगे क्या कुछ भी मत सोचो समझ रहा है क्या प्रेजेंट में जू करेक्ट है एंड प्रेजेंट 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 आप अच्छा करते जा रहे हो अच्छा करते जा रहे हो अच्छा करते जा रहे हो अच्छा करते जा रहे अच्छा हो अच्छा 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 समझ रहा है कि नहीं आज का दिन यूटिलाइज कल का दिन यूटिलाइज और एक दिन यूटिलाइज और एक दिन यूटिलाइज अगर आप ढाई तीन महीने पांच महीने ये सफर कंटिन्यू रखोगे राइट एक दिन आपका रिजल्ट रहेगा सी एंट्र पास समझाया नहीं रोज उठ के मत सोचो कि मैं इसे इंटर पास हो जाऊंगा क्या मैं आर्टिकल शिप करूंगा क्या मैं ये करूंगा क्या सोचो कि भाई मुझे बस एक प्रोसेस फॉलो करना है राइट रिजल्ट विल ऑटोमेटिकली कम समझ रहा है क्या एक प्रोसेस है राइट क्लास अटेंड करना सिंसियरली राइट right? रोज के रोज पढ़ाई करना यह प्रोसेस कंप्लीट करो डेफिनेटली रिजल्ट विल बी इन योर फेवर डेफिनेटली मैं बोल रहा हूं रिजल्ट विल बी इन योर फेवर समझ रहा है क्या बट यू जस्ट फॉलो द प्रोसेस प्रॉपरली माई फ्रेंड्स ओके तो मैंने बताया आपको ये वाई कंसिस्टेंसी एंड सिंसियरिटी इज इंपॉर्टेंट नेक्स्ट वाई सी ए इंटर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल यह भी मैं पार्सली बता चुका हूं क्यों सी ए इंटर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है फाइनली भी इंपॉर्टेंट है अच्छा मुझे बताओ ये सी ए कोर्स में सबसे ज्यादा कौन सा लेवल है जहां पर आके बच, बच्चे सी ए छोड़ देते आपने ऐसे केसेस देखे क्या जो इंटर पास हुआ एंड फाइनल के बारह तेरह अटैम्प दिया दस अटैम्प दिया पांच अटैम्प दिया और छोड़ दिया मिलेंगे आपको बट कंपेरेटिवली बहुत कम अच्छा आपको यह भी मिलेंगे कि फाउंडेशन छोड़ दिया वो तो एक्चुअली सीए में आया ही नहीं बोल सकते अपन यस और नो बड़ा बताओ सीए इंटर इनफैक्ट फाउंडेशन का रिजल्ट बहुत ज्यादा होता है आपने देखा रहेगा इनफैक्ट थर्टी थर्टी फाइव परसेंट थर्टी सेवन परसेंट ट्वेंटी एट परसेंट ऐसे रिजल्ट भी आते हैं एक लाख लोग बैठे थे पैंतीस हजार पास हो गए ये भी होता है ना एंड एक लाख लोग बैठे और पैंतीस हज़ार पास हो गए इसको कैसे कम रिजल्ट बोलते यार करेक्ट और नॉट कुछ कुछ लोग बोलते हैं सो रु लाख में से सिर्फ पैंतीस हजार मेरे भाई एक लाख में से पैंतीस हजार पास हो गए राइट ये खराब रिजल्ट है या बहुत अच्छा है अरे बहुत ब्लॉक बस्टर रिजल्ट है ये समझाया नहीं कि नहीं क्योंकि एक लाख में से चालीस पचास हज़ार बच्चों तो उनको तो खुद को मालूम रहता है वो पास नहीं होने वाले वो तो ऐसे ही बस प्रेशर में कर रहा है सी ये तो जो वैसे भी सिंसियर था उसके तो सेवेंटी एटी परसेंट पास हो गए ना जो सिंसियर क्राउड था उसके तो सेवेंटी एटी परसेंट पास हो गए कि नहीं अच्छा मुझे बताओ आई में कितने बच्चे बैठे और कितने आई में जाते नीट का एग्जाम कितने लोग देते नीट मेडिकल एंट्रेंस का कितने लोग बैठते और कितने पास होते अरे उसका कंपैरिजन भी नहीं है हमारा रिजल्ट उससे सौ गुना बेटर है समझा या नहीं कितना बेटर है सौ गुना बेटर है उसका हमारा रिजल्ट उससे समझ आया कि नहीं ओनली हम सोशल मीडिया पे बस छाते रहते बस सोशल मीडिया पे हम लोग बस बोलते रहते कि मोस्ट डिफिकल्ट कोर्स ऑफ अर्थ मोस्ट डिफिकल्ट कोर्स ऑन अर्थ आईआईटी क्या है भाई आईआईटी में ऐसे चलते चलते अरे आईआईटी में एक एडमिशन करवाना वो बोलता वेलकम सर <laughs> अच्छा एमबीबीएस करने के लिए आप किसी भी कॉलेज में जाओ भाई एमबीबीएस करना है मुझे आप बोलते प्लीज कम सर प्लीज कम है उधर आईआईटी में प्लीज कम है हम तो फिर सीए कैसे हुआ मोस्ट most... अच्छा यूपीएससी में कितने लोग बैठते और कितने पास होते अरे दस दस लाख लोग बैठते तीन सौ चार सौ सीट के लिए कितने लोग दस लाख लोग बैठते तीन सौ चार सौ सीट के लिए समटाइम्स समझा क्या आपको ये अंड अपन सीए कैसे मोस्ट डिफिकल्ट हुआ भाई बस सेल्फ क्लेम्ड है कि नहीं सेल्फ क्लेम अपन इंस्टाग्राम पर क्लेम किए व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी ने अप्रूव कर दिया बराबर है ना व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी ने उसको अप्रूव कर दिया सी ए इज द मोस्ट डिफिकल्ट कोर्स चार पांच लोगों ने पोस्ट डाल के उसको और अप्रूव हो गया वो पोस्ट टिपिकल पोस्ट कोर्स रहते ना वैसे वो है कि नहीं ऐसा बुक के साथ फोटो आज भी तुम डालोगे चार बुक डालोगे सी ए इंटर कॉस्टिंग बराबर चार बुक उसमें एक पेज लिखा नहीं है अभी तक उसमें एक पेज अभी तक लिखा नहीं है उसे कोई फायदा नहीं है मेरे भाई क्या करोगे कुछ लोग क्या करते सीए इंटर के सारे स्टडी मॉड्यूल्स क्लास के नोट्स उसके ऊपर नोटबुक उसके ऊपर ये आ जाता है यहाँ तक वो बराबर है कि नहीं सी एंट्री इज नॉट इजी है कि नहीं वो क्या वो कौन सा कैप्शन है वो लैक्स ऑफ सेक्शन थाउजेंड्स ऑफ प्रोविजंस थाउजेंड्स ऑफ लाइन्स सेक्शन सब सेक्शन सब कुछ है अ नॉर्मल पर्सन कैन नॉट डू इट एंड रेस्ट ऑफ द एबनॉर्मल्स आर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स प्राउड है कि नहीं एंड प्राउड टू बी प्राउड टू बी फ्यूचर चार्टर्ड अकाउंटेंट अच्छा उसमें से जो थपी लगाए ना तूने ने उसमें सेवेंटी फाइव परसेंट को तू टच नहीं किया आज तक क्योंकि वो नीचे आईसीआई के मॉड्यूल से बराबर है कि नहीं उसको तो टच नहीं किया अभी तक बराबर बराबर है है कि कि नहीं नहीं एंड बड़ी बड़ी ऐसा कि हम लोग राइट फ्यूचर चार्टर्ड अकाउंट वो तो, तो मैं आपको बताया था ना वो तो सबसे मुझे वो पोस्ट सबसे आज तक जिंदगी में अच्छा लगा था नाइन मंथ्स पेन ओनली टू पीपल कैन अंडरस्टैंड है कि नहीं इंटरमीडिएट स्टूडेंट एंड वन इज प्रेगनेंट वुमेन है कि नहीं अच्छा रोज क्लास अटेंड करके दो घंटा पढ़ना इतना पेनफुल है ऐसा तुमने जिंदगी झंड बना दिया ऐसा होता है क्या उसका मीनिंग दो ढाई घंटे पढ़ना है मेरे भाई समझ रहा है फेल होने का चांस ही नहीं है उसके बाद में एंड तुम्हारे लिए तो जनवरी ट्वेंटी तुम्हारा एग्जाम खत्म होने के बाद चार पांच महीने तुम्हारे पास समझ रहा है क्या बट अगर आप वो चार पांच महीनों में से बाद में बोलोगे कि चलो दो महीना में एंजॉय करता हूं एक दो महीना एंजॉय करना है ना तो एक काम करो डिसंबर में एंजॉय करो तब तक चार रिवीजन करके रखो समझा है नहीं वो अगस्त और सितंबर एंजॉय मत करो क्या कर लेना कौन सा एंजॉय कर लेना एक ऐसा डिसाइड कर लो कि चलो भाई दिवाली के पहले दस दिन बाद में दस दिन में पढ़ूंगा ही नहीं कुछ ओके उसके पहले ही सब कुछ पढ़ के रखता हूं राइट ये कर लो अगर तुम्हें दम है तो अगर तुम्हें दम है तो ऐसा कर लेना ओके बट तुम क्या करोगे बताओ मोस्ट ऑफ द टाइम्स अगस्त में फ्री हो जाओगे

फिर और फाइव एंड फिर वो बोलता है कि सप्टेबर में पढ़ना चालू करता है एंड फिर वो चालू फिर धीरे धीरे थोड़ा पच्चीस दिन का ब्रेक आया तो अचानक से ऐसे दस घंटा बारह घंटा पढ़ रहे पॉसिबल नहीं है या आठ घंटे पढ़ रहे पॉसिबल नहीं है फिर वापस 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 चालू है कि नहीं बहुत ये अजीब है अपने कोर्स में इसमें जैसे ये लाइब्रेरी में बंदे जो दिन भर बैठते पढ़ाई करने वाले उनका भी आपने शेड्यूल अफजल किया है क्या कुछ लोगों का सुबह सात से रात को बारह बजे तक बैठने लाइब्रेरी में बैठने वाले बच्चे है कि नहीं सीए में अच्छा कैसे बैठते सात से मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ बट बहुत सारे लोग सात बजे आते सात बजे शॉप लाइब्रेरी में टचड समझा क्या मेरा भी एक लाइब्रेरी में उसके में मैं सीसीटीवी में देखता हूँ कभी कभी सात बजे टच ठीक है सवा सात बजे जाता है चाय पीने <laughs> कितने बजे सेवन फिफ्टीन को जाता है चाय पीने ब्रेकफास्ट करने नहीं नहीं चाय पीने पहले चाय पीने जाता है सवा सात बजे फिर आता है वापस एट ओ चाय पीता है उधर कोई तो मिलता है बात करता है उसके साथ आठ बजे आया वापस आठ बजे बैठता है पढ़ता है फिर एक घंटा कितने बज गए नो। फिर ब्रेकफास्ट टाइम ब्रेकफास्ट को गया वहाँ पे एक घंटा ब्रेकफास्ट कर लेता फिर कोई तो मिला पोहे खाए फिर एक इडली सांभर खा लिया चाय दे दिया भाई बिस्किट भी दे दे साथ साथ में क्रीम रोल है क्या <laughs> है क्या बज गया दस उसमें आता है फिर दस बजे लाइब्रेरी में आएगा दस मिनट पड़ेगा उसके बाद में वो बेंच पे ऐसे थोड़ा नैप लेता हूँ फिर उठता ऐसे ग्यारह बजे अब नींद आ गई खा के आए फुल बराबर है कि नहीं ग्यारह बजे उठता है ऐसे फिर देखता है फिर पंद्रह बीस मिनट पढ़ता है फिर सोचता है कि थोड़ा बाहर जाता हूँ है कि नहीं फिर जाता है बाहर मोबाइल इंस्टाग्राम व्हाट्सएप कॉल्स चल रहा है कि नहीं उधर पैसेज में खड़ा रहता है साढ़े बारह बजे से अब लंच करके आता है लंच कर गया लंच के बाद में कुछ लोगों रहते नहीं यार पढ़ने की इच्छा नहीं है अब हॉस्टल पर जाता हूँ एक दो घंटे सो के वापस आ जाता हूँ आ गया हॉस्टल पर सिर्फ दो घंटे पढ़ के चार बजे वड़ा पाव खाते <laughs> है कि नहीं वड़ा पाव खा लिया फिर बैठे फिर दोस्त मिले वापस भी, इसके बीच में मोबाइल चल ही रहा है कि नहीं फिर शाम को थोड़ा एक डेढ़ घंटा पढ़ लिया डिनर को जाते डिनर के बाद में एक रात को बारह एक बजे तक पढ़ते हो खाना खाया तब तक उसके दिमाग में है कि अभी पढ़ेंगे पढ़ेंगे राइस खाया कल सुबह पढेंगे बराबर <laughs> है कब पढ़ेंगे कल सुबह पढेंगे अभी चेंज हुआ उसका खाना खाते खाते बराबर कि नहीं कल सुबह पड़ेंगे कल सुबह तो होता है नहीं है कि नहीं वापस वही रहता है अच्छा पूरा दिन यही जिंदगी जी रहा है वो कितना घंटा पढ़ा भाई तीन चार घंटा उससे बेटर क्या था उससे बेटर क्या था उससे बेटर था मैं सीए फाइनल में था इधर एक तिलक रोड पे 24 फोर आवर्स का लाइब्रेरी था सुबह तीन बजे जाता था ओके तीन साढ़े तीन बजे बिना नहाए साढ़े तीन बजे जाता था साढ़े ग्यारह या ग्यारह बजे तक पढ़ता था मतलब साढ़े सात से आठ घंटे बीच में नो ब्रेकफास्ट नो चाय नो नहा नथिंग ग्यारह बजे ग्यारह बजे घर पर आया भूल जाने का अपन सी कर रहे दोस्त वोस्त आते थे इधर घूमो उधर घूमो ये ग्राउंड पे जाके क्रिकेट खेलो उधर जाओ इधर झक मार उधर ये कर समझ रहा है क्या बराबर है क्या उसके बाद में शाम को आओ सात आठ बजे खाना वाना खा लो थोड़ा बहुत और कुछ मस्ती करो जो भी कुछ है राइट सो जाओ एंड वो सुबह तीन बजे उठाओ आदमी बराबर नौ बजे सो जाता है नौ साढ़े बजे बराबर है कि नहीं वो वापस उठो आठ घंटे पढ़ रहे ऐसा कभी लग भी नहीं रहा कि अपन सी कर रहे समझ रहे है क्या अच्छा बताओ वो पहला वाला मैंने बताया था क्या था वो वो तो सुबह सात से रात को बारह पढ़ रहा था एंड उसको बोला कि चल मूवी देखने जाते हैं मतलब अपन सिर्फ वो अपनी ज़िंदगी झंड बना के कोई फायदा है क्या अपन अगर एक्चुअल में पढ़ाई किए तो बहुत कम टाइम लगता है भाई पढ़ने के लिए मोबाइल बाजू में रखा है बंद करके रखा है समझाया नहीं सब कुछ बंद है बस मैं साढ़े छह बजे घर पे पहुंचा साढ़े छह से साढ़े आठ पढ़ा खत्म है कुछ भी मत करो उसके बाद समझाया नहीं होमवर्क हो गया राइट जो पढ़ाया था वो रिवीजन हो गया साढ़े छः से एक नौ बजे तक पढ़ लिया खाना खाओ राइट मस्ती करो जो भी कुछ है समझ रहे रहेगा आपको ये दोस्त दोस्त है उनको मिलो आराम से सो जाओ सुझ जाके आप सुबह दूसरे दिन सुबह क्लास आ सकते हो बस इतना कर लो यार दौड़ा है मैंने उसके बाद तो चौबीस घंटे फ्री हो तुम उसके बाद तो चौबीस घंटे फ्री हो ना लेटरली बीच में कुछ बीकॉम वकॉम करेगा तो उसको तो अपन गिनेंगे भी नहीं है या नहीं वो भी नहीं रहेगा मेरे ख्याल से तुम्हारे अभी रहेगा रहेगा तो वो एक अनादर वेकेशन है बिकॉम मतलब क्या है यार वेकेशन ही ना है कि नहीं उसी बहाने दोस्त मिलते वो एक अच्छा टाइम पास है बराबर है कि नहीं तो अच्छे से करो मेरे भाई समझ रहा है क्या अच्छे से शेड्यूल बनाओ ओके नेक्स्ट थिंग नंबर ऑफ लेक्चर्स ऑन यूट्यूब नंबर ऑफ लेक्चर्स ऑन यूट्यूब ये बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है यहां पे मैं कम से कम एट लेक्चर पहले एट लेक्चर सेवन टू एट लेक्चर्स एटलीस्ट आई विल टेक ऑन यूट्यूब सेवन टू एट तो जो लोग ऑनलाइन कर रहे हो अच्छे से सुनो सेवन टू एट लेक्चर्स यूट्यूब पे होंगे बट उसके बाद उसमें सेवन टू एट लेक्चर्स में पहले चार लेक्चर जब कंप्लीट हो जाएंगे पहले चार लेक्चर कंप्लीट यूट्यूब पे रहेंगे फिफ्थ लेक्चर ऑनवर्ड्स लेक्चर यूट्यूब पे भी रहेगा और ऐप पे भी रहेगा यूट्यूब पे भी रहेगा और ऐप पे भी तो चार दिन दोनों पे क्यों रहेगा समझाना ताकि बाय चांस आपका कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है आप तुरंत यूट्यूब पे देख सकते हो आपका कोई नुकसान नहीं होगा चार दिन ऐप पे भी रहेगा बट आप प्रेफर करो कि आप उस वक्त ऐप पे देख रहे हो ताकि कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम रहेगा वो चार दिन आप में आप सॉल्व करके ले सकते हो समझ रहा है वैसे 90 परसेंट तो नहीं रहेगा प्रॉब्लम आपको जो मेल आया है वो अच्छे से पढ़ने का उसके हिसाब से इंस्टॉलेशन करने का वहाँ पे टेक्निकल सपोर्ट के नंबर उसी मेल में लिखे रहते हैं कुछ प्रॉब्लम आया उनको साथ चैटिंग करने का उनका एक बॉट का चैटिंग होता है या उनका कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव को फोन कर सकते हैं जो भी कुछ है राइट उनका या उनके व्हाट्सएप पे करके ये सब हो जाता है वो करो एंड अगले चार दिन में वो डाउट सॉल्व करके लो एंड नाइन्थ डे ऑनवर्ड्स इट विल बी ओनली ऑन राइट फेस टू फेस मोड प्लस ऐप ऐप पे रहेगा ये क्लास आप समझ रहे हो लेक्चर ऑनवर्ड्स तो पहले एट लेक्चर्स बी लेक्चर्सली पहले एट डेज विल बी कंटिन्यूअसली ऑन यूट्यूब पहले फोर लेक्चर्स ओनली ऑन यूट्यूब फाइव सिक्स सेवन एट यूट्यूब प्लस ऐप एंड उसके बाद में राइट इट विल बी ओनली फेस टू फेस एंड ऐप ठीक है बच्चो तो ये नंबर ऑफ लेक्चर्स हो गए सोच अब सोशल मीडिया ऑब्वियसली ये मैं आपको यहाँ पे सोशल मीडिया यूज़ नहीं करना चाहिए राइट ये बताने के लिए यहाँ पे नहीं रखा है सोच हम आपके पढ़ाई के पॉइंट ऑफ व्यू से हाउ सोशल मीडिया कैन हेल्प इज आप सबको कंपलसरी अभी करना है इनफैक्ट ओके okay? आपको विनोद रेड्डी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है अभी आपके पास मोबाइल है तो अभी कर लो कंपल्सरी आगे ऑलरेडी ज्वाइन रहेंगे तो मत करो निकालो मोबाइल उसी बहाने व्हाट्सअप चेक कर लोगे ऑलरेडी ज्वाइन किया है बहुत सारे लोग फाउंडेशन से है ज्वाइन है उसमें रहने दो मोबाइल अंदर बैग में ओके okay? तो जो लोग टेलीग्राम पे नहीं है अभी टेलीग्राम पे जाओ विनोद रेड्डी सर्च किया तो मिल जाता है ना बराबर yes. विनोद रेड्डी टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कर लो समझ रहा है ये मैं सब्सक्राइबर्स बढ़ाने के लिए नहीं बोल रहा हूं क्योंकि जो भी कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट होगा अबाउट दिस बैच वॉट एवर इट इज एवरी थिंग विल बी देयर ऑन विनोद रेड्डी टेलीग्राम चैनल वैसे मैं नोट्स का सॉफ्ट कॉपी और अब मैं अभी इसका और क्या पर्पज़ है मेन पर्पज इंपॉर्टेंट पर्पज आपको सुन रहे हो मिनट ज्वाइन कर लेना मीन वाइल सुन रहे हो एक ये हर अभी अच्छे से सुनो, स्पेशली ऑनलाइन स्टूडेंट हर चैप्टर के एंड में हर चैप्टर के एंड में तो जो मैं क्लास में पढ़ाता हूं यहां पे, और क्लास में मैं भी लिख रहा हूं आपके साथ में तो ये मैंने लिखा हुआ ये एक पीडीएफ फाइल बना के मैं विनोद रेड्डी टेलीग्राम चैनल पे राइट पोस्ट कर दूंगा अपलोड कर दूंगा आप वहां से डाउनलोड करके बाई चांस आपका कुछ लिखना पेंडिंग है या आपको लगता है कि क्या मैंने गलत लिखा है क्या समझ समझ रहा है क्या? क्या तो आप आप? से चेक कर सकते हो, राइट? समझ रहे हो क्या आप? राइट? रहे टेलीग्राम तो पे एज सेम फाइल जो आपका बुक है क्वेश्चन आंसर दोनों रहेगा उसमें क्वेश्चन ऑब्वियसली प्रिंटेड आंसर मैंने उसके नीचे जो मैंने लिखा है आंसर वो आपके राइट टेलीग्राम चैनल पर आ जाएगा वापस बता दू एट द एंड ऑफ एवरी चैप्टर एट द कुछ ऑनलाइन स्टूडेंट्स क्या करते हैं एक आधा हाँ दिन अटेंड नहीं करते और वो बोलते कि सर आज के नोट्स भेज देना ना सर प्लीज सर आज के दिन आप मुझे बताओ यहां पे ऑनलाइन ऑफलाइन सब मिला के कम से कम साढ़े तीन चार हजार बच्चे सब मिला के अब बताओ उसमें से रोज एक बार भी रिक्वेस्ट करेगा तो मुझे रोज के नोट्स कितनी बार पोस्ट करना पड़ेगा और वो भी पर्सनल में अगर उसको बोला रेफर चैनल तो वो बोलता है विथ चैनल समझ रहे क्या उसको बोला भाई नोट्स में है कहाँ पे है वॉट पेज नंबर तो आप बिल्कुल ऐसा खरीद लिए हमको ऐसा मत फीलिंग दो भाई समझ रहा है क्या हम टीचर है अल्टीमेटली राइट right, तुम्हारे एंगल से सर्विस प्रोवाइडर रहेंगे तो भी अल्टीमेटली हम अपने आप को अंदर से आज तक टीचर समझते आए आप समझ रहे हो ना नो डाउट फॉर यू यू आर वी आर द सर्विस प्रोवाइडर एंड यू आर द कंज्यूमर एंड कंज्यूमर इज द किंग मैं सब जानता हूं ओके बट इन स्पाइट ऑफ ऑल दो थिंग्स कोशिश करो कि अपन टीचर एंड स्टूडेंट रिलेशन बना पाए अब कोशिश तो कर लो अगर होता है तो देख लो नहीं तो बाद में तो कंज्यूमर है ही उसमें क्या कोशिश कर लो बस ठीक है तो एट क्या बोला मैंने बोला एट द एंड ऑफ एट द एंड ऑफ एवरी चैप्टर राइट एट द एंड ऑफ दैट चैप्टर ऑन द सेम डे टेलीग्राम चैनल पे ये नोट्स आ जाएंगे समझ में आ रहा है क्या मीन वाइल आप अगर किसी ने एक ने लिखा है आप अपने दोस्तों के साथ अगर किसी का रह गए तो आप शेयर कर सकते हो किसी ने नहीं लिखा है बट मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि रोज क्लास अटेंड करो रोज के रोज ये कंप्लीट कर देना बच्चों तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लिया आप सब लोगों ने ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स भी अब ज्वाइन कर लो विनोद रेड्डी आपको सर्च करने से डायरेक्ट मिलता है ना सर्च करने से डायरेक्ट चैनल मिल जाता है वो तो आप विनोद रेड्डी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना बच्चों आप समझ रहे हो क्या ओके तो डिस्पैच ऑफ नोट्स तो जो लोग ऑनलाइन या ऑर्डर्स रहे वो सब लोगों का डिस्पैच हमने चार दिन पहले ही स्टार्ट कर दिया कुछ है कुछ लोगों को मिला रहेगा कुछ लोगों को अभी तक नहीं मिला रहेगा तो बट आपको डेफिनेटली नोट्स बहुत जल्द ही मिल जाएंगे तब तक ओके okay, आपके पास नोट्स नहीं है तो क्या उसका सोल्यूशन है मैंने आपको बताया क्या सोल्यूशन है अगर किसी के पास नोट्स नहीं है तो चैप्टर वन का पीडीएफ इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है या विनोद रेड्डी टेलीग्राम चैनल जो आपने अभी ज्वाइन किया है वहां पर भी आपको मिलेगा चैप्टर वन के नोट्स चैप्टर वन के नोट्स वहां पर भी आपको मिलेंगे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी राइट एक लिंक है वहां पर एक ड्राइव का लिंक है वहां पर आप क्लिक करोगे तो आपको चैप्टर वन नोट्स मिल जाएंगे बच्चों दर थिंग इज डाउट सॉल्विंग ओके ऑफलाइन स्टूडेंट्स का तो कोई प्रॉब्लम नहीं है डाउट का आप क्लास के बाद भी मुझे पूछ सकते हो बट मैं आपको सजेस्ट करूंगा बच्चों ओके okay? एंड जो बहुत सीरियसली बता रहा हूं मैं आपको आपका जो भी डाउट रहेगा एवरी डाउट विल बी टेकन केयर ऑफ बट उसका टाइमिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट समझ रहा है क्या सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है डाउट का टाइमिंग अब स्टूडेंट को क्या रहता है समझो मैंने पढ़ाना चालू नहीं किया तब तो तक तो, सर ये रियल लाइफ में क्या होता है कंपनीज में क्या होता है क्या था? वो कम नॉलेज एंड उसका पोस्टमार्टम ये बहुत वियर्ड कॉम्बिनेशन है अपने को कुछ जैसे कि समझो फॉर एग्जाम्पल अभी आज इनकम टैक्स चालू हुआ सर कैपिटल गेन क्या होता है सर सर वो वोडाफोन केस में क्या हुआ था सर भाई तेरा नॉलेज तुझे ऐसे में डी पता नहीं अभी तक बराबर है कि नहीं अनजानना क्या है सर यू ये केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या जजमेंट दिया था सर उसका क्या इंटरप्रिटेशन है अब तुम वो समझने की कंडीशन में ही नहीं हो तो मैं कुछ भी सर फोड़ू तो आपको समझ देने वाला समझा या नहीं तो क्या इंपॉर्टेंट है उस उसको होल्ड करो एंड वो राइट right टाइम आने का ऐसा एंड मैं आपको चैलेंज के साथ एक बताऊँ क्या आपके दिमाग में ऐसा कोई डाउट नहीं आने वाला है जो मैं यहां पे पढ़ाऊंगा नहीं ओनली थिंग इज दैट आप थोड़ा वेट करो आपको खुद समझेगा इनफैक्ट जो मेरे से सी ए फाउंडेशन से कर रहे हैं उनको एक्जैक्टली exactly पता है कि भाई कुछ नहीं करने का वेट करने का ये करता है कवर आगे बराबर है कि नहीं बस वेट करो ये आगे कवर हो जाता है आप समझ रहे हो क्या ओनली थिंग इज दैट एंड ऑनलाइन वाले स्पेशल स्टूडेंट वो क्या करते हैं कुछ डाउट आया कुछ दिमाग में आया टाइप करते बैठते अच्छा जब तुम टाइप कर रहे तब मैं क्या कर रहा हूं यहां पे तब आगे का कुछ तो पढ़ा रहा हूं वो कौन सुनेगा तो फिर वन मोर डाउट समझाया नहीं फिर बोलते सर बता, बता, वापस बताओ बताओ वापस बताओ यहां पे कमेंट आते रहते वापस बताओ वापस बताओ सॉरी कोई फायदा नहीं है मेरे भाई समझ रहे हैं नहीं कोई भी चीज अगर बिन अभी कोई वेब सीरीज देख रहा है आप डायरेक्ट सेवंथ एपिसोड देख लिया समझने वाला है क्या अच्छा चलो फर्स्ट एपिसोड देखा सब समझता है क्या आपको बोला नहीं सर सेवंथ कैसे समझेगा अच्छा चलो बताओ फर्स्ट सब समझता है क्या फर्स्ट पूरा समझता है क्या बताओ चलो सेवन तो छोड़ दो वो तो समझने ही नहीं वाला है और हमें पता भी है वो मेंटली वी आर रेडी कि आपने को सेवन डायरेक्ट देखा तो समझने नहीं वाला है चलो बताओ फर्स्ट समझने वाला है क्या आपको लग रहा है सर नहीं क्यों नहीं समझेगा फर्स्ट समझेगा ईमानदारी से बताओ फर्स्ट समझता है क्या कब समझता है फर्स्ट पूरा एक्चुअल में फर्स्ट कब समझता है बराबर है कि नहीं जब आगे देखते अरे यार वो फर्स्ट अरे यो इनफैक्ट वो जो टाइटल में जो शुरुआत में दिखाते हैं ना एनिमेशन वो क्या है वो समझने के लिए भी पूरा वेब सीरीज देखना पड़ता है एंड बाद में जब अपन सेकंड टाइम देखते हैं तब तो लगता है कि अरे अच्छा 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 ये आ रहा है क्या शुरुआत में समझा या नहीं शुरुआत में जो आता है वो समझने के लिए भी कुछ देखना पड़ता है तो आप बताओ आपको समझ नहीं रहा था एपिसोड वन देखने के बाद तो आप क्या किए कंटिन्यू किए क्यों कंटिन्यू किए आपको समझ नहीं रहा था क्यों करने किए बोलो ना आप पे था भरो आपको था भरोसा किस पे वेब सीरीज के डायरेक्टर पे आपको लगा कि भाई उन्होंने बनाया कुछ तो रहेगा और हम आपको हम पे भरोसा नहीं है हम 20 साल से पढ़ा रहे नहीं 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 नहीं, नहीं। आज ही ऐसा नहीं होगा ना मेरे भाई है कि नहीं आपको ट्रस्ट रखना पड़ेगा कि नहीं ये कर, होगा करके डाउट सॉल्व क्योंकि आप अननेसेसरी इंटरप्ट करके ये प्रोसेस को डिस्टर्ब कर रहे हो एंड जिसकी वजह से प्रॉब्लम आपको होगा आपको लगता है क्या मुझे प्रॉब्लम होगा इससे अच्छा मुझे बताओ आपका रिजल्ट बहुत अच्छा आया तो मुझे फायदा होगा या खराब आया तो फायदा होगा ईमानदारी से चलो बिजनेस की बात करते दो मिनट आप मैं चाहूंगा कि आपका रिजल्ट अच्छा या खराब आए सोचूंगा तो आप बताओ आपका रिजल्ट अच्छा आने के लिए मैं हर पॉसिबल कोशिश करूंगा ना भाई अच्छा आप मुझे बताओ आप सब लोग यहां पे आके बैठे हो देखो पूरा ऑलमोस्ट क्लास एंड तक तो पूरा यहां पे कम से कम सात सौ आठ सौ बच्चे अभी तो आप या तो आप मुझे बताओ कि क्यों आए आप मेरा चेहरा पसंद है इसलिए आए क्या क्यों आप ईमानदारी से बताओ मुझे आपको किसी एक ने तो बोला कि नहीं आप मुझे बताओ कि भाई अच्छा पढ़ाता है या आपने खुद इसी फाउंडेशन में किया है या इंटर के बच्चों ने आपने बोला कि नहीं भाई ये अच्छा पढ़ाएगा करके आपको किसी ने बोला क्या क्या मजे करेगा ये क्लास में गाना गाएगा किसी ने बोला क्या आपको रोज गाने गाएगा मजे करवाएगा क्लास में बोला क्या किसी ने फिर भी आप आए ना यहाँ पे क्योंकि आप पढ़ने आए हो भाई बराबर है कि नहीं तो अपन यहाँ पे सिर्फ पढ़ाई एंड पढ़ाई करेंगे चलेगा ना बच्चों सिर्फ पढ़ेंगे अपन राइट पढ़ने में ही अपन मज़े करेंगे बच्चों चलेगा क्या यस और नो तो आप रोज क्लास को आने वाले हो बच्चों ये टेलीग्राम चैनल आपने ज्वाइन कर लिया है क्या सोश yes, ये आप इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करो ना करो उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता दैट इज नथिंग रिलेटेड टू स्टडीज समझ रहा है क्या फॉलो करते हो तो अनफॉलो कर दिया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है आप समझ रहे हो क्या राइट right? बट टेलीग्राम चैनल आपको ज्वाइन करना है मैं क्या बोला समझ रहे है क्या जो रिलेवेंट है वो मैं बता रहा हूं आप समझ रहे हो क्या आप इंस्टाग्राम पे अनफॉलो कर दो फॉलो करो ब्लॉक कर दो कोई फर्क नहीं पड़ता है आप समझ रहे हो क्या बट टेलीग्राम इज इंपॉर्टेंट मैं ये मेरा मार्केटिंग के लिए रीच के लिए नहीं बोल रहा हूं इट इज फॉर कंटेंट इट इज फॉर कंटेंट आप सबको अभी आप जो क्लास में हर बंदा बैठा है आप टेलीग्राम चैनल पे हो मेरे सब लोग मुझे टेलीग्राम चैनल पे चाहिए जो ऑनलाइन अटेंड कर रहा है ऑनलाइन कोई भी चैनल पे हो मुझे सब लोगों ने चाहिए कि आज के आज टेलीग्राम आपने टेलीग्राम में विनोद रेड्डी चैनल ज्वाइन किया है क्योंकि जो भी कुछ अनाउंसमेंट है रिलेटेड टू दिस राइट इट विल बी ऑन ऑफिशियल अनाउंसमेंट विल बी ऑन विनोद रेड्डी टेलीग्राम चैनल समझ रहा है कि आपको ये ओके okay. अब देखो बच्चों आप कुछ लोगों का ये होता है कि सर हम आपका ये जो बैच चल रहा है इसी बैच के अंदर हमारे टेस्ट भी ले लो तो आपको टेस्ट आपको फील के लिए लेना है या एक्चुअल में कुछ फायदे वाले टेस्ट लेना है <laughs> एक फील वाला टेस्ट भी होता है फील वाला टेस्ट मतलब समझा ना ऐसे आपको बोलूँगा मैं चलो आज टेस्ट है शाम को सात बजे आप सात बजे बैठोगे यहाँ पे मैं वीडियो शूटिंग करूंगा किसी को तो बोलूंगा फिर इंस्टाग्राम पे डालूंगा टेस्ट सीरियस स्टूडेंट्स समझ रहा है क्या जबकि उसका कोई फायदा नहीं होगा आपको लग रहे है सर क्यों फायदा नहीं होगा क्योंकि आपका अभी वाला टाइम जो है ना इस्पेसली अगर आप जनवरी ट्वेंटी फाइव में एग्जाम देने वाले हो तो आज अभी अपन यहाँ पे ये करके कोई फायदा नहीं होने वाला है जब आप एक थोड़ा फर्स्ट चैप्टर पढ़ोगे उसको रिवाइज करोगे समझा क्या उसके बाद चैप्टर का टेस्ट देने में मजा है समझ रहा है क्या तो मैं पूरे दस टेस्ट जो क्लास टेस्ट जिसको बोलते हैं हम लोग लास्ट पहले क्या हुआ था? करता था साढ़े तीन महीने का बैच रहा करता था ग्रुप वन के साथ में तो मैं क्या करता था ग्रुप वन खत्म होने के बाद में ग्रुप टू के साथ कॉस्टिंग के टेस्ट लेता था समझा के मैं क्या बोला ग्रुप टू जो बच्चों को चलता था तो कॉस्टिंग के टेस्ट लेता था हर फ्राइडे ऐसे दस टेस्ट लेता था बट अभी भी हम वही करेंगे बट वो दैट विल बी आफ्टर ग्रुप टू दैट विल बी आफ्टर ग्रुप टू जो पुणे में बच्चे वो ऑब्वियसली यहां पे आके फेस टू फेस या यहां पे ऑफलाइन टेस्ट दे सकते हैं हम आपको पेपर चेक करके देंगे एंड जो पुणे के बाहर है राइट right, उनको टेलीग्राम चैनल पर पे पेपर मिल जाएगा राइट right, और उसके राइट right, एक दो घंटे के बाद आपको आंसर्स भी मिल जाएंगे वहां पर आप समझ रहे हो क्या बच्चों जो पुणे के बाहर बाद में राइट जाने वाले जाने वाले जो पुणे में है उनको तो ऑफलाइन यहां पर मिल सकता है एंड सर भी आपको उसका मिल जाएगा कितने टेस्ट करने करवाएंगे हम लोग दस टेस्ट कंडक्ट करवाएंगे विच विल बी पार्ट ऑफ योर फीस दैट विल बी पार्ट ऑफ योर फीस जो आपने अभी कॉस्टिंग के लिए पे किया है एंड एंड उसके बाद में एक फॉर्मल टेस्ट सीरीज होता है राइट वो तो आप जानते ही हो टेस्ट सीरीज जो प्रशांत सर कंडक्ट करवाते हैं प्रॉपर टेस्ट सीरीज जिसका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहता है और जिसमें बहुत बच्चों को राइट पॉजिटिव रिजल्ट आते हैं जो टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं वो प्रॉपर टेस्ट सीरीज होता है राइट बिफोर जनवरी उसका शेड्यूल भी मतलब जनवरी एग्जाम के लिए उसका जो भी शेड्यूल रहेगा वो आउट हो जाएगा बाद में तो वो आप कर सकते हो ऐप डिटेल्स राइट मैं यहां पे नहीं बताऊंगा आपने अगर राइट right, ये ऑनलाइन बाय किया हुआ है कोर्स तो आपको मेल आ जाएगा और उसमें ऐप के डिटेल्स रहेंगे ऐप का डाउन जो भी सेटअप इंस्टॉलेशन सब रहेगा कस्टमर के नंबर रहेंगे सब कुछ वहां पर टेक्निकल सपोर्ट के लिए जो नंबर है वो भी रहेंगे राइट right? अदरवाइज ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नंबर्स है राइट right, वो सेव कर लो उसपे एक व्हाट्सएप कर दो तो भी आपको मिल जाएगा एंड नोट्स विल बी शेयर ऑन टेलीग्राम चैनल कौन सा टेलीग्राम चैनल है विनोद रेड्डी टेलीग्राम चैनल पे सारे नोट्स आपको मिल

यस yes. और कुछ मैंने ये पॉइंट्स तो कवर कर लिए छोड़ के और कुछ आपको लगता है क्या कि डे नंबर वन में मैंने इंट्रोडक्शन में बताना चाहिए तो आप मुझे बता दो यस ऑनलाइन स्टूडेंट्स भी बता दो एक बार मेरे भाई यस yes. कैन आई परस्यू द कोर्स वाइल डूइंग द जॉब सब कर सकते बेटा ये यूट्यूब इज नॉट अ प्लेटफॉर्म जहाँ पे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते ठीक है <coughs> आपको आपका थोड़ा लाइफ को सीरियसली लेना पड़ेगा यूट्यूब पे ऐसा करियर काउंसलिंग नहीं होता है ये हुआ टीचर का रिप्लाई बिजनेसमैन का रिप्लाई तो क्या बेटा तुम मुझे फ़ोन करो उसके बाद अपन डिस्कस करेंगे एंड तुम कर सकते हो बेटा क्यों नहीं कर सकते ये हुआ बिजनेस का रिप्लाई समझा क्या कौन सा बेटर था समझ रहा है क्या सिंपल जो रियलिटी बताना कभी भी बेटर है ना मेरे लेक्चर में आप कभी भी एक्सपेक्ट मत करना कि मैं कुछ आपको बताऊंगा जिससे आप खुश हो बट जिसके आपका फायदा हो ऐसी हजार चीजें बताऊंगा मैं जिससे आपका फ़ायदा हो बराबर है एंड फायदे के साथ, साथ साथ में आप खुश हो रहे तो एडिशनल चीज़ है बराबर है ना बट हर चीज़ जिससे आप मुझे बताओ आपका सबसे अच्छा इस दुनिया में कौन चाहता है तुम्हारे माँ बाप नो डाउट अबाउट इट समझा नहीं आपके लिए आपकी सबसे ज्यादा चिंता कौन करता है सबसे ज्यादा आपसे प्यार कौन करता है बाकी देखा हुआ छोड़ो एक्चुअल में तुम्हारे मां बाप अच्छा मुझे बताओ उन्होंने कभी तुमको पीटा है क्या <laughs> अच्छा बताओ जो तुमसे सबसे ज्यादा प्यार करता है जिनको सबसे ज्यादा इंटरेस्ट है तुम्हारी तुम्हारा अच्छा होने में वो लोग क्यों पीटे यार तुम्हें अच्छा वो लोग तुमसे बहुत अच्छे अच्छे से बात करते क्या रोज yeah. डेली बेसिस पे yeah. डेली बेसिस पे ऐसा बहुत अच्छे अच्छे से हां नो डाउट वो रहेगा कब मीन ऑयल क्या राधा पहले दिन ही बड़े बड़े बस बाकी बातें जो तो क्लास में ऐसे बैठे अगर सोना है ना तो वो कोने में जाने का उधर वो देखो देखो बैठे ना कोने में वैसे जो मुझे डायरेक्ट दिखते नहीं है वैसे टीवी पे मुझे दिखते हैं वैसे वो बट डायरेक्ट दिखते नहीं बिल्कुल कम से कम मेरे सामने जोन में रह के मुझे डिप्रेस मत करो है कि नहीं क्लास कैसे नींद तो कैसे लग सकती है यार इतने आवाज में है कि नहीं कुछ कुछ लोग वो आवाज का रिदम पकड़ के सोते <laughs> है कि नहीं ऐसा वो होता है ना आपने आ, कौन सा कौन सा मूवी है वो कमल हसन का पुष्पक करके एक मूवी देखा है क्या कमल हसन का एक पुष्पक कर... वो दैट्स अ ओनली मूवी इन इंडियन सिनेमा जिसमें एक भी डायलॉग नहीं है वो पूरा पिक्चर स्टार्ट होने से एंड होने तक कोई डायलॉग ही नहीं है मतलब आप म्यूट करके देख सकते हो मूवी कुछ है ही नहीं उसमें समझा क्या आपको म्यूट करके भी देख सकते हो पिक्चर में डायलॉग ही नहीं कोई बात ही नहीं करता कोई किस समझ रहा है उसमें वो कमल हसन क्या रहता है बताओ कि आपको एक मिनट में वो एक उसका जो घर रहता है ना वो थिएटर के बैक साइड में रहता है थिएटर मूवी थिएटर के बैक साइड में उसका घर रहता है तो उसके घर में हमेशा वो बैकग्राउंड की आवाज़ आती रहती है ना मत समझ रहे क्या वो मतलब तो वो बात कर रहा है ऐसे फाइटिंग चल रहा है फुषु। फुषु। ऐसा आवाज़ आती है ना पीछे ऐसा आवाज़ आती रहती है एंड उसको इतना वो यूज टू हो चुका रहता है बचपन से कि उसको उसके बिना नींद ही नहीं आती है फिर एक दिन वो फाइव स्टार होटल में जाके रुकता है उसको मतलब एक चांस मिलता है कि किसी दूसरे की जगह फाइव स्टार होटल में जाके कर उसको नींद ही नहीं आती उधर क्योंकि एकदम शांत रहता है उधर तो फिर क्या करता है वो घर जाता है वापस वो रिकॉर्डिंग करके आता है उधर से डिस्टर्बेंस एंड फिर आके लगाता है इधर एंड फिर सोता है तो कुछ कुछ लोगों को ना जब तक मैं बोल रहा हूं ना अच्छी से नींद आती है मैं चुप बैठा उनको ऐसे चुप बैठा <laughs> ऐसे देखते हैं। जब तक मैं बोल रहा हूं तब तक सब चीज चल रहा है जैसे होता है ना कोई अपने घर के बाहर रोड रहा जब तक वो कुछ लोगों को बैकग्राउंड में जब तक वो आवाज नहीं है तू तीन तब तक नींद नहीं आती है अगर शांत तो कहीं उनको समझो कोई फॉरेस्ट में कहीं हिल स्टेशन पे बैठा है उनको नींद नहीं आएगी वहां पे क्योंकि उनको नींद कब आती है है कि नहीं तो कुछ लोगों का रहता है कि अरे यार घर पर नींद नहीं आती यार चलो क्लास में जाते <laughs> है कि नहीं क्लास में बैकग्राउंड में आवाज चलता रहता है इधर कॉस्ट मटेरियल ओवरहेड प्रोसेस मार्जिनल स्टैंडर्ड बराबर है ना मजा आएगा क्लास में फिर ओके okay. चलो तो ये इंट्रोडक्शन वाले सारे पॉइंट्स खत्म अगर है तो कैन वी स्टार्ट विद आर सिलेबस कॉस्टिंग का एक्चुअल बैच स्टार्ट करेंगे अपन शेड्यूल ऐसा रखेंगे कि रोज़ 7:30 थर्टी टू नाइन पहला लेक्चर उसके बाद में 15 मिनट्स ब्रेक एंड उसके बाद में 9:45 फोर्टी फाइव टू एलेवन चलेगा ना या कुछ चेंज करना है इसमें एंड वो थोड़ा बहुत कौन सा प्रॉब्लम चल रहा है क्या चल रहा है उसके बेसिस पे कभी ऊपर नीचे भी हो सकता है नाइन थर्टी का कभी नाइन फोर्टी होगा कभी नाइन ट्वेंटी भी होगा समझ रहे हैं ना डिपेंड्स ऑन कौन सा चैप्टर चल रहा है कौन सा समय एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम खत्म होगा हो सकता है कि नाइन ट्वेंटी को खत्म होगा नेक्स्ट प्रॉब्लम को आधा घंटा लगने वाला है हो सकता है कि मैं उसी समय पर आपको ब्रेक दे दूंगा ठीक है तो एवरी डे देर विल भी एक वन आर एक टू आवर्स का लेक्चर एंड एक वन आर फिफ्टीन मिनट्स का लेक्चर ऐसे एक टेंटेटिव प्लान है राइट थोड़ा बहुत दस पंद्रह मिनट पाँच दस मिनट ऊपर नीचे हो सकता है तो आज तो अपन फॉलो कर ही सकते हो शेड्यूल तो नाइन थर्टी को ब्रेक लेंगे चलेगा ना 15 मिनट्स का एंड उसके बाद में राइट नाइन फोर्टी फाइव टू इलेवन चलेगा ना बच्चों ठीक है ना क्लास में बैठ पाएंगे ना आप लोग क्या लगता है राइट मेरे जैसे इंसान को सह पाओगे क्या दो महीने चलेगा ना ये राइट अगर मेरे जैसे इंसान को सह नहीं सकते तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं बट वो तो कॉस्टिंग को जरूर हम इंटरेस्टिंग बना देंगे चलेगा ना बच्चों यस ओके तो मैंने यहाँ पे लिखते हो तो मेरी ट्वेंटी फोर नवंबर एक्चुअली नवंबर ट्वेंटी फोर मैंने लिखा था क्योंकि जब मैं नोट्स बना रहा था तब ओरिजिनली दिमाग में कि कौन सा एग्जाम था नवंबर 24 था तुम्हारे लिए ओरिजिनली दिमाग में क्या था नवंबर 24 था बट अब ये दिस इज यू कैन से सप्टेम्बर 24 और जनवरी 25 फाइव आई के लिए ओके okay? तो अपना कॉस्टिंग का सिलेबस क्या है एक बार वापस बताता हूं मैं इंडेक्स में तो मैंने बता ही दिया है तो बट एक्चुअली इंडेक्स में ना क्या चैप्टर नंबर वन टू थ्री फोर ऐसे बताया था बट हमने ना चैप्टर ये सिलेबस जो है ना बच्चों इंटर कॉस्टिंग का उसको अपन तीन पार्ट्स में डिवाइड करेंगे कितने पार्ट्स तीन पार्ट्स और वो तीन पार्ट्स क्या है बताओ बेसिक नॉलेज ओरिएंटेड चैप्टर्स है कुछ उसके बाद में कुछ है मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग एंड उसके बाद में है टेक्निक्स ऑफ कॉस्टिंग ठीक है तो बेसिक नॉलेज ओरिएंटेड कुछ चैप्टर्स है आपके पास जिनके पास नोट्स है वो लिखना भी चालू कर सकते हैं एंड जिनके पास नोटबुक है वो नोटबुक में लिखो या बाद में डायरेक्ट नोट्स पे लिखो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप नोटबुक पे लिखो जिनके पास नोट्स है प्रिंटेड वॉल्यूम वन में पेज नंबर ट्वेंटी के आसपास चले जाओ पेज नंबर ट्वेंटी सॉरी पेज नंबर ट्वेंटी पे वॉल्यूम वन में पेज नंबर ट्वेंटी फोर पे जाओ पेज नंबर ट्वेंटी फोर पर मिला क्या आपके वॉल्यूम वन में जिनके पास नोट्स है या जिसके पास प्रिंट आउट है वॉल्यूम वन में पेज नंबर ट्वेंटी फोर पे चले जाओ पेज नंबर ट्वेंटी फोर पे ओके okay बच्चों तो जिन्होंने नोट्स आज कलेक्ट किए हैं या जो आज करने वाले हैं मैं उनको बता दूं कि आप कल से सिर्फ वॉल्यूम वन लेके आना साथ में वॉल्यूम टू वॉल्यूम थ्री एंड एमसीक्यू बुक घर पे छोड़ दो समझा क्या बच्चों कल से क्या लेके आओगे वॉल्यूम वन सिर्फ वॉल्यूम वन के नोट्स कल से क्लास को लेके आना यहां पे चलेगा बच्चों ओके okay. तो जो लोगों ने नोटबुक लिया है कॉस्टिंग का नोटबुक वो नोटबुक का कोई काम नहीं वो कोई दूसरे सब्जेक्ट के लिए यूज कर लेना चलेगा क्या कॉस्टिंग में कोई नोटबुक आपको काम में नहीं आने वाला है जो आपको मैं प्रिंटेड नोट्स दूंगा वही तुम्हारा नोटबुक है समझा ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं ठीक है बच्चों तो ये सिलेबस को हम तीन पार्ट्स में डिवाइड किए और वो तीन पार्ट है बेसिक नॉलेज ओरिएंटेड चैप्टर्स मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग एंड नेक्स्ट है टेक्निक्स ऑफ कॉस्टिंग तो बेसिक नॉलेज ओरिएंटेड चैप्टर्स है बच्चों ओके तो उसमें पहला चैप्टर है बेसिक कॉस्ट कंसेप्ट या तुम उसको बोल सकते हो इंट्रोडक्शन टू कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग इंट्रोडक्शन टू बोलो कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग ये अपना पहला चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग कोई डाउट नहीं बच्चों आपको कोई कुछ ऐसे कुछ पूछना है वगैरह पूछना है बिंदास पूछो कोई हाँ बेटा कोई डाउट है कुछ ऐसा डे नंबर वन को पूछना है कुछ ऐसे पूछो बिंदास पूछो कोई बॉल पूछ नहीं मैं आपको माइक भी दे सकता हूं एनी डाउट कि सर ये कैसे होगा वो कैसे होगा आप पढ़ाएंगे कि नहीं पढ़ाएंगे हाँ देखो मैं डाउट सॉल्व करूंगा बट वो सिर्फ वो डाउट का टाइमिंग राइट टाइमिंग तक आप वेट करना उतना पेशेंस आप दिखाओ बस एंड जैसे मैं पहले भी बताया कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव द पेशेंस क्या इंपॉर्टेंट है पेशेंस यस और नो अच्छा मुझे बताओ आ, कोई मूवी के बारे में मूवी जब बनता है तो डायरेक्टर को ज़्यादा पता होता है या एक्टर को डायरेक्टर yes. को ज़्यादा पता होता है बट सामने कौन आता है एक्टर बाद में तारीफ जनरली किसकी होती है एक्टर्स की तो तुम एक्टर हो पास होने के बाद तुम्हारी तारीफ होगी यानी तुम्हारी होना भी चाहिए क्योंकि तुमने काम अच्छे से किया है समझा या नहीं समझ रहा है क्या बट काम खराब होने के बाद में भी तुमने ही रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना है क्योंकि डायरेक्टर ने तो अपना काम किया है ना अच्छे से यस और तुम अगर अच्छा एक्टिंग नहीं करोगे तो प्रॉब्लम है ना मेरे भाई समझ रहा है क्या अच्छा बताओ कोई मूवी का सीक्वेंस डायरेक्टर को अच्छे से पता रहेगा या एक्टर को डायरेक्टर को अच्छे से पता रहेगा तो हमें डिसाइड करने दो कि हमें यहां पे क्या करना है समझ रहा है क्या अननेसेसरी आप वो जो क्वेश्चन कम नॉलेज एंड ज्यादा क्वेश्चन प्रॉब्लमेटिक कॉम्बिनेशन है समझ रहा है क्या सर कैसे होगा क्या होगा मेरे भाई हम सब लोग एंड तुम्हारा अच्छा ही चाहते इट्स नॉट स्टूडेंट वर्सेस टीचर इट इज टीचर विद द स्टूडेंट्स फॉर अ कॉमन गोल एंड अपना कॉमन गोल है या तो सप्टेम्बर 24 या जनवरी 25 ये अपना कॉमन गोल है आप समझ रहे हो क्या बाकी अगर और मार्केटिंग ओरिएंटेड कुछ मैसेज चाहिए मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पे राइट हजारों मैसेज डाल सकता हूं कि लोगों का रिजल्ट क्या आया इस लास्ट बैच में जो अपीयड है लास्ट बैच के अभी ये जो मे ट्वेंटी फोर है कितने जितने चाहो उतने बच्चों को पूछो कि भाई राइट ये बैच का फायदा होता है नहीं होता है आपको सिर्फ एक ही आंसर मिलेगा कि भाई इज्जत से क्लास कर ले समझ रहे इनफैक्ट जो फेल फेल हुआ है है ना या fail होने वाला है, वो भी बंदा आपको बोलेगा कि भाई मैंने ये गलती कर ली तू मत कर लेना आप समझ रहे हो क्या जो पास हुआ है वो तो डेफिनेटली ही बताएगा आपको कि भाई मैंने वो स्टेप्स फॉलो किए ये काम कर दिया राइट मैं पास होने वाला हूं या मुझे अस्सी मार्क आ गए एटी फाइव आ गए नाइन्टी आ गए जो भी कुछ है बट आप अच्छे से कर लेना मेरे भाई ये सब ठीक है बच्चों एंड द ट्रस्ट राइट भरोसा इज वेरी इंपॉर्टेंट राइट right. तो आप आप राइट प्लेस पे हो आप भरोसा कर सकते हो तुम्हारा सब्जेक्ट के बारे में मैं कोई डाउट नहीं रखूंगा ये सब्जेक्ट के लिए जो पॉसिबल है वो हर चीज करूंगा जो करना चाहिए वो सब चीजें अपन करेंगे यहाँ पे क्लास में आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस ओके एंड क्लास के बाद भी ऑब्वियसली इन द फॉर्म ऑफ टेस्ट सीरीज इन द फॉर्म ऑफ डाउट सॉल्विंग बाद में हम लोग यार वो आ, यूट्यूब पे ये रिविजन वगैरह तो लेते ही रहते समझ रहे बट उस बट कोशिश करो कि अपने को वो अटेंड करने की जरूरत ही ना पड़े अपन रेगुलर बैच ही इतना अच्छे से कर रहे हो बच्चों आप समझ रहे हो क्या क्योंकि रेगुलर बैच में जो इन डेप्थ होता है और वो पढ़ने का मजा अन पा बाद में फिर वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू एग्जाम ये एग्जाम में होता है क्या ये ये लिखने का फिर कहीं ना कहीं आदमी मैकेनिकल तरीके के ऊपर शिफ्ट होता है कि भाई हो समझे ना समझे ये लिखना होता है वो लिखना होता है ये नहीं लिखना रहता है ये फॉर्मूला यूज करना रहता है बट अपन रेगुलर बैच में राइट वी कैन गो ये फॉर्मूला कैसे आया क्यों आया ये क्यों नहीं है वैसा क्यों नहीं सोचा गया यही एजम्सन क्यों है वो क्यों नहीं है सोच सकते कि नहीं यहां पे? क्योंकि अल्टीमेटली बॉस आपको अगर फ्यूचर में कोई करियर आपको बना देगा आपका वो है नॉलेज नॉट द डिग्री नॉट द डिग्री डिग्री इज द बाय प्रोडक्ट ऑफ द नॉलेज समझ रहा है कि आपको मेन प्रोडक्ट क्या है मेन प्रोडक्ट क्या है जिसके पीछे हम भाग रहे वो क्या है नॉलेज समझ में आ रहा है कि नहीं डिग्री नॉलेज है इसलिए आएगी समझ रहा है क्या आपको ये डिग्री है इसलिए नॉलेजेबल है ऐसा थोड़ा आज की डेट में कम से कम इंडिया में अपन बोल नहीं सकते आप समझ रहे हो क्या क्योंकि पास होने के तरीके भी रहते हैं कुछ समझ रहा है क्या ट्रिक है ये किया वही लग गए क्वेश्चन अरे ये, ये रट्टा मारा वो रट्टा मारा समझ रहा है क्या अगर आपको कोई फ्यूचर में सक्सेस देगा ना बच्चों वह है नॉलेज समझ रहा है क्या तो अपन पूरा नॉलेज लेंगे इस बैच में एंड मार्क्स ऑटोमेटिक आएंगे आपको लोग रन्यू रेन्यूसोर मार्क्स आएंगे क्योंकि सिर्फ नॉलेज का मार्क्स ऑटोमेटिक आएंगे इफ यू रन बिहाइंड द नॉलेज ठीक है तो पहला चैप्टर है अपना आपको बताए जो भी चैप्टर्स है उसको हमने तीन पार्ट में डिवाइड किया यहां पे पहला बेसिक नॉलेज ओरिएंटेड चैप्टर इंट्रोडक्शन टू कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग इंट्रोडक्शन टू कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग इस चैप्टर को तुम चाहो तो बेसिक कॉस्ट कंसेप्ट ऐसा भी बोल सकते हो देन वन मोर चैप्टर इंट्रोडक्शन में है कॉस्ट शीट इंट्रोडक्शन मतलब आप यहां मत समझो कि अगले दो चार दिन में खत्म होने वाला है पहला चैप्टर ही चलेगा दस ग्यारह लेक्चर्स समझ रहे क्या मतलब अराउंड ट्वेंटी आवर्स अराउंड ट्वेंटी आवर्स तक दस ग्यारह लेक्चर मतलब मैं दो घंटे के दो सवा दो घंटे के माइंड से बताया पहले से समझा क्या आपको ये ओके सेकंड इज कॉस्ट शीट थर्ड इज मटेरियल कॉस्ट क्या चैप्टर है मटेरियल कॉस्ट देन एम्प्लॉ कॉस्ट कौन सा कॉस्ट एम्प्लॉ और तुम चाहो तो इसको लेबर कॉस्ट बोल सकते हो क्या बोल सकते हो लेबर कॉस्ट एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड क्या बोलो डायरेक्ट एक्सपेंसेस उसके बाद में है ओवरहेड कॉस्ट क्या है बोलो ओवरहेड्स या इस चैप्टर को आप बोल सकते हो ओवर हेड्स एंड एप्सॉप्शन कॉस्टिंग ओवर हेड्स एंड एपसॉप्शन कॉस्टिंग देन वन मोर बेसिक नॉलेज ओरिएंटेड चैप्टर है जो एक्चुअली कॉस्टिंग का है नहीं राइट इट्स अ चैप्टर फ्रॉम अकाउंट्स एंड दैट इज कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम्स क्या चैप्टर का नाम है कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम्स इसमें दो सिस्टम अपने को सीखना रहता है इंटीग्रेटेड एंड नॉन इंटीग्रेटेड दैट इज वन ऑफ द बेसिक चैप्टर समझ रहे तो ये चैप्टर कुछ है बेसिक नॉलेज ओरिएटेड उसके बाद में मेथर्स ऑफ कॉस्टिंग आते हैं क्या आते हैं बच्चों मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग तो मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग में ना बच्चों पहला चैप्टर जो हम इस बैच में लेंगे मेथड्स में वो है जॉइंट प्रोडक्ट एंड बाय प्रोडक्ट कॉस्टिंग क्या है बोलो जॉइंट प्रोडक्ट एंड बाय प्रोडक्ट कॉस्टिंग ज्वाइंट प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट कॉस्टिंग इसके बाद होगा प्रोसेस एंड ऑपरेशन कॉस्टिंग प्रोसेस एंड ऑपरेशन कॉस्टिंग इसके बाद में है यूनिट एंड बैच कॉस्टिंग दिस इज स्मॉलेस्ट चैप्टर इन एंटायर सिलेबस यूनिट एंड बैच कॉस्टिंग उसके साथ में ही करीब उतना ही छोटा और एक चैप्टर है जिसका नाम है जॉब कॉस्टिंग क्या नाम है जॉब कॉस्टिंग अगर आप 2019 के पहले देखोगे ना बच्चों सिलेबस तो वहां पे 2019 या एक ट्वेंटी ट्वे, के आसपास एक चैप्टर पहले एक चैप्टर रहता था जॉब एंड कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग क्या था जॉब एंड कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग तो उसमें से कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग इज नॉट देयर इन द सिलेबस तो आपको आप, आप उसने मैंने वॉल्यूम थ्री में जो कुछ पेपर्स दिए ना बच्चों कभी कभी आपको ऐसे दिखेगा क्वेश्चन फोर ए यानी उसके नीचे डायरेक्ट फोर सी दिखेगा तो आप ये मत समझो कि मुझे फोर बी लेना नहीं है हो सकता है कि वो फोर बी क्वेश्चन कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग का है इसलिए मैंने डिलीट किया वहां से समझा क्या आप तो अगर आप पेपर देखोगे उसमें आपको और नहीं इसमें से एक क्वेश्चन मिसिंग है तो वो मिसिंग क्वेश्चन डिलीटेड चैप्टर्स का रह सकता है समझा क्या मैं क्या बोल रहा हूं ओके okay, तो ये जॉब कॉस्टिंग उसके बाद में है ओके एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग क्या है एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग देन इज अ सर्विस कॉस्टिंग क्या चैप्टर है सर्विस कॉस्टिंग और तुम चाहो तो इसको बोल सकते हो ऑपरेटिंग कॉस्टिंग अनदर स्मॉल चैप्टर जिसको करीबन एक दो से तीन लेक्चर लगते बस सर्विस कॉस्टिंग और ऑपरेटिंग कॉस्टिंग ठीक है बच्चों? तो ये क्या थे बोलो मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग कौन से कौन से मेथड्स एक बार पढ़ो ज्वाइंट प्रोडक्ट एंड बाय प्रोडक्ट कॉस्टिंग प्रोसेस एंड ऑपरेशन कॉस्टिंग यूनिट एंड बैच कॉस्टिंग जॉब कॉस्टिंग एक्टिविटी बेस कॉस्टिंग सर्विस कॉस्टिंग और ऑपरेटिंग कॉस्टिंग एंड टेक्निक्स ऑफ कॉस्टिंग में सुपर इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये तीनों बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग एंड बहुत ज्यादा वेटेज वाले टॉपिक्स है और वो है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग कौन सा स्टैंडर्ड कॉस्टिंग मार्जिनल कॉस्टिंग इनफैक्ट सी ए फाइनल जब कॉस्टिंग हुआ करता था उसमें सिर्फ ये मार्जिनल कॉस्टिंग एक चैप्टर का वेस्ट, वेट था फोर्टी टू 45 मार्क्स कितना था फोर्टी फाइव एंड मार्जिनल एंड स्टैंडर्ड ये दो चैप्टर मिला के वेट वॉज 60 टू 65 मार्क्स मतलब 60 से पैसठ मार्क के क्वेश्चन सिर्फ ये दो चैप्टर के आया करते थे इन सी ए फाइनल एग्जाम प्रीवियसली ओके Obviously, उसका बेसिक हैज बिन केप्ड बेसिक नहीं को बेसिक प्लस काफी एडवांस लेवल तक हैज हैजिन केप्ट एट बोलो इंटरमीडिएट लेवल क्या चैप्टर से बोलो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एंड मार्जिनल कॉस्टिंग अगर आप देखोगे तो यहां पे सिर्फ आपको मार्जिनल कॉस्टिंग का नोट्स में थर्ड वॉल्यूम में मिलेंगे ओके okay, तो आ, या सेकंड वॉल्यूम में मिलेंगे आपको तो आईसीआई स्टडी मटेरियल में कुछ मेरे ख्याल से सत्ताईस अट्ठाइस क्वेश्चन है मैंने अपने स्टडी मटेरियल में कम से कम नाइनटी फाइव दिए हुए प्लस एग्जाम क्वेश्चन मतलब कम से कम एक सौ से बीस क्वेश्चन हम क्लास में सॉल्व करेंगे वन चैप्टर बट आप एट द सेम टाइम ये मत मुझे बाद में बताना कि नहीं सर आप कितना पढ़ाते हो सर कितना टाइम मेरे भाई कुछ आप मुझे बता अगर आपको एग्जाम के पहले ये कॉन्फिडेंस चाहिए कि इसके बाहर का कुछ भी नहीं आने वाला नाइनटी परसेंट इसी में से रहेगा या हंड्रेड परसेंट भी हो सकता है तो आप, आप उस वो कंफर्ट के लिए अपने को कुछ करना पड़ेगा ना पहले राइट अगर आपने को ऐसे जीना है के बाद में अरे यार ये या तो मुश्किल है ये चाहिए नहीं आपने को अपन सब करके करेंगे समझा समझाया नहीं अपन क्या करके जैसे अपने फाउंडेशन में था भाई मैं क्या हो कि क्या होने वाला है हाँ चलो दो चार क्वेश्चन आएंगे नाइनटी सिक्स मार्क्स के बारे में वी वी श्योर और नॉट कि भाई इसी में से आने वाला है करेक्ट और नॉट ज्यादा ज्यादा नंबर बदल के आएगा समझ रहा है सेम लेवल अपन इंटरमीडिएट में ला सकते हैं बट आप मुझे बताओ तुम ये बोल एक्सपेक्ट कर सकते हो क्या नहीं सर टोटल चालीस घंटे पढ़ाओ और वो लेवल पर भी लेके जाओ पॉसिबल है क्या ये कुछ तो सेक्रीफाइस करना पड़ेगा कि नहीं अपने को भी है या नहीं है आप ये मत बोलना कि नहीं सर अब संडे को भी साढ़े तीन घंटे पढ़ा रहे हो सर संडे को उल्टा ज़्यादा ले लिया सर आपने ये कर दिया सर ठीक है भाई दो महीने तैयारी रखो बस समझ रहा है कि नहीं एंड अपन अच्छा करेंगे ना यार करेक्ट है कि नहीं लास्ट डे आपने को ये लगेगा कि हाँ भाई मज़ा आया यार क्या पढ़े यार अभी इसके बाद में अपन रिवाइज़ करेंगे तो हो यार ये यारौ मार्क एंड सौ मार्क का सब्जेक्ट है मेरे भाई ये कोई चालीस पचास मार्क का पेपर थोड़ी है करेक्ट और नॉट हंड्रेड मार्क्स है ना इसमें यार है या नहीं है ओके okay, चलो तो टेक्निक्स ऑफ कॉस्टिंग में कौन से कौन से चैप्टर है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग मार्जिनल कॉस्टिंग एंड तीसरा है बजेट्स एंड बजेटरी कंट्रोल ये कंपैरेटिवली छोटा चैप्टर है लास्ट वाला बट ये मार्जिनल एंड स्टैंडर्ड ये कॉस्टिंग के सबसे बड़े दो टॉपिक्स है ओके मार्जिनल कॉस्टिंग एंड स्टैंडर्ड कॉस्टिंग ठीक है बच्चों तो ये है तुम्हारा एंटायर सिलेबस ऑफ कॉस्टिंग ठीक है बच्चों जो वॉल्यूम वन वॉल्यूम टू वॉल्यूम थ्री में मिलके कवर्ड है प्लस आपको एक एम सी क्यू बुक मैंने आपको दिया हुआ है बच्चों ओके तो कोशिश करो कि आज के आज, आज आप नोट्स कलेक्ट कर रहे हो नो डाउट अभी इसके बाद में जो भी वन आवर फिफ्टी मिनट्स का लेक्चर होगा उसमें मैं पढ़ाना चालू कर दूंगा बट ये आज के एक दिन का पढ़ाना वो जो क्योंकि मैं आपको चार पांच दिन बच्चों फील फैक्टर नहीं दे सकता यहाँ पे कि मैं कितना ये करूंगा मैं रोज रोज़ क्या बताओ यार भैया अभी बराबर है कि नहीं एंड अभी ये बैच ही दो महीने का और मतलब एक सिक्सटी डेज है मेरे पास अगर सब काउंट करोगे तो अराउंड एक सिक्सटी सेवन डेज है मेरे पास टोटल आज से लेके एंड तक इंक्लूडिंग संडे मेरे पास इतने दिन है इंक्लूडिंग संडे उसमें मुझे आपको 210 घंटे पढ़ाना है समझा या नहीं तो आप ये मत एक्सपेक्ट करना कि सर चार पांच दिन हमको आप ऐसा फील दो कि हम बहुत सब इजी होने वाला है राइट मैं बोल ही नहीं रहा हूँ कि भाई ये सब कुछ ये टफ रहेगा बट हम उसको इजी बनाएंगे पढ़ पढ़ के हम उसको पढ़ करके पढ़ाई कर करके राइट मेहनत कर करके समझ रहा है क्या वैरायटी ऑफ क्वेश्चन सॉल्व कर करके हम इसको आसान बनाएंगे ना यार एंड फिर अगर अपन ये कॉस्टिंग जैसे सब्जेक्ट को इजी बनाएंगे ना बच्चों तो ऑटोमेटिकली आपको एक पूरा ग्रुप पे आपका एक होल्ड आ जाएगा हाँ चलो भाई कॉस्टिंग में सेवेंटी सेवेंटी है ही अपने को तो ऑब्वियसली वो एग्रीगेट पॉइंट ऑफ व्यू से सब पॉइंट ऑफ व्यू से इट इज बेटर तो कॉस्टिंग इज अ स्कोरिंग सब्जेक्ट माई फ्रेंड्स बट इसके लिए अपने को बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करना है तो तैयार हो क्या आप सच्ची में या बस डे नंबर वन का ये जोश है या ये रहेगा भी ईमानदारी से बताओ जरा आवाज़ नहीं आ रही अभी भी यस सर ये या नींद में नहीं ना अभी भी नींद आ रही है क्या कुछ लोगों को अच्छा ऐसे नींद आने लायक माहौल है क्या इधर कुछ ऐसा बोर होने लग रहा है ऐसे फीलिंग आ गए क्या आपको नाचू गए नहीं तो फिर हाँ हाँ देखो नहीं बोला है बोलो मेरे भाई अभी क्या अल्टीमेटली तुम कंज्यूमर हो ना यार तुम्हारे वैसे हमारा घर चलता है है कि नहीं क्या कर नाचना ही क्या वो तो नाचेंगे ना लास्ट में है कि नहीं हम बहुत सारे लोग नाइन्टी 95 परसेंट ऑफ द क्राउड यहाँ पे पढ़ने आया उनके माँ बाप ने बहुत एक्सपेक्टेशन के साथ उनको भेजा है है कि नहीं यही टिपिकल एक पॉइंट है जहाँ पे स्टूडेंट तुरंत शांत हो जाता है माँ बाप <laughs> है कि नहीं कौन सा पॉइंट है माँ बाप माँ बाप के इतने एक्सपेक्टेशन है उन्होंने बट एक्चुअल में रियलिटी भी है रियलिटी ना काफ़ी हद तक ये सच है बहुत एक्सपेक्टेशन कुछ कुछ लोगों के बटी बोले कल मुझे पेरेंट्स मिले थे कोई कोई बोले कर्नाटक से कहीं से इधर से आया सर लोन लेके बच्चे को भेजा इधर ये किया है वो किया है आप चीट मत करना मेरे भाई माँ बाप को समझ रहे हैं ना माँ बाप को चीट मत करना बहुत मेहनत करके अच्छा माँ बाप के पास बहुत पैसा रहेगा तो भी ऐसा मत समझना कि राइट इनको क्या फर्क पड़ता है बहुत मेहनत से आया रहेगा वो पैसा आप समझ रहे हो क्या जो भी कुछ आया ऐसे फ्री में नहीं आया रहेगा आई एम वेरी श्योर डे नाइट उन्होंने राइट काम किया रहेगा मेहनत किया रहेगा आप समझ रहे हो ना तो आप जो भी कुछ है राइट उसका रिस्पेक्ट रखो मैं जानता हूँ कि आप जेन जी कैटेगरी हो तो जेन जी में आजकल ऐसा मतलब किसी ने ऐसा कुछ बोला तो आपको गुस्सा आता है गुस्सा आता है ना आपको गुस्सा आता रहेगा ना अच्छा मैं आपको डाटा तो चलता है क्या कभी अच्छा समझो मैं ऐसे कभी आपने किसी ने गलत जवाब दिए या कुछ किए पढ़ाई नहीं कर रहे हो कुछ नहीं और मैं आपको ऐसे पाँच दस मिनट डाटा अक्कल नहीं है तुम लोगों को ना लायक थर्ड क्लास हो तुम लोग ऐसा ऐसा बोला तो हाँ चलेगा या नहीं चलेगा अरे भाई मतलब आप पर्सनली लोगे या आप बोलोगे हाँ भाई चलो अभी ये बोल रहा है सबके लिए अगर तुम्हारे लिए अच्छा देखो दो बातें हैं या तो वो तुम्हारे लिए एप्लीकेबल रहेगा या नहीं रहेगा एप्लीकेबल कब रहेगा अगर तुम वो कर रहे हो तो तो तुम वो कर रहे हो और मैंने बोला तो वैसे भी गुस्सा नहीं आना चाहिए एंड दूसरी चीज़ है तुम्हारे लिए अप्लीकेबल ही नहीं है फिर तो गुस्से की बात ही नहीं तो किसको गुस्सा आना चाहिए बराबर है ना अगर वो तुम्हारे लिए एप्लीकेबल है तो फिर तो ऐसी बात करना ही चाहिए तुम्हारे साथ नहीं है तो फिर तो तुम चुप रखो रहो वैसे भी तुम्हारे लिए एप्लीकेबल है नहीं समोन एल्स किसी की वजह से ही हो रहा है बट ऑब्वियसली ये यहाँ पे अलग अलग लोग हैं इतने सारे बच्चे बैठे हैं देखो यहाँ पे अलग अलग बैकग्राउंड से है अलग अलग सब है जो भी कुछ है अलग अलग कोई मराठी मीडियम से आया कोई कहाँ से आया कोई समझ रहा है कि आपको कॉन्वेंट में पढ़ा है अलग अलग बैकग्राउंड है अलग अलग आई क्यू है अलग अलग हार्ड वर्किंग एबिलिटी है अलग अलग अंडरस्टैंडिंग का लेवल है अलग अलग आई क्यू लेवल है तो ये सबको अपन साथ में लेके चलेंगे क्लास में अपना पढ़ाने का स्पीड ऐसा रहेगा कि एवरेज से एवरेज बंदा भी समझ पाए समझ रहा है क्या इंटेलिजेंट वालों को थोड़ा ओवर बर्डन होगा ये चार बार बट ऐसा कुछ नहीं होता है कि उसका कुछ नुकसान होने वाला है एंड इंटेलिजेंट कौन है ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है आप समझ रहे हो या नहीं तो के? तो के हम लोग एकदम एवरेज बंदा मेरे सामने बैठा है राइट जिसको चार बार पांच बार एक्सप्लेन करने के बाद दो बार तीन बार एक्सप्लेन करना पड़ता है राइट ये एंगल से बट तुम पहली बार जब मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं ना तब दिमाग में ये मत रखो कि ये चार बार वैसे भी बोलता है आप कोशिश करो समझ रहे क्या कि वहां पे समझ रहे ताकि नेक्स्ट टाइम मैं जब बताऊंगा ना तो एकदम दिमाग में फिट हो जाए समझा क्या नो डाउट क्लास में रिपीटेशन होगा यहाँ पे तो चलो जो भी कुछ अपना एक्सपीरियंस रहेगा ये राइट सिक्सटी फाइव सिक्सटी सेवन डेज का बैच है राइट लेट्स बिगिन ओके तो इसके बाद में हम एक्चुअली पढ़ाना चालू कर देते टेक अ फिफ्टीन मिनट्स ब्रेक एंड विल कंटिन्यू माई फ्रेंड्स चलेगा यस थैंक यू वेरी मच चलो बच्चों वेलकम आफ्टर ब्रेक एंड शल यू कंटिन्यू हो गया ब्रेकफास्ट पंद्रह मिनट्स में थोड़ा कम टाइम है क्या ब्रेकफास्ट के लिए तो आप देखो फिर आ, कुछ क्लास में ही ला सकते हो क्या वगैरह ठीक है पंद्रह मिनट में आपको बाहर पॉसिबल नहीं तो क्योंकि हम ज़्यादा टाइम भी वेस्ट नहीं कर सकते आगे अगर मेरा लास्ट लेक्चर रहता तो कुछ बात और होती मैं एक्सटेंड कर सकता था इट्स नॉट पॉसिबल बिकॉज ऑफ़ दैट ऑल्सो चलेगा ना कोशिश करो आप पंद्रह फिफ्टी मिनट्स के अंदर ही कम्प्लीट कर सको चलेगा ना जो लोकल लाइट से आप घर से लाया करो नाश्ता ठीक है और आपके दोस्त के लिए भी लाया करो जो बाजू में बैठा है उसके लिए भी ठीक है ओके चलो फिर करें हम लोग कंटिन्यू या हाँ या कोई हॉस्ट जो है या वैसे कोई दोस्त बना लो मतलब आपको समझेगा ना फ्यूचर का अभी इसे थोड़ा टेस्ट समझेगा तो समझेगा आगे बढ़ना है नहीं बढ़ना है, है कि नहीं ओके चलो फिर बच्चों शेल वी स्टार्ट Shall वी स्टार्ट yes, चलो फिर <coughs> बच्चों हमने चैप्टर के नाम्स लिखे थे इसके पहले और कुछ भी नहीं चैप्टर के नाम जो लिखे थे बस वो छोड़ के और कुछ भी नहीं कंप्लीट किया हमने बराबर है बच्चों अच्छा सुनो जो क्लास के बाद में कुछ यहाँ पे क्लास में बैठ के खा रहे हैं ना कोई प्रॉब्लम नहीं आराम से खाओ सिर्फ ऐसा मुझे मत दिखाओ कि ऐसे खा रहे मैंने देखा ऐसे कर लिया आराम से खाओ जैसे आपने हक है वैसे बैठ के खाओ समझ रहे है क्या अब देखो ऐसे खा रहे ऐसे मैं क्या छीन रहा हूँ क्या भाई आराम से बैठ के खाओ उसमें क्या है इतना मैं बट ओनली थिंग इज दैट मेरा रिक्वेस्ट ये रहेगा कि क्लास में बैठ के अगर कुछ खा रहे हो ना आप तो वो क्लास में बैठ के खाने लायक होना चाहिए फॉर एग्जाम्पल कोई बिस्किट खा रहा है वेफर्स खा रहा है ठीक है इट्स ओके बिल्कुल कोई जलेबी फाफड़ा <laughs> लेके आ रहा है क्लास में पोहे उसके ऊपर सांभर है उसके ऊपर ये समझ रहा है क्या वो समोसा उसके ऊपर सांभर डाल के चटनी डाल के याद खा रहा है आजू बाजू के चार लोग देख रहे हैं <laughs> है या नहीं बड़ा क्या चटनी गिर गई वो नहीं वो मत करो ठीक है क्लास में बैठे ना तो क्लास में बैठ के खाने लायक कुछ चीज़ें होती कि नहीं ऐसे वैसे कोई ड्राई फ्रूट्स खा रहा है समझो इट्स ओके okay. समझ रहा है क्या या कोई बिस्किट खा रहा है वेफर्स खा रहा है दैट टू आई कैन अंडरस्टैंड क्लास में खाने लायक होना चाहिए क्लास में बैठ के खा रहे तो ब्रेक के बाद ना ब्रेक के पहले अलाउड नहीं है ब्रेक के बाद ब्रेक के बाद मैं अलाउड नहीं है मतलब इन द सेंस अगर किसी को किसी को लग रहा है कि नहीं सर राइट बहुत ही भूख लगी अदरवाइज चक्कर आ जाएगा मुझे तो खाओ मेरे भाई मेरा प्रॉब्लम वो नहीं है समझ रहे हैं ना आई डोंट वॉन्ट कि तुम भूखे रहो या तुम इनकन्वीनियंस हो राइट बट एक को कन्वीनियंस के लिए बाकी बहुत लोगों को इनकन्वीनियंस है हो रहा है ये मुझे सिर्फ नहीं चाहिए चलेगा बच्चों यस आज नोट्स आपको रात में नौ बजे तक ऑफिस ओपन रहेगा जब कलेक्ट करना है करो आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं बिल्कुल ब्रेक के बाद आपको वहां पर देखेगा ऑफिस में अचानक ऑब्वियसली तो इतने बच्चे जाएंगे तो भीड़ होगी वो इशू तो नहीं कर पाएंगे इतने फास्ट बराबर है ना नौ बजे तक ऑफिस ओपन रहेगा आप कभी भी कलेक्ट कर लो आज के दिन कोई प्रॉब्लम नहीं है कल भी नौ बजे तक ऑफिस ओपन रहेगा ठीक है तो रात को नौ बजे तक ऑफिस ओपन है आप कभी भी कलेक्ट कर लो जो लोगों ने वी स्मार्ट में एडमिशन लिया है आप आपके पास जो आपका रिसीट है उसका एक जेराक्स भी आपके पास होना चाहिए वो जेराक्स आपको सबमिट करना है हमारे रिकॉर्ड पर्पज़ के लिए ओके जो लोगों ने एक्सपर्ट में एडमिशन लिया है उनको कोई टेंशन नहीं है ओके वो जो भी आपका ओरिजिनल रिसीट देखो आपको बुक मिल जाएगा समझ रहा है क्या बट जो लोगों ने वी स्मार्ट में एडमिशन आपको एक जेराक्स करना पड़ेगा उसका और वो जेराक्स आपको एक्सपर्ट ऑफिस में सबमिट करना है राइट बिफोर यू कलेक्टिंग द स्टडी मटेरियल आपने एडमिशन कहीं पर भी लिया हो आपको नोट्स एक्सपर्ट से ही कलेक्ट करना है राइट इरेस्पेक्टिव ऑफ वेर आर टेकन द एडमिशन यू विल कलेक्ट दी नोट्स फ्रॉम एक्सपोर्ट अकेडमी ठीक है बच्चो यस yes. चलो फिर स्टार्ट कर दे बच्चों ये चैप्टर के नाम लिख दिए तो आज हम स्टार्ट करने वाले पहला चैप्टर जिसका नाम है बेसिक कॉस्ट कंसेप्ट दैट इज इंट्रोडक्शन टू कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग इंट्रोडक्शन टू कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग चलेगा बच्चों अच्छा आज जो भी अपन पढ़ेंगे बिल्कुल कंक्लूजन पे मत आओ कि ये क्या है स्लो है फास्ट है ये सब बच्चों आपको बहुत मजा आएगा ये सब्जेक्ट में मैं ऑलरेडी इंट्रोडक्शन लेक्चर्स में बहुत डिटेल में बता चुका हूं चलेगा बच्चों यस yes, चलो फिर व्हाट इज कॉस्ट कोई बता सकता है मुझे पहला क्वेश्चन इस बैच का व्हाट इज कॉस्ट अपने सब्जेक्ट का नाम क्या है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग कॉस्टिंग जिसको हम पॉपुलरली बोलते हैं व्हाट इज कॉस्ट कॉस्ट अलग है कॉस्टिंग अलग होता है कॉस्ट अकाउंटिंग अलग होता है कॉस्ट मैनेजमेंट अलग होता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग अलग होता है समझा क्या आपको ये वॉट इज कॉस्ट एंड आपको समझता होगा अभी कि पहले क्या रहता था बच्चों वो थियोरी जो है ना वो सिर्फ डिस्क्रिप्टिव के एंगल से इंपॉर्टेंट रहता था अब तो एमसीक्यू के एंगल से भी कोई भी एक वर्ड भी एक मार्क के लिए पूछा जा सकता है एक वर्ड मिसिंग है दैट कैन कम फॉर वन मार्क और नॉट तो पूरा ध्यान देना क्लास में एंड आप सिर्फ आपका काम करो यहाँ पे बाकी मैं सब संभालूंगा समझ रहा है क्या कौन से क्वेश्चन लेना है कितना एक्सप्लेनेशन देना है क्या करना है आपका काम है क्लास में ध्यान देना बाकी सब मैं समझ लूंगा चलेगा बच्चों चलो इज कॉस्ट कोई बता सकता है कॉस्ट मतलब क्या सिंपल लेमैन लैंग्वेज में कॉस्ट क्या है कॉस्ट इज द एक्सपेंडिचर इनकर्ड बेसिक है ना यार कॉस्ट इज द एक्सपेंडिचर टू बी इनकर्ड इन प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड ऑब्लिक और इन रेंडरिंग सर्विसेस जैसे हम एक एकेडमी कोचिंग सेंटर रन कर रहे हैं यहाँ पे हमारे लिए कुछ कॉस्ट है क्या क्या कॉस्ट है हमारे लिए प्रिंटिंग कॉस्ट मार्केटिंग कॉस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर का कॉस्ट सैलरी टू स्टाफ करेक्ट और नॉट ऑफिस का डेप्रिसिएशन और रेंट वाट एवर इट इज यस और नो ये छोड़ के और भी बहुत सारे खर्चे रहेंगे ना बच्चों हमारे रहेंगे या नहीं रहेंगे या जो आप फीस पे कर रहे हो वही हमारा डायरेक्ट नेट प्रॉफिट है नॉट एट ऑल देर इज अ एक्सपेंडिचर और नॉट देर इज अ एक्सपेंडिचर तो बेसिकली कॉस्ट इज नथिंग बट इट इज एन एक्सपेंडिचर इनकर्ड इन प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड ऑब्लिक और इन रेंडरिंग सर्विसेस गुड्स प्रोड्यूस करने के लिए या सर्विस रेंडर करने के लिए या दोनों करने के लिए जो भी एक्सपेंडिचर इनकर होता है उसको हम क्या बोलते हैं कॉस्ट तो हमने इस डेफिनेशन में क्या बोला है कॉस्ट इज द एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऐसे बोला है तो इसके वजह से थोड़ा सा ये डेफिनेशन प्रॉब्लमेटिक है ओके okay? क्या बोला है कॉस्ट इज द एक्सपेंडिचर इनकर्ड समझ में आ रहा है अब आप मुझे बताओ सुन रहे हो क्या समझो ये प्रीमाइसेस जहां पे आप देखो यहां पे इतना बड़ा क्लासरूम है अब देख रहे हो ये कॉर्नर से लेके ये कॉर्नर तक राइट 1200 सौ स्टूडेंट इसमें बैठ सकते हैं तो अभी अराउंड एक 800 हंड्रेड टू नाइन हंड्रेड स्टूडेंट्स आराम से है यहाँ पे अभी सुन रहे हो क्या बच्चों तो आप मुझे बताओ ये क्लासरूम हम रेंट पे देते तो हमें कुछ रेंट मिलता क्या ये क्लासरूम हमारा ओल्ड क्लासरूम है बट बताओ अगर ये क्लासरूम हम किसी और को रेंट पे देते तो हमें रेंट मिलता क्या तो हमें कम से कम ना बच्चों महीने का दस लाख रुपये रेंट मिलता है इसका कितना रेंट मिलता है दस लाख रुपए रेंट मिलता है इसका मैं कुछ भी राइट इधर उधर की बातें नहीं कर रहा हूं यहां पे पुणे सिटी में ये एरिया में ये स्क्वायर फीट का एरिया मतलब समझते हो क्या आप दस लाख रुपए रेंट मिलता है हमें महीने का इस सिर्फ ये बड़े इतने बड़े क्लासरूम का आप समझ रहे हो आप बताओ तुम्हारे बैचेस के लिए जो भी ये बैचेस यहां पे कंडक्ट होते हैं उसके लिए हमने ये क्लासरूम यूज करके क्या ना इसे वी हैव इनकर्ड टेन लैक्स रुपीज कॉस्ट वी हैव इनकर्ड टेन लैक्स रुपीज कॉस्ट किसको पे किया दस लाख इसको पे किया दस लाख तो पे नहीं किया तो कैसे इनकर किया फिर वेरी गुड ये क्या है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट सही सोच रहे हो आप जॉब दो बस क्या है ये बोलो अपॉर्चुनिटी ये कॉस्ट है इनकर्ड कॉस्ट है है भाई दस लाख मैंने पे किया किसी को नहीं बट अगर मैंने यहां पर सारे बैचेस नहीं लिए तो वी वुड हैर्न टेन लैक्स रुपीज और नॉट तो दिस इज एज गुड एज रेंट फॉर गॉन क्या ये बोलो रेंट फॉर गॉन करेक्ट है मैं आपका बैच लेने के बिना अगर समझो इसी टाइम पे राइट लेट से ये 67, 68 डेज अगर मैं सुबह साढ़े सात से लेके राइट ग्यारह बजे तक समझो किसी सीए के ऑफिस में काम करूं तो वो मुझे पचास लाख देने के लिए तैयार है कितना पैसा देने के लिए तैयार है पचास लाख रुपए देने के लिए तैयार है मुझे वो बोल रहा है कि भाई तू आ, आ, आ जाए यहां पर काम कर मैं जानता हूं कि तू माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वगैरह बहुत अच्छे से यूज कर लेता है हमारे पास एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट का काम है राइट वो अपन ढाई तीन महीने अगले कंप्लीट करेंगे एंड क्लाइंट अपने को पांच करोड़ फीस देने वाला है उसमें से पचास लाख तेरे उसमें से पचास लाख तेरे।, तेरे अब बताओ तुम्हारा बैच कंडक्ट करने का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज फिफ्टी लैक्स रुपीज और नॉट मैं पचास लाख कहीं पे कर रहा हूं क्या बच्चों बट तुम्हारा बैच मैंने नहीं लिया तो पचास लाख मेरे जेब में आ रहे थे बट आप बताओ मैं बोला भाई मैं नहीं ले सकता ये काम क्योंकि मुझे मेरा बैच लेना है तो आप बताओ बच्चों तुम्हारा बैच लेने के लिए पचास लाख रुपए मेरे जेब में जो आ ही रहे थे गिरने वाले थे मेरे जेब में उधर ही रह गए यस और नो ये क्लासरूम में रेंट पे देता तो दस लाख मेरे जेब में आ ही रहे थे मैंने उसको बोल दिया नहीं भाई रे तो क्लासरूम में हमें अपने बैचेस लेना है रेंट पे नहीं दे सकता दस लाख नहीं आया जेब में मेरे बताइए दस लाख मैंने खर्चा किया क्या नहीं बट मेरे जेब में अदरवाइज आने वाला था कि नहीं बट वो मैंने सैक्रिफाइस कर लिया क्या कर लिया सैक्रिफाइस कर लिया फॉर कंडक्टिंग योर बैच फॉर कंडक्टिंग योर बैच आर यू अंडरस्टैंडिंग माई फ्रेंड्स तो कॉस्ट इज नॉट ओनली द एक्सपेंडिचर इनकर्ड इसके अंदर और भी कुछ ऐड होना चाहिए इसलिए हमने कॉस्ट का बेटर डेफिनेशन बनाया और वो डेफिनेशन है कॉस्ट इज द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ ऑल सैक्रीफाइजिसक्रीफाइजिस मेड कॉस्ट इज द बोलो मॉनेटरी वैल्यू ऑफ ऑल मेड फॉर एग्जाम्पल अब समझो मैंने लाइट बिल भर दिया पचास हजार रुपए तो ऑब्वियसली वो पचास हजार मैंने आप सैक्रीफाइस करके इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को दे दिए ना राइट right? एंड वो पचास हजार का इलेक्ट्रिसिटी क्यों बाय किया क्योंकि मुझे क्लासेस कंडक्ट करवाने थे पचास हजार में जो भी हमने इलेक्ट्रिसिटी के यूनिट्स बाय किए ना भाई वो क्लास कंडक्ट करवाने के लिए सर्विस रेंडर करने के लिए या गुड्स प्रोड्यूस करने के लिए हमने लिए ना वो येस और नो तो आप बताओ कॉस्ट सिर्फ एक्सपेंडिचर इनकर्ड होता है क्या नहीं राइट इट इंक्लूड्स अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अल्सो तो चलो कॉस्ट का डेफिनेशन बताओ हाँ बोलो कॉस्ट इज द कॉस्ट इज द मोनेटरी वैल्यू ऑफ ऑल सैक्रीफाइज मेड टू अचीव एन ऑब्जेक्टिव एंड अचीव एन ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव क्या है टू प्रोड्यूस गुड्स एंड ऑब्लिक और टू रेंडर सर्विस समझा क्या ये बेटर डेफिनेशन है तो लिखो कॉस्ट इज द जो लोगों के पास बुक है आप डायरेक्ट बुक में लिखो जो उनके पास नहीं है आप नोटबुक में लिखो एक दो दिन जब तक आप बुक कलेक्ट नहीं करते हो तब तक बाद में आपको बुक में लिखना है कॉस्ट इज द मॉनेटरी वैल्यू कॉस्ट इज द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ ऑल बोलो सैक्रीफाइजेस मेड कॉस्ट इज द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ ऑल सेक्रीफाइजेस मेड टू अचीव एंड बोलो ऑब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव क्या होता है टू प्रोड्यूस गुड्स एंड ऑब्लिक और बोलो टू रेंडर टू रेंडर क्या सर्विसेस सही है बच्चों तो कॉस्ट इज द मॉनिटरी वैल्यू ऑफ ऑल sacrifices मेड टू अचीव एन ऑब्जेक्टिव ओके वैसे हम इसको आगे और एक्सप्लेनेशन में ऐसे बोल सकते हो इन सिंपल वर्ड्स इन सिंपल वर्ड्स कॉस्ट इज द एक्सपेंडिचर इनकर्ड बट बता बच्चों ये डेफिनेशन में प्रॉब्लम था इसलिए हमने दूसरा बेटर डेफिनेशन किया ना यस और नो इन सिंपल वर्ड कॉस्ट इज द एक्सपेंडिचर इनकर्ड टू प्रोड्यूस गुड्स टू प्रोड्यूस गुड्स एंड ऑब्लिक और टू रेंडर बोलो सर्विसेस टू रेंडर सर्विसेस कॉस्ट इज द एक्सपेंडिचर इनकर्ड टू प्रोड्यूस गुड्स एंड ऑब्लिक और टू रेंडर सर्विसेस सही है बच्चों तो कॉस्ट में ना बच्चों बहुत टाइप्स है समझ रहे कि आपको है? जैसे कि आपने कभी इसके पहले सुना रहेगा फिक्स्ड कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट सेमी वेरिएबल कॉस्ट एक्सप्लिसिट कॉस्ट इंप्लीसिट कॉस्ट अकाउंटिंग कॉस्ट इकोनॉमिक कॉस्ट प्रोडक्ट कॉस्ट पीरियड कॉस्ट सुना है क्या आपने कभी रिलेवेंट कॉस्ट इ कॉस्ट कंट्रोलेबल कॉस्ट नॉन कंट्रोलेबल कॉस्ट प्रोडक्शन कॉस्ट कन्वर्जन कॉस्ट रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट आप समझ रहे हो क्या और भी नॉर्मल कॉस्ट अब नॉर्मल कॉस्ट समझ रहे आपको ये पीरियड कॉस्ट प्रोडक्ट कॉस्ट समझ रहा है देर आर मेनी टाइप्स ऑफ कॉस्ट अभी मैंने बातों बातों में दस पंद्रह बताए रहेंगे देर आर मेनी टाइप्स ऑफ कॉस्ट बट इसका प्रॉपर क्लासिफिकेशन करेंगे तो अपने को समझेगा फिर ऐसे रैंडमली पंद्रह बीस टाइप तो नहीं बता सकते ना यार प्रॉपर क्लासिफिकेशन करेंगे तो वो ऑब्वियसली कल के लेक्चर में आएगा क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट बेसिकली कॉस्ट का मीनिंग जानते हो फिर आप आज की बाद कोई कॉस्ट बोलेगा तो कॉस्ट इज एक्सपेंडिचर इनकट ये बोलोगे क्या आप नहीं क्या बोलोगे कॉस्ट इज द मॉनिटरी वैल्यू ऑफ ऑल सेक्रीफाइजेस मेड टू अचीव एन ऑब्जेक्टिव करेक्ट है जनरली हमें हमारे दिमाग में जो कॉस्ट रहता है ना बच्चों जो हमें सामने सामने दिखता है ओके वो होता है प्राइम कॉस्ट वो क्या होता है प्राइम कॉस्ट आगे हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे मैं जैसे पहले लेक्चर में भी बहुत डिटेल में बताया भाई थोड़ा पेशेंस रखा करो क्योंकि दिस इज अ साइकिल समझ रहा है क्या एक समझाने के लिए दूसरा समझाना है समझ रहा है कि आपको ये ये समझा तो वो समझेगा वो समझा तो पहले में और ज्यादा क्लैरिटी आएगी करेक्ट है तो ये साइकिल का पार्ट बनो बराबर सब समझेगा समझ रहा है मोस्ट ऑफ द टाइम्स हमें जो दिखता है ना जैसे कि तुम लोग टीचर लोगों का इनकम कैलकुलेट करते हो कितना पैसा कमाते रहेंगे नौ सौ इन अठारह हजार करेक्ट है वो बोल रहा है भाई डेढ़ करोड़ के ऊपर तो इधर ही हो गए फेस टू फेस ऑनलाइन तो इससे भी ज़्यादा है रिकॉर्डेड तो गिनती नहीं है कोई आप समझ रहे हो कि नहीं लाइव स्ट्रीम जोड़ो रिकॉर्डेड रिकॉर्डेड सब सबसे ज़्यादा रिकॉर्डेड है सबसे बड़ा नंबर समझ रहे हैं सेकंड इज लाइव स्ट्रीम थर्ड इज़ फेस टू फेस थर्ड इज़ फेस टू फेस जो सबसे छोटा नंबर है वही आठ सौ है आप समझ रहे हो तो आपको लगता होगा भाई ये तो एक बैच से पाँच करोड़ अच्छा मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि करोड़ हमारा रेवेन्यू नहीं होगा इससे बड़ा आप बताओ प्रॉफिट डायरेक्ट हमें कोई खर्चा ही नहीं है खर्चा है या नहीं है या बहुत थोड़ा बहुत खर्चा रहेगा ना एक दो चार रुपए करेक्ट <laughs> तो देर आर मेनी कॉस्ट जो अपने को दूसरे बिजनेस के दिखते नहीं है करेक्ट और नॉट अपने खुद के बिजनेस पे अपने को रेवेन्यू दिखता है कॉस्ट ह्यूज है वो दिखता है बट दूसरे के बिजनेस का अपने को सिर्फ क्या दिखता है प्रॉफिट डायरेक्ट प्रॉफिट दिखता है अपने को समझाया नहीं जैसे कि सिंपल एक एग्जाम्पल मैं और मेरी मम्मी एक बार एक फाइव स्टार होटल में गए थे मेरे मै, और मेरी मम्मी दोनों गए थे हम लोग और एक मैंने कुछ पनीर का कोई डिश ऑर्डर कर दिया ओके और वो कुछ सत्रह सौ अठारह सौ रुपये का था अठारह सौ रुपये का था मेरी मम्मी जस्ट मेरी मम्मी बोली कि देखो मुझे कुछ करना नहीं है पैसे तू ही देने वाला है बट तू बता कितने का है मैं बोला मम्मी अठारह सौ रुपये का है एक डिश सिर्फ बाकी रोटी वोटी कुछ नहीं सिर्फ एक डिश मेरी मम्मी बोली अठारह सौ इसका मतलब इसमें सत्रह सौ नब्बे रुपये प्रॉफिट है मेरी मम्मी क्या बोली सत्रह सौ नब्बे प्रॉफिट है मम्मी बोला कैसे मम्मी इतना फास्ट तो मम्मी बोली ये तो ये, क्या तो है पनीर दो चार और ये सब ये तो समझ रहे क्या दस रुपए का ये सब कितने का है मैं घर पे बनाऊंगी तो दस दस बीस रुपए खर्चा नहीं आना है इसको सत्रह सौ अस्सी से सत्रह सौ नब्बे प्रॉफिट है इसमें अब बताओ जीएसटी वो कौन सा लग्जरी कौन सा टैक्स होता है वो अच्छा बताओ वो तो चलो ये तो टैक्सेस है अच्छा मुझे बताओ अपन ने कार पार्क की वहाँ पे एक जन आदमी आया कार पार्क करने लेके गया वो वापस लेके आएगा अच्छा वो जो लड़की राइट गेट पे रुकी थी सुंदर लड़की गुड इवनिंग बोली उसके भी पैसे है भाई बराबर है कि नहीं अच्छा होटल में एंटर करते ही अब बताओ इतना बड़ा झूमर था उधर उसके नीचे सोफा सेट था उधर उधर अपन पाँच दस मिनट वेट किए वो झूमर की पचास साठ लाख रुपये का था उसकी कीमत जो सोफा बैठे थे अपन समझ रहे हैं कि नहीं एज अ वर्ल्ड क्लास सोफा था वो कम से कम दस पंद्रह लाख रुपए का तो सोफा सेट रहेगा वो हर जगह पे देखा रहा है चक्का चौन मार्बल लगाए हुए राइट कितने लोगों ने अपने को आके सर्विस दी स्विमिंग पूल के बाजू में अपना टेबल है उसको मेंटेन करने का खर्चा एंड ये सब जो है ना पुणे के हार्ट ऑफ द सिटी में वो होटल है वो होटल जिस प्लॉट पे है ना वो प्लॉट ही कम से कम पांच करोड़ का है है क्या सत्रह रुपए प्रॉफिट बाद में छह महीने के बाद पता चलता है कि दैट होटल वेंट इन टू दॉसिसाउन तो सत्रह सो अस्सी प्रॉफिट रह के कैसे बंद हुआ भाई तो सत्रह सो अस्सी प्रॉफिट था ही नहीं मेरे मम्मी के दिमाग में क्या था सिर्फ प्राइम कॉस्ट क्या था वो भी ठीक से नहीं था वो भी ठीक से नहीं था आप समझ रहे हो क्या ऐसे प्रॉफिट कैलकुलेट करते क्या देर आर सो मेनी अदर इलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट और नॉट देर आर सो मेनी अदर इलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस अच्छा बताओ समझो ये लड़का बोल रहा है कि सर आपकी गाड़ी दे दो मुझे ओके और मैं चलो सॉरगेट जाके आता हूँ इधर ही है ना चार दो किलोमीटर दो किलोमीटर भी नहीं रहेगा ठीक से चलो दो किलोमीटर वो बोल रहा है दो और दो सौ चार किलोमीटर लग गए सुन रहे हो क्या वो बोल सर चार किलोमीटर का पेट्रोल का खर्चा चलो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम सौ रुपये सौ रुपये ले लो सर बोला सौ रुपये ले लो आपकी गाड़ी लेके जाता हूँ मैं अब बताओ वो उसने मेरा जो भी कॉस्ट है चार किलोमीटर का वो दिया क्या पूरा दिया क्या नहीं। उसने सिर्फ पेट्रोल कॉस्ट दिया रहेगा और नो और क्या कॉस्ट था फिर अच्छा मुझे बताओ कार को मुझे हर दस हजार किलोमीटर पे सर्विसिंग करना है एंड सर्विसिंग का बिल पाँच पचास हजार रुपया था कितना तो पांच रुपए पर किलोमीटर सर्विसिंग का था तो ये चार रुपए लेके गया था चार किलोमीटर चलाया इसका बीस रुपए समझे क्या आप अच्छा सुनो हर, हर पच्चीस हजार किलोमीटर पे मुझे चारों टायर चेंज करने एंड चारों टायर वो एकदम सुपर सुपीरियर प्रीमियम क्वालिटी के टायर है वो चारों टायर का मिला के कॉस्ट एक लाख रुपए है तो पच्चीस हजार किलोमीटर पे टायर चेंज करना है एक लाख रुपए अब बताओ चार रुपए पर किलोमीटर सिर्फ टायर का कॉस्ट है अब बताइए चार किलोमीटर लेके गया था सोलह रुपए सिर्फ टायर का डेप्रिसिएशन था नहीं समझा आपको गाड़ी समझो मैंने साठ लाख में लिया था एंड मैं पचास हजार किलोमीटर चलाने के बाद में मैं दस लाख में बेच देता हूं कितने में दस लाख तो बता पचास लाख का डेप्रिसिएशन है पचास हजार किलोमीटर चलाने का सौ रुपए पर किलोमीटर सौ रुपए पर किलोमीटर ये चार किलोमीटर लेके गया था चार सौ रुपए अब बताओ इसको क्या लग रहा था पेट्रोल का पैसा देके राइट मैंने सर को पूरा कॉस्ट रियम्बर्स करवाया करवाया आप समझ रहे हो क्या मेरे भाई अभी जो मैं आपको बता रहा हूं अरे यार ये तो दस की चीज़ है, देखे, अरे करेक्ट और नॉट बट देर आर ह्यूज कॉस्ट और नॉट जो कॉस्ट हम देख नहीं पाते वो भी कॉस्ट होते जनरली उसको ओवरहेड कॉस्ट बोला जाता है क्या बोला जाता है ओवरहेड कॉस्ट जो अपना फोर्थ चैप्टर है जो अपना फोर्थ चैप्टर है ओवरहेड कॉस्ट एंड ऐप्स कॉस्टिंग तो इसमें हम बहुत इंटरेस्टिंग पूरा जो कॉस्ट इनकर होता है वो प्रोडक्ट तक कैसे पहुंचता है वो प्रोडक्ट तक कैसे पहुंचता है ये अपन पढ़ने वाले हैं राइट जिसमें फिर कॉस्ट का राइट कलेक्शन होता है क्लासिफिकेशन होता है अलॉकेशन होता है अपॉर्शनमेंट होता है रीअपॉर्शनमेंट होता है एप्स होता है अब मैं जानता हूं कि आपको इसमें से कुछ भी नहीं समझ रहा है मैं जानता हूं ये आप समझ रहे हो क्या डाउट मत पूछो तुरंत समझ बट ये सब आने वाला है आगे राइट चैप्टर्स में आने वाला है तो कॉस्ट को जो इनकर हो रहा है वो हमें प्रोडक्ट तक पहुंचाना पड़ेगा कि नहीं बच्चों कॉस्ट को अल्टीमेटली प्रोडक्ट तक पहुंचाना पड़ेगा कि नहीं तभी तो हम वो प्रोडक्ट का कॉस्ट कैलकुलेट कर पाएंगे एंड सेलिंग प्राइस डिसाइड कर पाएंगे एंड क्या डिसाइड कर पाएंगे सेलिंग प्राइस डिसाइड कर पाएंगे आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस सिंपल है ना तो आप मुझे बताओ समझो ये लड़का लड़की से इंटीरियर डिजाइनर है कौन है इंटीरियर डिजाइनर एंड समझो मैं इसको बोल रहा कि भाई मेरे बोला पांच हजार स्वयर फीट का फ्लैट है आप इसको मुझे इस टाइप का इंटीरियर चाहिए आप करके ले लो आप बताओ सबसे पहले क्या करेगी वो सबसे पहले क्या करेगी मैं उसको बोल रहा बोला कि कितना खर्चा आएगा बताओ कोटेशन दे दो मुझे क्या दे दो कोटेशन कोटेशन मतलब एज बड़ एज सेलिंग प्राइस हुआ ना उसके लिए तो क्या करेगी ऐसे देखेगी और बोलेगी तीन करोड़ चलेगा क्या ऐसे क्या करना पड़ेगा उसको उसको इंटीरियर में क्या मटेरियल यूज होने वाला है क्या टाइप का सोफा आने वाला है किस टाइप का वुड यूज होने वाला है किस टाइप का डेकोरेशन मटेरियल आने वाला है किस टाइप का टीवी आने वाला है क्या टाइप का फ्लोरिंग आने वाला है क्या टाइप का समझ रहे हैं ना बेसिन आएगा क्या टाइप के बाकी के एक्सेसरीज रहेंगे राइट ये सब का कॉस्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा लेबर कॉस्ट उसमें ऐड करना पड़ेगा उसके चार्जेस ऐड करने पड़ेंगे और भी दुनिया भर के खर्चे रहेंगे वो सब ऐड करना पड़ेगा उसका प्रॉफिट ऐड करना पड़ेगा एंड उसके बाद में मुझे वो कोटेशन देगी ना भाई इस कोटेशन क्या है? है ना उसके लिए करना पड़ेगा नहीं फिर समझ में आ रहा है क्या तो आपको दो चार नंबर कर आ, आ गया, कर लिया राइट प्रॉफिट ऐड कर दिया सेलिंग प्राइस आ गया इतना आसान काम होगा क्या ये नो डाउट इसके लिए अपने को कुछ मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग सीखना पड़ेगा फिर तो जो अब जैसे कोई लेट से वाइन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है क्या है बोलो जो ग्रेप्स को ले रही है ग्रेप्स को लेट से क्रशिंग कर रहे समझाया नहीं उसमें कुछ केमिकल मिक्स कर रहे फिर उसका समझो हीटिंग हो रहा है उसका समझ रहा है क्या उसमें और कुछ केमिकल मिक्स मिक्स किए जाते हैं समझा क्या उसका फिर और कुछ ग्राइंडिंग होता है आप समझ रहे हो क्या और कुछ होता है फिर उसको स्टोर किया जाता है फिर उसमें और कुछ मटेरियल डाला जाता है फिर उसको और पाँच महीने स्टोर किया जाता है एंड फिर वो वाइन बनता है समझो ये प्रोसेस है तो आप बताओ उसमें प्रोसेस ए प्रोसेस बी प्रोसेस सी प्रोसेस डी ऐसा कुछ रहेगा कि नहीं तो अल्टीमेटली फिनिश प्रोडक्ट का कॉस्ट क्या रहेगा ये कैलकुलेट करने के लिए आपको प्रोसेस कॉस्टिंग यूज करना पड़ेगा अच्छा ये इंटीरियर डेकोरेशन जो हमने बोला अभी तो ये इंटीरियर डेकोरेटर को कॉस्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा उसके लिए जॉब कॉस्टिंग यूज होता है क्या यूज होता है इंटीरियर कॉस्ट इंटीरियर डिजाइनिंग ये जॉब है ना एक इंटीरियर डिजाइन मेरे फ्लैट का इंटीरियर डिजाइनिंग एक जॉब है ना तो उसके लिए जॉब कॉस्टिंग यूज करना पड़ेगा यस और नो समझो ये लड़के ने उसकी एक बाइक सर्विसिंग के लिए डाल दी मेरे पास क्या डाल दिया बाइक सर्विसिंग और मैं क्या कर रहा हूं मैं एक उस दिन दस बाइक का सर्विसिंग कर रहा हूं कितने बाइक का जिसमें से एक लड़के का एक है तो मैंने कॉस्ट कैलकुलेट कर लिया उसमें मार्जिन ऐड कर दिया एंड वो आया चालीस हजार तो मैंने चालीस हजार डिवाइड बाई दस बाइक कर दिया इसको बोला भाई तू चार हजार दे दे चलेगा क्या नहीं। क्यों नहीं चलेगा अरे मेरे भाई राइट इसका बाइक एक था समझ रहा क्या उसका समझो एक्टिवा था किसी का बुलेट था अच्छा yes चलो सब एक्टिवा भी रह गए तो एक एक्टिवा के दस पार्ट खराब हो गए इसको कुछ नहीं इंजन ऑयल करके धोखे देना है बस इसको ये और नो तो इसका बिल तो आठ सौ रुपए होना चाहिए था किसी का जिसका इंजन का मेजर पार्ट रिप्लेस किया है उसका बिल सात आठ हजार होना चाहिए था आप बताओ डिवाई बाय दस करके चलने वाला था क्या तो आप मुझे बताओ हर जॉब इसका बाइक का सर्विसिंग इज वन जॉब वो जॉब की आपको रिकॉर्ड्स मेंटेन करना पड़ेगा कि नहीं बड़ा आप बताओ ये इसके बाइक के सर्विसिंग करने के लिए खर्चा कितना आया ये आपको इतना आसान लग रहा है, है क्या कैलकुलेट करना हाँ चलो उसके लिए कौन से पार्ट यूज किए गए ये आसान है आप बताओ मेरा एक इंजीनियर है जो एट अ टाइम सब दस, दस जॉब पे काम करता है सबको इंस्ट्रक्शन देता है उसको सैलरी है पचास उसमें से इसकी बाइक का कितना अच्छा मेरे सर्विसिंग सेंटर का ब्रांड एम्बेसडर रणवीर सिंह है उसको मैं एनुअल पेमेंट करता हूं तीन करोड़ उसका कितना उसमें समझा क्या नहीं आप समझ रहे हो क्या मेरे भाई अच्छा समझो यहां पर बाजीराव रोड पे एक होर्डिंग लगाया है टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज क्या लगाया टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज में टाटा मोटर्स है टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेस है यस और नो टाटा पावर है तनिष्क है समझ रहा है क्या आपको ये देन लेट्स से ओल्टास है टाटा के हजारों प्रोडक्ट्स है टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स है टाटा स्टील है टाटा पावर है टाटा फाइनेंस है समझ रहा है क्या आपको ये जो बोलो वो बिजनेस में टाटा है इधर क्या लिखा था होर्डिंग पे टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज अब बताओ मुझे बताओ मैंने एक टाइटन का वॉच बाय किया तो उस वॉच में भी वो होर्डिंग का कुछ पैसा रहेगा क्या उसके कॉस्ट में टाइटन ऑब्वियसली टाटा का ही प्रोडक्ट है यस और नो आप मुझे बताओ वो एड किसकी थी टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज अच्छा टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज में टाइटन भी आता है टाइटन के अंदर जो प्रोडक्ट उसके अंदर एक प्रोडक्ट वॉच है Yes or no? तो आप बताओ इसके अंदर उसका कुछ तो कॉस्ट दस पैसा बीस पैसा तीस पैसा दो पैसा एक पैसा कुछ तो कॉस्ट रहेगा कि नहीं बच्चों तो आप बताओ बच्चों वो कॉस्ट आपको कहीं ना कहीं हर हर प्रोडक्ट तक पहुंचाना है तो उसके लिए कैसे कॉस्ट का राइट अकाउंटिंग करें वो इंपॉर्टेंट है या नहीं है ऐसे कैजुअल रह के चलेगा क्या अपने को नहीं तो कॉस्ट अकाउंटिंग का एक प्रॉपर सिस्टम होगा कि नहीं तो कौन से राइट राइट कौन से सिचुएशन में कौन सा मेथड यूज करना है पहले आपने को वो सीखना पड़ेगा एंड फिर वो मेथड में अकाउंटिंग कैसे होता है वो सीखना पड़ेगा आपने को आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस इसलिए अपने सिलेबस में क्या है पहले तो मेथड्स क्या है बोलो आफ्टर बेसिक नॉलेज क्या है मेथड्स एंड मेथड्स के बाद में आता है डिसीजन मेकिंग क्या आता है बोलो एंड वो डिसीजन मेकिंग के लिए यूज होते हैं टेक्निक्स डिसीजन मेकिंग के लिए क्या यूज होता है टेक्निक्स टेक्निक्स कौन से कौन से अपन पढ़ने वाले यहां पे मार्जिनल कॉस्टिंग स्टैंडर्ड कॉस्टिंग बजेट्स एंड बजेटरी कंट्रोल ये है टेक्निक्स ऑफ कॉस्टिंग ये है टेक्निक्स ऑफ कॉस्टिंग समझ में आ रहा है क्या बच्चों तो अगर आपको लगता है कि सर ये चैप्टर्स में क्या डिफरेंस है आपने तीन पार्ट क्यों किए तो पहला तो बेसिक नॉलेज मतलब ये कॉस्टिंग क्या है कॉस्ट कैसे रिकॉर्ड करते हैं कौन सा कौन सा कॉस्ट होता है कितने टाइप्स होते हैं ये सब बेसिक नॉलेज में आ जाएगा उसके बाद में ये कॉस्ट का अपन अकाउंटिंग करते हैं और वो अकाउंटिंग जब करते हैं तो वो क्या यूज करते हैं हम लोग मेथड्स एंड जब अकाउंटिंग होगा तब वो अकाउंटिंग डेटा यूज करके हम डिसीजन लेते हैं यूज करके हम डिजेंस लेते हैं तो वो डिसीजन मेकिंग का जो काम होता है वो किस में होता है टेक्निक्स ऑफ कॉस्टिंग किसमें होता है टेक्निक्स ऑफ कॉस्टिंग तो ऑब्वियसली ये सब डिटेल में सीखेंगे यहां पर जैसे उन्होंने फर्स्ट चैप्टर में ना बच्चों जॉब कॉस्टिंग के बारे में एक लाइन लिखा है राइट प्रोसेस कॉस्टिंग के बारे में एक लाइन लिखा है तो प्रोसेस कॉस्टिंग का एक लाइन में वो अभी एक्सप्लेन करू इस, राइट इससे अच्छा ये प्रोसेस कॉस्टिंग पूरा चैप्टर कंप्लीट करने वाले ना बच्चों हम लोग जिसको दस बारह लेक्चर्स लूंगा मैं जिसमें कम से कम ट्वेंटी फाइव आवर्स स्पेंड करूंगा समझ में आ रहा है क्या तो दैट विल बी बेटर टू अंडरस्टैंड और नॉट तो आज आप फर्स्ट चैप्टर मैं बोलूंगा नहीं सर वो पूरा मार्जिनल कॉस्टिंग बताओ अब मार्जिनल कॉस्टिंग के बारे में एक लाइन लिखा है फर्स्ट चैप्टर में राइट कोई फायदा होगा क्या वो पढ़ के अभी मार्जिनल कॉस्टिंग जिस चैप्टर के मैं 130 क्वेश्चन सॉल्व करके लेने वाला हूं राइट अपन उतना वेट कर सकते कि नहीं वो चैप्टर तक यस yes और नो no? समझ में आ रहा है बच्चों तो अभी अपन सिर्फ बेसिक सीखेंगे एंड आपको हर रोज़ लगेगा कि हाँ भाई कुछ ना कुछ तो एडिशन हो रहा है आप आपका काम बहुत अच्छे से करो राइट आप सिर्फ मुझे रोज़ उठ के मेरे ऊपर क्वेश्चन मार्क मत करो कि सर ये क्या होने वाला है क्या आप भरोसा रखो आप समझ रहे हैं आपको ऐसा लगता है क्या कि मेरे पास देखिए आपको लगा क्या ये नया नया टीचर है ये कर पाएगा या नहीं करेगा ऐसा लग रहा है कि आपको ये राइट आप हजार लोगों को पूछो इसके पहले जो मेरा बैच किया वो सब आपको ये बोलेंगे कि भाई हैव ट्रस्ट राइट यू आर एट अ सेफ प्लेस समझ रहा है क्या बच्चों चलो तो कॉस्ट का डेफिनेशन सबको समझा क्या बताओ क्या है कॉस्ट बताओ एक बार कॉस्ट इज द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ ऑल मेड टू अचीव एन ऑब्जेक्टिव इन सिंपल वर्ड्स कॉस्ट इज द एक्सपेंडिचर इनकर्ड टू प्रोड्यूस गुड्स एंड ऑब्लिक और टू रेंडर सर्विस ओके क्या पूछ रहा है अगला क्वेश्चन बोलो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट प्राइस एंड वैल्यू तो कॉस्ट प्राइस एंड वैल्यू हम कई बार ये तीन टर्म्स सिनेानिमसली यूज करते हैं मतलब कॉस्ट बोलने की जगह हम क्या बोलते हैं प्राइस या प्राइस बोलने जगह बदले में हम क्या बोलते हैं कभी कभी वैल्यू तो नो डाउट अभी कर, जैसे समझो आप ग्राउंड फ्लोर पे गए कहाँ गए बोलो ग्राउंड फ्लोर पे गए एंड समझो उन आपने पूछा कि भाई ये पेन का कॉस्ट क्या है वो बोलेगा दस आपने बोला भाई ये पेन का प्राइस क्या है वो बोलेगा दस रुपे? आपने बोला क्या वैल्यू है भाई इसका वो क्या बोल रहा है दस रुपए मतलब एक्चुअली अपन कैजुअली कॉस्ट प्राइस वैल्यू को सेम ही ट्रीट कर रहे हैं? नहीं समझा आपको ये? वो बोला दस रुपए का कॉस्ट है दस रुपए का प्राइस है यस और नो या आपने बोला भाई ये पेन का क्या वैल्यू है वो क्या बोलेगा दस रुपए समझा क्या बच्चों तो वी मोस्ट ऑफ द टाइम्स वी यूज दिस वर्ड्स राइट अल्टरनेटिवली फॉर ईच अदर ओके बट देर इज अ टेक्निकल डिफरेंस बिटवीन दीज टर्म्स कई बार हम भी अपने यहां पे कभी कभी कॉस्ट की जगह प्राइस बोल देते हैं ऐसा होता है ओके बट देर इज अ डिफरेंस देर इज अ डिफरेंस इन दीज थ्री टर्म्स कॉस्ट प्राइस एंड वैल्यू में डिफरेंस है तो आप बताओ वो डिफरेंस क्या है बहुत सिंपल है बच्चों कॉस्ट प्राइस एंड वैल्यू कॉस्ट मतलब क्या होता है अभी पढ़े अपन एक्सपेंडिचर इनकर्ड कॉस्ट क्या है नो no डाउट उसमें अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी आएगा बट बेसिकली क्या है वो बोलो एक्सपेंडिचर इनकर्ड समझा क्या इज द कॉस्ट इज द मॉनिटरी वैल्यू ऑफ ऑल सेक्रीफाइस मेड अच्छा बताओ प्राइस क्या है प्राइस प्राइस इज द हा हा बोलो कंसिडरेशन टू बी पेड बाय द बायर टू द सेलर इन एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड ऑब्लिक और सर्विसेस मनी टू बी पेड बाय द बायर टू द सेलर इन एक्सचेंज ऑफ गुड्स और सर्विसेस ये क्या था बोलो प्राइस एंड वैल्यू क्या है वैल्यू हाँ हाँ कॉस्ट प्राइस समझा मुझे एंड मुझे ये भी समझा कि आपको समझा वैल्यू क्या होता है तो वैल्यू होता है ओपिनियन इन द माइंड ऑफ कंज्यूमर ओपिनियन इन द माइंड ऑफ हम लोग बोलते हैं ना कि यारे यार पांच सौ रुपए दे तो दिए बट इट्स नॉट वर्थ फाइव हंड्रेड करेक्ट और नॉट इट्स नॉट वर्थ फाइव हंड्रेड करेट और नॉट नहीं यार ये दो सौ रुपए में ठीक था यार पाँच सौ रुपये ज्यादा होगा इसको करेक्ट और नॉट मतलब इट इज जस्ट लाइक योर यूटिलिटी तुमने जो इको में पढ़ा था भले आपने पांच में लिया हो बट तुम्हारे दिमाग में सेटिस्फैक्शन डिराइव इज वर्थ टू बट कभी कभी आप बोलते ये भी बोल देते हो ना कि आपने पांच सौ रुपये देकर कोई मूवी देख लिया और आपने बोल दिया भाई तू देख ले पांच हजार में रहा ना तो भी देख ले पांच हजार में रहा तो भी देख मतलब सैटिस्फैक्शन डिराइव इज वेरी हाई सैटिस्फैक्शन डिराइड इज वेरी हाई वेरी हाई वैल्यू हम लोग कभी कभी वैल्यू एडेड नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटी ऐसे बोलते कि नहीं अरे यार वो तो है बट इसका क्या वैल्यू एडेड है यार इसका क्या वैल्यू एडेड है समझ रहा है क्या मतलब इसकी वजह से मुझे कोई एडिशनल सेटिस्फैक्शन नहीं हो रहा है एडिशनल सेटिस्फैक्शन नहीं हो रहा है तो आप जनरली क्या बोल देते हो इट्स नॉन वैल्यू एडेड इट इज नॉन वैल्यू एडेड समझता है कि आपको जैसे समझो आ, मुझे सैटरडे को एक जगह पे डिनर के लिए जाना था ओके okay, फैमिली के साथ में सुन रहे हो क्या तो हमारे दिमाग में दो रेस्टोरेंट थे ओके एंड दोनों जगह पे फूड क्वालिटी सेम था दोनों जगह फूड क्वालिटी ऑलमोस्ट सेम था हम जानते हैं दोनों जगह पहले भी खा चुके हैं तो दोनों सेम था मैंने मेरी बीबी को बोला कि अपन नहीं नहीं यहाँ पे नहीं जाएंगे अपन उधर जाएंगे उधर लाइव बैंड रहता है उधर लाइव बैंड रहता है और वो पहले वाले होटल में लाइव बैंड नहीं रहता है लाइव बैंड समझता है ना उधर गाना गाते लोग लाइव अपन कभी अपना फरमाइश भी कर सकते कि भाई ये गाना गाते वो गा लेता है वो समझा नहीं तो अब मुझे बताओ मैं वो सेकंड होटल में जाने का रीज़न क्या था लाइव बैंड वॉज अ रीजन तो अ वैल्यू एडेड एक्टिविटी इट वॉज अ वैल्यू एडेड एक्टिविटी करेक्ट और नॉट अच्छा जो ऐसा भी हो सकता है कि ये लड़का बोला उधर नहीं जाते लाइव बैंड रहता है इरेटेड होता है मुझे तो नाउ इट्स अन वैल्यू एडेड एक्टिविटी नाउ इट्स अन वैल्यू एडेड एक्टिविटी समझ में आ रहा है क्या तो अजनेस है जितने ज्यादा वैल्यू एडेड एक्टिविटीज रहेंगे उतना कंज्यूमर बेस तुम्हारा ज्यादा क्रिएट होगा कि नहीं तो वैल्यू मतलब क्या होता है बच्चों वैल्यू किसके साथ लिंक है टर्म बोलो वैल्यू इज बोलो सैटिस्फैक्शन डिराइड बाय द कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन डिराइड बाय द या रिलेटिव वर्थ इन द माइंड ऑफ कंज्यूमर रिलेटिव क्या बोलो वर्थ हम लोग बोलते कि नहीं रिलेटिव वर्थ आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस जैसे जस्ट जस्ट थोड़ा फिलोसफी बता रहा हूँ बट मेरे रियल चाचा मैथ्स के टीचर है अभी भी टीचर है गाँव में ओके मैथ्स के टीचर जिन्होंने मुझे फर्स्ट स्टैंडर्ड छोड़ो उसके पहले से बाजू में बैठ के मैथ्स सिखाया आप समझ रहे हो क्या स्कूल में तो पढ़ाते थे मुझे तो लिटरली घर पर बाजू में बैठ के फॉर मुझे जब से कुछ वन टू थ्री आता है ना तब से आप समझ बिल्कुल बाजू में बैठ के मैथ्स सिखाया कब तक राइट मे बी टेंथ स्टैंडर्ड तक सेवन एट तक तो बिल्कुल रोज ही उसके बाद में थोड़ा कम समझ रहा है क्या तो आप मुझे बताओ ध्यान दे रहे हो क्या आप बताओ वही सर्विसेस वो स्कूल में जब ऑफर करते थे ना उसका उनको तीस चालीस हजार कुछ सैलरी मिलता रहेगा आज भी कुछ साठ सत्तर हजार सैलरी रहेगा बट बताओ मेरे एंगल से दो सर्विसेस वेर वर्थ क्रोर्स ऑफ रुपीस वर्थ सिर्फ मेरे लिए वो बेस था इसकी वजह से मैं एक अच्छा मैथ्स का टीचर बन पाया एंड लिटरली आई हैव अर्न क्रोर्स ऑफ रुपीज बाय यूजिंग दैट नॉलेज जो बचपन से दिया गया यस और नो तो बताओ मेरे दिमाग में देर इज अ रिलेटिव वर्थ और नॉट अरे यू अंडरस्टैंडिंग दिस अच्छा तुम जाके कल राइट ये क्लास अटेंड करोगे कोई कहीं जाके कोई को, 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 कोई बड़े, बड़े कंपनी के सीई रहोगे सी रहोगे तुम्हारा कोई स्टार्टअप रहेगा राइट कई बार स्टूडेंट बाद में आके बोलते हैं कि नहीं सर वो जो दो में आपका बैच किया था सी ए फाइनल का क्या मजा आया था सर उस बैच में उसके बाद में ये फील्ड में गया सर थैंक्स टू यू सर राइट वो जो भी था सर उस वक्त दो चार हजार रुपये फीस दिया रहेगा आपका बैच के लिए बट बहुत जिंदगी भर का नॉलेज मिल गया सर बहुत फायदेमंद रहा सर राइट एंड वी आर सक्सेसफुल बिकॉज ऑफ दैट नो डाउट नॉलेज में नहीं कि हर चीज हमने बताया यहां पे, बट जो भी कुछ वो दो चार महीने के बैच में डायरेक्शन दिया राइट इट हैज हेल्प थिम और नॉट तो आप बताओ वो बैच का कुछ वर्थ था क्या उसके दिमाग में राइट और नॉट वो बैच उसके लिए वैल्यू एडेड था या नॉन वैल्यू एडेड था वैल्यू एडेड था समझ रहा है क्या तो अपने को ये बैच भी वैल्यू एडेड बनाना है बच्चों समझ रहा है क्या अपने को कभी भी लगे कि भाई हाँ कुछ अपने को एडिशनल मिला क्या आंसर होना चाहिए हाँ भाई आप बहुत कुछ सीखे नो डाउट मार्क्स तो मिले ही मिले बट बहुत कुछ सीखने को मिला बहुत कुछ नॉलेज मिला समझ में आ रहा है क्या तो वो क्या है वैल्यू तो आप बोलोगे कि भाई जो भी कुछ बैच हुआ उसका आपके दिमाग में कुछ वैल्यू है क्या समझ रहा है क्या तो कैन आई कैन यू से दिस आर यू अंडरस्टैंडिंग दैट दिस वैल्यू इज लाइक अट लिटिल बिट फिलोसॉफिकल टर्म वैल्यू इज द सैटिस्फैक्शन डिराइड बाय द कंज्यूमर इट इज अ रिलेटिव वर्थ इन द माइंड्स ऑफ कंज्यूमर तो चलो पहला डिफरेंस लिखते हैं कॉस्ट का ओके कॉस्ट इज द यहां पे एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऐसे लिख देता हूं एज गुड एज कॉस्ट क्या है यहां पे बोलो बोलो एक्सपेंडिचर इनकर्ड प्राइस क्या होता है बताओ बोलो बच्चों मॉनेटरी कंसीडरेशन इस इज द बोलो मॉनिटरी कंसीडरेशन इन एक्सचेंज ऑफ इन एक्सचेंज ऑफ इन एक्सचेंज ऑफ गुड्स और सर्विसेस एंड वैल्यू क्या है रिलेटिव वर्थ रिलेटिव वर्थ राइट right? लगे लिख देता हूं इन द माइंड ऑफ कंज्यूमर इन द माइंड ऑफ कंज्यूमर रिलेटिव वर्ड इन द माइंड ऑफ कंज्यूमर इज अ वैल्यू समझ रहा है क्या बच्चों अच्छा मुझे बताओ मैं ऐसे कुछ लिख रहा हूं वो सही है क्या कॉस्ट इज अ फैक्ट कॉस्ट इज अ फैक्ट प्राइस इज अ पॉलिसी एंड वैल्यू इज एन ओपिनियन डू एग्री कॉस्ट इज अ फैक्ट प्राइस इज अ पॉलिसी एंड वैल्यू इज एन ओपिनियन कितने लोगों को समझ रहे कॉस्ट इज अ फैक्ट भाई इतना खर्चा हुआ एक ये फैक्ट से नहीं समझ रहे आपको वैल्यू एंड प्राइस क्या है बोलो पॉलिसी प्राइसिंग पॉलिसी होता है जरूरी नहीं कि कॉस्ट प्लस मार्जिन इज ऑलवेज प्राइस जरूरी नहीं है कॉम्पिटिशन की वजह से कुछ और, और प्राइस रखना पड़ सकता है आपको नहीं समझा आपको प्राइस एक पॉलिसी है फॉर एग्जाम्पल वैसे प्राइजिंग पॉलिसीज बोल के एक सी एफ में चैप्टर था पहले प्राइजिंग पॉलिसीज राइट right, बहुत बड़ा चैप्टर था बहुत अलग अलग टाइप का प्राइसिंग होता है स्किमिंग प्राइसिंग पेनीट्रेशन प्राइसिंग कॉस्ट प्लस प्राइसिंग आरओआई प्राइसिंग कैलेंडर टाइम प्राइसिंग क्लॉक टाइम प्राइसिंग अलग अलग रहता है जस्ट मैं आपको एक बेसिक बताता हूं सुन रहे हो क्या बचोप लेट्स पेनीट्रेशन प्राइसिंग सुना है क्या आप ये जस्ट आपके नॉलेज के लिए बता रहा हूँ नॉट योर सिलेबस पेनीट्रेशन प्राइजिंग सुना है कभी आपने जैसे कि सपोज आपने लेट्स जियो का कनेक्शन लिया घर पर क्या लिया जियो का सेटअप बॉक्स सुन रहे हो क्या तो जब मैं जियो का सेटअप बॉक्स के लिए समझो किसी कस्टमर केयर पे फ़ोन कर लिया या गूगल से ढूंढ के फ़ोन कर लिया मुझे दो मिनट में कॉल आ रहा है और वो बोल रहा है कि सर मैं जियो सर्विसेज से बोल रहा हूँ ओके आपके घर पे सेटअप बॉक्स चाहिएगा सर मैं बोल रहा हाँ भाई सेटअप बॉक्स वो बोल रहा है कि हाँ सर एक घंटे में उधर पहुँच जाओगेगा या हमारा कोई बंदा उधर पहुँच जाएगा वो सेटअप कर देगा सर आपके घर पर मैं बोलूँगा नहीं यार उधर वायरिंग नहीं है उधर ड्रिल किया नहीं है वो बोलेगा सब कर देगा सर वो बंदा और वो जो उसके बाद में वहां पे जो गंदगी होगी ना वो साफ करके भी जाएगा समझा क्या मैं बोला भाई कितने चार्जेस लगेंगे वो बोले ऐसा नहीं सर कुछ नहीं सर चार्जेस सर सेट बॉक्स फ्री है सर सेटअप बॉक्स फ्री है आपको सिर्फ अभी भैया पा, पाँच सौ रुपये देना है एंड छः महीने का सब्सक्रिप्शन भी फ्री है सर उसमें नेटफ्लिक्स प्राइम जो देखना देखो सर सब फ्री कितना पैसा देना है पाँच सौ एंड छः महीने के बाद में मुझे देना है राइट महीने का पंद्रह सौ रुपये समझा क्या अब बताओ क्या प्राइस चार्ज किया उसने मुझे शुरुआत में नहीं के बराबर इनफैक्ट वो जो सिम कार्ड था जो का वो तो फ्री था दो तीन साल था या नहीं सब फ्री था ना इनकमिंग आउट गोइंग कोई एनुअल चार्जेस भी नहीं थे बराबर है ना फ्री था कि नहीं ऑलमोस्ट अभी दो तीन साल के पहले और मेरे ख्याल से तीन चार साल तो फ्री था सिम कार्ड तो जस्ट लाइक दैट अभी यहां पे सेटअप बॉक्स इंटरनेट सब फ्री दे रहे हैं ना वो बड़ा बताओ छः महीने के बाद में आप उसको राइट right, रिजेक्ट नहीं कर सकते ऑलमोस्ट क्योंकि छः महीने में तब तक आपको उसकी आदत हो जाती है कि भाई हाई स्पीड इंटरनेट यूज़ कर रहे हो आप डायरेक्ट क्लिक पे राइट नेटफ्लिक्स चल रहा है प्राइम चल रहा है न्यूज चल रहा है सब चैनल्स है सब कुछ है घर में हाई स्पीड इंटरनेट चल रहा है सब एवरी इज़ यूज़ टू इट नाउ एंड अब आप कुछ भी करोगे छः महीने के बाद बराबर डेढ़ हजार दे दोगे धीरे धीरे पंद्रह का सोलह हो जाता है अठारह हो जाता है कंपनी मेक्स दी प्रॉफिट तो कंपनी ने कौन सा प्राइजिंग पॉलिसी यूज कर लिया पेनीट्रेशन प्राइसिंग उन्होंने कम चार्ज किया आपको और आपको ऐसी आदत लगाई बाद में कि अब आप वो आदत से बाहर नहीं आ सकते आप चुपचाप वो पैसा पे करोगे अभी समझाया नहीं तो ये क्या यूज किया बोलो पेनीट्रेशन प्राइसिंग अच्छा मुझे बताओ एप्पल जो मोबाइल होता है ओके आईफोन आपके साथ सेम करता है क्या कम पैसे देके आपको आदत लगाते हैं क्या पहले दो हजार रुपये में आईफोन पहले उसको आदत लगाते बाद में तो आईफोन यूज करेगा ही वो क्या करते उनका पॉलिसी एग्जैक्ट उल्टा है वो लोग प्रीमियम चार्ज करते वो बोलते भाई आईफोन सिक्सटीन डेढ़ लाख समझा या नहीं आठ महीने रुक जाओ वही फोन सत्तर हजार में आता है ये सर नो दो साल रुक जाओ वही फोन बीस हजार में आता है दो तीन साल बीस तीस चालीस हजार में आता है डेढ़ लाख का फोन समझ रहा है क्या आप बताओ ये प्राइसिंग कौन सा है अभी मैंने जो थोड़ी देर पहले बताया था उसका एग्जैक्ट उल्टा है क्या ये तो पहले थोड़ी देर पहले बताया वो क्या था चार्जिंग लेस एट द दिगिनिंग ये क्या है चार्जिंग मोर एट द बिगिनिंग करेक्ट है प्रीमियम लोगों को अब सीधी सी बात है समझो मैं एप्पल का मैनेजर हूं यहां पे इंडिया के लिए मैं सोच रहा हूं यहां पे भाई इंडिया में नया आईफोन आते ही दस लाख लोग तो ऐसे ही इतने डेस्परेट है कि डे नंबर वन को बाय करते तुरंत उनको डे नंबर वन को बाय करना है परचेस आईफोन सिक्सटीन इंस्टाग्राम पे स्टोरी डालना है इधर स्टेटस डालना है सब जगह पे आईफोन सिक्सटीन सिक्सटीन करना है उनको अच्छा बताओ वो डेढ़ लाख देने के लिए तैयार है कंपनी को लेने में क्या प्रॉब्लम है भाई करेक्ट और नॉट कंपनी जो बाद में जो दूसरे कस्टमर्स है समझ रहे नहीं भाई पहले बाय नहीं करेंगे आराम से करते बाद में वैसे भी सस्ता हो जाएगा कंपनी उसको भी छोड़ नहीं रहा है yes और नो no? कंपनी बोलता ये चालीस हजार में बाय करता है ना तो बाद में जब आईफोन सेवनटीन लाएंगे ना तब सिक्सटीन चालीस हजार में बेचेंगे ये सोर नो तो कंपनी ने उसको भी टैप कर लिया आप समझ रहे हो क्या तो कंपनी चार्जिंग मोर एट द बिगिनिंग और लेस एट द बिगिनिंग मोर इसको बोलते हैं स्कीमिंग प्राइजिंग क्या बोलते हैं इसको स्किमिंग प्राइजिंग ये जो भी मैं बताया आपको आपके नॉलेज के लिए बताया सर ऐसे जस्ट एक दो एग्जाम्पल दिया ऐसे पंद्रह बीस पॉलिसीज है ऐसे पंद्रह बीस पॉलिसीज है प्राइजिंग पॉलिसीज है समझ में आ रहा है कि इससे आपको इतना समझ रहा है क्या प्राइज इज अ पॉलिसी मुझे बस एक सेंटेंस बताना है यहां पे बाकी आपके सिलेबस में कुछ नहीं है प्राइस इज अ पॉलिसी इतना समझ में आ रहा है क्या अच्छा मुझे बताओ आपको और एक एग्जांपल बताता हूँ अच्छा किसी थिएटर में ओके आप मल्टीप्लेक्स में जाके मूवी वगैरह देखा रहेगा अच्छा सैटरडे नाइट को जाओ कोई नया मूवी रिलीज हुआ है समझो अभी ओके सैटरडे इवनिंग को जाओ यार आठ बजे का नौ बजे का से सैटरडे को पता चला आपको टिकट है चार सौ साठ रुपए तीन सौ सत्तर रुपए चार सौ तीस रुपए सुन रहे हो क्या वही थिएटर वही स्क्रीन वही मूवी मंडे मॉर्निंग आठ बजे टिकट रहता है सत्तर रुपए कितना रहता है सेवनटी रुपीज वही थिएटर वही स्क्रीन वही मूवी कितने में सेवेंटी मंडे मॉर्निंग एंड सैटरडे इवनिंग कितना है साढ़े चार सौ रुपए अब बताइए क्या है प्राइजिंग पॉलिसी है क्या है बोलो प्राइजिंग पॉलिसी है वो सोच रहा है भाई ये वीकेंड का कस्टमर है मतलब ये हफ्ता भर बिजी है बिजनेसमैन है कोई एम्प्लॉयड है आईटी का एम्प्लॉय है समझ में आ रहा है क्या सॉफ्टवेयर में काम करता है कोई सी है कोई बिजनेसमैन है समझ रहा है कि नहीं ये सैटरडे को मूवी देखने आया है यहाँ पे ये फर्क नहीं पड़ता ये पांच भी दे देता दे दे है क्योंकि ये वैसे भी राइट right, समझ रहा है क्या सैटरडे इवनिंग को फैमिली के लिए क्या आया इनफैक्ट वो टिकट कितना है देखता भी नहीं डायरेक्ट कार्ड दे देता दे है बोलता कर ले स्वाइप अब बताओ मंडे मॉर्निंग को सात बजे कौन आ रहा है मूवी देखने समझ रहा है क्या मंडे मॉर्निंग एकदम वर्किंग फर्स्ट डे ऑफ द वीक को सात आठ बजे सुबह सुबह मूवी देखने कौन आया है कॉलेज में बीकॉम का सात बजे लेक्चर अटेंड करने गया सवा सात बजे कैंटीन में प्लान बन गया आठ बजे बैग लेके थिएटर में पैसे भी नहीं है उसकी जेब में करेक्ट और नॉट वो सोच रहा है भाई पाँच सौ रुपये में पांच सौ रुपए में सात आठ लोगों का टिकट हो गया तो बस है पैसे कहाँ है उसके पास उसके पास क्या लाखों रुपए पड़े हुए हैं क्या वो कार्ड देख के ऐसे बोलता है क्या स्वाइप कर ले भाई जितना करना है कर ऐसा है क्या उसके लिए हर रूप मैटर करता है उसका बजट लिमिटेड है घर वालों ने भी कितना तुम्हारे पापा के पास बहुत पैसे रहेंगे बट डेफिनेटली तुम्हारे पास लिमिटेड ही रहेंगे उन्होंने लिमिटेड ही दिए रहेंगे आज तो आप बताओ वो क्राउड है या और कोई क्राउड है ऐसा टाइम पास टाइप का समझ रहे क्या आप बताओ दोनों के प्राइस कम वो थिएटर ने किसी को छोड़ा क्या दोनों में से थिएटर बोला भाई इसको भी आने दे मंडे को करेक्ट और नॉट बट थिएटर ने एज गुड एज उसको बोला कि नहीं तू सैटरडे इवनिंग को मता भाई बोला कि नहीं अलग वे में प्राइस ये ऐसा रखा कि वो सैटरडे इवनिंग को आएगा नहीं वो क्या सोचता है सैटरडे इवनिंग को सैटरडे इवनिंग को उधर जाके मूवी देख के दो घंटे उधर बैठ के क्या फायदा यार उसे अच्छा एफ रोड एम रोड पर जाके बैठ जाता हो बस वैसे भी फ्री का इंटरटेनमेंट है <laughs> बराबर <के नहीं? laughs> है कि नहीं है कि नहीं ऐसा ऐसा इंटरटेनमेंट चलता है अपने सामने बराबर है कि नहीं जस्ट जोक था आप समझ रहे हो क्या वो बट अब बताओ जो बिजनेस मैन है जो फैमिली को लेके गया है जो कोई जॉब करता है वो सैटरडे इवनिंग को ये सोच रहा है क्या वो बोलता है भाई मुझे अभी टाइम है मैं अदरवाइज फैमिली के साथ में मूवी देखना ये मेरे लिए वर्किंग डे पे पॉसिबल नहीं है मैं अभी कर सकता हूं टिकट कुछ भी रहने दो करेक्ट और नॉट एंड ये एक ये तो थिएटर में एक एग्जांपल दिया बच्चों बाकी जगह पे भी होता है पार्क में होता है बहुत जगह पे अलग अलग टाइम पे अलग अलग प्राइस होता है कि नहीं अच्छा अलग अलग सीजन में अलग अलग प्राइस होता है महाबलेश्वर में तुम समर में जाओ एक विला आपको बुक कर रहे हैं वो पता चला आपको कि एक पर डे वही विला विंटर में बुक करो आपको मिलेगा आठ पर डे समझा क्या आपको लोग अरे महाबलेश्वर में समझ रहा है क्या यहाँ पे पुणे में ऑलरेडी दो डिग्री है महाबलेश्वर में जाके क्या मरेगा क्या इंसान विंटर में समझ रहा है क्या बट तो आप बताओ अभी समर में राइट आप दिज द सीज़न राइट नाउ फॉर हिल स्टेशन लोग यहाँ परेशान है लोग बोल रहे यार चालीस डिग्री पैंतालीस डिग्री परेशान हो गया चलो यार हिल स्टेशन जाते अब वहाँ पे नो डाउट ये वो विला का बुक करने का प्राइस ज़्यादा रहेगा कि नहीं तो ये क्या है अलग अलग सीजन में अलग अलग प्राइस है अच्छा अलग अलग जगह पे अलग अलग प्राइस होता है एक मिनरल वाटर का बॉटल एयरपोर्ट पे पांच सौ बाहर इकोनॉमी क्लास सौ एयरपोर्ट के बाहर दस रुपए वही बॉटल है उस उसपे कंपनी भी वही है बट एमआरपी सिद्दत से उन्होंने हर जगह पे अलग प्रिंट किया है ऐसा नहीं कि दस रुपए बोल के पांच सौ में बेच रहे उस उसपे प्रिंट ही पांच है वही इकोनॉमी क्लास के सामने प्रिंट सौ रुपए है बाहर दस रुपए वही कंपनी है सेम कंपनी अलग अलग जगह पे अलग अलग प्राइस ये एग्जांपल काफी है क्या इतने अभी प्राइस इज अ पॉलिसी प्राइज इज अ पॉलिसी कॉस्ट इज अ फैक्ट प्राइस इज अ पॉलिसी वैल्यू इज एंड ओपिनियन वैल्यू क्या है ओपिनियन जो हर एक का अलग अलग रह सकता है अच्छा मेरे बैच के बारे में दस लोगों का ओपिनियन अलग अलग रह सकता है क्या अल्टीमेटली ये तुम्हारा ओपिनियन है बॉस किसी प्रोडक्ट के बारे में हर एक का ओपिनियन अलग अलग रह सकता है क्या अल्टीमेटली वैल्यू इज एन ओपिनियन विच मे चेंज फ्रॉम कंज्यूमर टू कंज्यूमर समझा क्या नेक्स्ट लिखो कॉस्ट इज असरटेन्ड कॉस्ट इज असरटेन्ड फ्रॉम कॉस्ट इज असरटेन्ड फ्रॉम प्रोड्यूसर्स और मैन्युफैक्चरर्स पॉइंट ऑफ व्यू कॉस्ट किसके एंगल से देखा जाता है प्रोड्यूसर और बोलो मैन्युफैक्चरर्स पॉइंट ऑफ व्यू प्राइस इज असरटेन्ड फ्रॉम किसके एंगल से आप बोलो 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 सेलर पॉइंट ऑफ व्यू किसके पॉइंट ऑफ व्यू से बोलो आपको लग रहा है ऐसा नहीं ये दोनों सेम ही हुआ ऐसा नहीं है यार मैन्युफैक्चरर प्रोड्यूसर एंड सेलर अलग भी रह सकता है सेम भी रह सकता है नहीं समझा आपको अच्छा होंडा का एक्टिवा आपने बाय किया रहेगा कहां से बाय किया आपने शोरूम से वो मैन्युफैक्चरर था क्या वो कौन था सेलर था कौन था सेलर डीलर था ना वो पुणे में वो भी तिलक रोड का डीलर था सिर्फ लक्ष्मी रोड पे दूसरा डीलर है यस और नो तो वो सेलर अलग एंड मैन्युफैक्चरर तो होंडा है ना उसका मैन्युफैक्चरर कौन है होंडा समझ में आ रहा है कि आपको सेलर अलग मैन्युफैक्चरर अलग इनफैक्ट सर्विस सेक्टर में भी अब कई सारे ऑनलाइन स्टूडेंट्स ने पता चला कि हमारा हरियाणा में कोई फ्रेंचाइजी है और उससे ये कॉस्टिंग का विनोद रेडीज कॉस्टिंग बैच उसने बाय कर लिया तो वो जो हरियाणा वाला जो फ्रेंचाइज है उसको हम कमीशन दे रहे हैं ना फिर इसका आर यू अंडरस्टैंडिंग और नॉट उसको जो भी वहां पे वो सेल कर रहा है हमारे सेल पे हम उसको हम कमीशन दे रहे हैं आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस हो सकता है कि एक जो गूगल ड्राइव कलेक्चर वो बारह हजार में सामने बेचता सा है हम उससे दस हजार ही लेते हैं हो सकता है कि दो हजार उसका कमीशन है हजार है पांच सौ है वट एवर इट इज करेक्ट और नॉट Yes or no. तो आप बताओ वो सामने अगर उधर कुछ डिस्काउंट देके कुछ बेच रहा है तो वो सेलिंग प्राइस है करेक्ट और नॉट हम मैन्युफैक्चर है एस गुड एज हम कौन है बोलो मैनुफेक्चर कभी कभी मैन्युफैक्चर सेलर सेम भी रह सकता है समझ रहा है क्या जनरली इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट वगैरह बड़े बड़े प्रोडक्ट में मैन्युफैक्चर वही रहता है जो सेलर है बट फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स में मैन्युफेक्चरर एंड सेलर कभी सेम नहीं रहता है इनफैक्ट मैन्युफेक्चरर एंड कस्टमर के बीच में कम से कम पंद्रह लोग रहते हैं बीच में कम से कम बीच में पंद्रह लोग रहते दस पंद्रह लोग रहते हैं जिसको हम डिस्ट्रीब्यूशन चैनल बोलते हैं क्या बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन चैनल या जिसको हम सप्लाई चेन मैनेजमेंट बोलते हैं पूरा ये सप्लाई चेन या जिसको डिस्ट्रीब्यूशन चैनल बोलते हैं ना हम लोग यस और नो आप पेट्रोल भी बाय कर रहे हो बच्चों बीपीसीएल से तो बीपीसीएल का ये लक्ष्मी रोड का डीलर है मेरे भाई यस yes और नो no. लक्ष्मी रोड पे कुलकर्णी पेट्रोल पंप है तो ये जो भी कुलकर्णी है वो डीलर है ना मेरे भाई बीपीसीएल का किसका बीपीसीएल का वो डीलर है जबकि बीपीसीएल का खुद का पेट्रोल पंप भी है ओके? उनका खुद का भी है, तो वहां तो किसके एंगल से देखा जाता है सेलर कॉस्ट किसके एंगल से प्रोड्यूसर और मैन्युफैक्चरर एंड वैल्यू इज असर फ्रॉम ये तो बहुत ईजी है फ्रॉम कंज्यूमर्स पॉइंट ऑफ व्यू इट इज असर टेन फ्रॉम बोलो बोलो बच्चों कंजूमर्स पॉइंट ऑफ व्यू वैल्यू इज असरटेन फ्रॉम कंज्यूमर्स पॉइंट ऑफ व्यू कंज्यूमर लिखा मैंने कस्टमर नहीं लिखा क्यों कंज्यूमर और कस्टमर भी अलग अलग रहता है क्या रह सकता है जैसे कि समझो मैंने मेरी बेटी के लिए लैपटॉप बाय किया तो मैं कस्टमर हुआ मेरी बेटी कंज्यूमर हो गई गए समझाया नहीं यस और नो मैंने मेरी बेटी के लिए समझो बाईस बाईसकल खरीद ली तो मैं कौन हुआ कस्टमर वो मेरी बेटी कौन हो गई कंज्यूमर क्या हो गए वो कंज्यूमर तो वैल्यू इज असरटेन फ्रॉम कंज्यूमर्स पॉइंट ऑफ व्यू वैल्यू इज असरटेन फ्रॉम कंज्यूमर्स पॉइंट तो बाई चांस ऐसा क्वेश्चन समझो एग्जाम में आया तो आप लिख पाओगे राइट डाउन द डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट प्राइस एंड वैल्यू कॉस्ट क्या है बताओ मैंने एक्सपेंडिचर लिखा है आप पूरा डेफिनेशन लिख देना वहां पे एग्जाम में क्या कॉस्ट इज द मॉनिटरी वैल्यू ऑफ ऑल सेक्रीफाइस मेड टू अचीव एन ऑब्जेक्टिव इन सिंपल वर्ड्स कॉस्ट इज द एक्सपेंडिचर इनकर्ड इन प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड ऑब्लिक और सर्विसेस प्राइस इज द मॉनिटरी कंसिडरेशन टू बी पेड बाय द बायर टू द सेलर इन एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड ऑब्लिक और सर्विसेस वैल्यू इज द रिलेटिव वर्थ डिराइड बाय द कंज्यूमर राइट फ्रॉम आफ्टर यूजिंग दो गुड्स एंड ऑब्लिक और सर्विसेस ये और नो नेक्स्ट कॉस्ट इज अ फैक्ट प्राइस इज अ पॉलिसी वैल्यू इज एन ओपिनियन वैल्यू ओपिनियन है बच्चों वैल्यू क्या है ओपिनियन है करेक्ट और नॉट किसी एक ही होटल का खाना किसी एक को बहुत पसंद है दूसरे को बिल्कुल पसंद नहीं है ये हो सकता है क्योंकि इट्स अल्टीमेटली एन ओपिनियन करेक्ट और नॉट मेरे बैच के लिए कोई बोलेगा नहीं भाई बहुत अच्छा पढ़ाता है पूरा दिमाग में छपने तक पढ़ाता है राइट कोई बोल सकता है कि नहीं पूरा पागल है दस बार एक्सप्लेन करता है एक ही चीज़ बताता है बार बार बोर होता है आप समझ रहे हो क्या पांच बार एक्सप्लेन करता है ये होता है जो भी कुछ है भाई करेक्ट है राइट मेरा जो सर्विसेस है मैं मेजोरिटी क्राउड के एंगल से डिजाइन किया कि एट्टी नाइनटी परसेंट बच्चों का फायदा हो तुम में से पाँच दस परसेंट कोई रहेंगे कुछ तो हो सकता है समझाया नहीं ट right? वो आपका पॉइंट ऑफ व्यू है करेक्ट और नॉट अल्टीमेटली इट इज योर ओपिनियन इट इज योअर ओपिनियन करेक्ट है वैल्यू इज एन ओपिनियन ओके कॉस्ट इज असरटेन फ्रॉम प्रोड्यूसर्स और मैन्युफैक्चरर्स पॉइंट ऑफ व्यू बोलो प्राइस इज असरटेन फ्रॉम सेलर्स पॉइंट ऑफ व्यू वैल्यू इज असरटेन फ्रॉम कंज्यूमर्स पॉइंट ऑफ व्यू वैल्यू इज असरटेन फ्रॉम कंज्यूमर्स पॉइंट ऑफ व्यू तो इतना याद रहेगा बच्चों ये पहला क्वेश्चन आपने क्या पढ़ा बोलो वट इज कॉस्ट जल्दी बताओ आंसर कॉस्ट इज द मॉनिटरी वैल्यू ऑफ ऑल सैक्रीफाइजेस मेड टू अचीव एन ऑब्जेक्टिव इन शॉर्ट कॉस्ट इज द एक्सपेंडिचर इन इन प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड ऑब्लिक और सर्विसेस रेंडरिंग सर्विसेस अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है वॉट इज कॉस्टिंग पहले क्या हुआ कॉस्ट फिर कॉस्ट प्राइस का वैल्यू का डिफरेंस अब वट इज कॉस्टिंग आप बताओ कॉस्टिंग मतलब क्या अब अगला क्वेश्चन कॉस्ट अकाउंटिंग है समझ रहा है क्या फिर अगला क्वेश्चन मैनेजमेंट अकाउंटिंग है समझ रहा हाँ। है क्या क्या बोरिंग थेरी है क्या थोड़ा बहुत जो भी कुछ रहेगा इसको अपन इंटरेस्टिंग बनाएंगे ना जितना बहुत सिलेबस है अपना समझ रहा है क्या चलो बोलो व्हाट इज कॉस्टिंग कॉस्टिंग क्या होता है हाँ हाँ बोलो बोलो जो मन में आता है वो बताओ कॉस्टिंग मतलब क्या समझो ये लड़की का लेट से एक पिंपरी चिंचोड़ एरिया में एक वर्कशॉप है समझो सुन रहे हो क्या है, है? वर्कशॉप जहां पे लेटर से वो टाटा मोटर्स के लिए समझो एक स्पेसिफिक टाइप के नट बोल्ट्स बनाती है क्या बनाती है टाटा मोटर्स के लिए नट बोल्ट्स बोल्ट पर्टिकुलर टाइप के बोल्ट्स बनाती बोल्ड किसके लिए टाटा मोटर्स उसमें टाटा मोटर्स ऐसे प्रिंट करती है वो लोगों पे समझा क्या एंड टाटा मोटर्स एंड सेम काम वो बजाज ऑटो के लिए भी करती है समझा क्या मतलब बजाज ऑटो टाटा मोटर्स इनके लिए वो कौन एज सप्लायर है नहीं समझा आपको अरे बजाज ऑटो टाटा मोटर्स ये जो भी कोई कार बाइक बना रहे इसमें नाइनटी पार्ट वो बाहर से बना के लेते हैं

दो लाख नट बोल्ट चाहिए दो लाख yes. नट बोल्ट चाहिए इन द पैकेट ऑफ हर पैकेट में सौ नट चाहिए हर पैकेट में yes. सौ नट चाहिए ऐसे कितने टोटल चाहिए दो लाख समझ रहा है क्या तो ये ऑर्डर हम आपको दे रहे आप कोटेशन दे दो क्या दे दो yes. आप बताओ ये मैं उसको नहीं ऐसे दस लोगों को बोलूंगा ये भी तो पॉसिबल है एंड जिसमें से जो लोएस्ट कोटेशन मुझे देगा उससे मैं मैं काम करवा के ले लूंगा ऑब्वियसली दैट कंपनी हैज टू मीट दैट क्वालिटी अल्सो जो मेरे क्वालिटी के कुछ क्रॉस चेक रहेंगे ना कि इतना एम एम होना चाहिए उतना विर्थ होना चाहिए कुछ, कुछ तो एक क्वालिटी के पैरामीटर्स रहेंगे कि नहीं मेरे वो पैरामीटर सेटिस्फाई करके मैं बोल रहा हूँ कि तुम अपना कोटेशन दे दो तुम अपना कोटेशन दे दो सुन रहे हो क्या बच्चों तो आप बताओ ये लड़की कोटेशन कैसे देगी मुझे ऐसे कुछ भी नंबर लिख के देगी क्या क्या करना पड़ेगा हाँ हाँ ठीक से बताओ क्या करना पड़ेगा कॉस्टिंग क्या करना पड़ेगा कॉस्टिंग क्या है कॉस्टिंग फिर क्या है कॉस्टिंग प्रोसेस ऑफ असरटेनमेंट ऑफ कॉस्ट प्रोसेस ऑफ अभी तो हम प्रोसेस ऑफ असरमेंट ऑफ कॉस्ट ये बोल रहे हैं एक्चुअली आगे जब चैप्टर आएंगे तो उसमें एक्चुअली करके दिखाएंगे हम लोग समझा क्या तो उसको क्या करना पड़ेगा ये लड़की को आप बताओ मुझे कॉस्टिंग करना पड़ेगा कि नहीं अच्छा ये लड़की इंटीरियर डिजाइनर है मैंने बोल दिया कि भाई चार हजार स्क्वेयर फीट का फीट का फ्लैट है ये ऐसा करना पड़ेगा ये करना है मुझे ये चाहिए यहाँ पे सोफा चाहिए यहाँ पे टीवी चाहिए ऐसा चाहिए ऐसे टाइप के टाइल्स चाहिए ये चाहिए वो चाहिए बता कितने चार्जेस होंगे आप बताओ कैसे बोलेगी वो डायरेक्ट बता देंगे मुझे पाँच करोड़ हाँ क्या करेगी फिर क्या करेगी कॉस्टिंग क्या करेगी कॉस्टिंग समझा क्या क्या है कॉस्टिंग फिर बोलो प्रोसेस ऑफ असरटेनमेंट ऑफ कॉस्ट प्रोसेस ऑफ सरटेनमेंट ऑफ कॉस्ट एंड फिर हर एक इंडस्ट्री में प्रोसेस ऑफ असरटेनमेंट ऑफ कॉस्ट अलग अलग रहेंगे ना बच्चों जैसे कि आप बता दें मैंने सर्विसिंग का एग्जाम्पल दिया दे विल यूज जॉब कॉस्टिंग दे विल यूज जॉब कॉस्टिंग वाइन का एग्जाम्पल दिया दे विल यूज प्रोसेस कॉस्टिंग दे विल यूज प्रोसेस कॉस्टिंग कोई हॉस्पिटल है दे विल यू सर्विस कॉस्टिंग They will use service costing. कोई कोचिंग सेंटर है शुगर बट उसके साथ साथ में और दो तीन प्रोडक्ट भी बनी जाते हैं हमें बनाने की इच्छा नहीं थी बट साथ में बनी जाते अलग अलग कंपनी अलग अलग मेथड यूज करेंगे कि नहीं किसका मैथड वेरी गुड किसका मैथड कॉस्टिंग मतलब क्या ट ऑफ कॉस्ट मतलब क्या बोलो असरटेनमेंट ऑफ कॉस्ट आई होप अंडरस्टैंडिंग दिस तो अलग अलग मेथड्स रहेंगे फॉर ऑफ कॉस्ट एंड वो अलग अलग मेथड जो है ना वही हमारे चैप्टर से वही हमारे चैप्टर से प्रोसेस कॉस्टिंग समझ रहा है क्या आपको जॉब बैच कॉस्टिंग समझा क्या यूनिट कॉस्टिंग सर्विस कॉस्टिंग समझ रहा है ये क्या है चैप्टर से है ना मेरे भाई समझ रहा है क्या तो वट इज कॉस्टिंग एक बार आंसर दो वापस प्रोसेस ऑफ असरटेनमेंट ऑफ कॉस्ट इज नोन एज कॉस्टिंग right on the process of the process of ascertainment of cost process of ascertainment of cost is known as is known as costing so much And obviously, ये कॉस्टिंग को दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है कौन से दो पार्ट बोलो मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग एंड टेक्निक्स ऑफ कॉस्टिंग जो मैंने आपको चैप्टर्स को डिवाइड करने के लिए बताया था या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो बच्चों प्रोसेस ऑफ असरटेनमेंट ऑफ कॉस्ट बाय यूजिंग वेरियस मेथड्स एंड टेक्निक्स ऑफ कॉस्टिंग इज नोन एज कॉस्टिंग समझा क्या आपको ये प्रोसेस ऑफ बोलो असरटेनमेंट ऑफ कॉस्ट बाय यूजिंग वेरियस मेथड्स एंड टेक्निक्स इज नोन एज कॉस्टिंग इसी के लिए उसको बोलते हैं ना हम लोग मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग टेक्निक्स ऑफ कॉस्टिंग मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग टेक्निक्स ऑफ कॉस्टिंग समझ में आ रहा है आपको ये तो आप लिख सकते हो मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग एंड टेक्निक्स ऑफ कॉस्टिंग मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग एंड बोलो टेक्निक्स ऑफ कॉस्टिंग वैसे टेक्निक्स ऑफ कॉस्टिंग मेनली डिसीजन मेकिंग के लिए यूज होते हैं बट ऑब्वियसली उसका पर्पज कॉस्ट असरटेनमेंट भी है वन ऑफ द मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग एंड टेक्निक्स ऑफ कॉस्टिंग आर यूज फॉर कॉस्ट असरटेनमेंट आर यूज फॉर बोलो कॉस्ट असरटेनमेंट आर यूज फॉर बोलो कॉस्ट असरटेनमेंट तो बोलो वॉट इज कॉस्टिंग आंसर दो प्रोसेस ऑफ असरटेनमेंट ऑफ कॉस्ट इज नोन एज कॉस्टिंग वेरियस मैथड्स एंड टेक्निक्स आर यूज फॉर कॉस्ट असरटेनमेंट वेरियस मेथड्स एंड टेक्निक्स आर यूज फॉर कॉस्ट असरटेनमेंट समझ में आ रहा है बच्चों ये बहुत ज़्यादा हो रहे हैं डे वन को क्लास में कम्फर्टेबल हो गया तुम लोग थोड़ा टेम्परेचर ठीक नहीं है क्या मैं बता देता हूँ उनको और कुछ बाकी कंफर्टेबल है हाँ बेटा नहीं रहा तो बोला करो मुझे भी बताते आएगा ना उनको मुझे तो थोड़ा तो 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 गर्म हो रहा है बट हो सकता है कि ये लाइट्स की वजह से आप कंफर्टेबल हो क्या वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरा क्या मैं वैसे भी हम्म हाँ ठीक है ठीक कर देते थोड़ा बाकी वो कॉर्नर में कंफर्टेबल है क्या भाई वो एकदम कॉर्नर ठीक है चलो चलो ये तीन डेफिनेशन जो अभी हाँ बात करने के एक दूसरे से करना है तो कर लो मैं बेट आप ऐसे लगे तो ऐसे चुटकी बजा के मुझे बोलो है कि नहीं बात कर रहे हैं इधर हाँ मैं बोलूँगा जी सरकार है कि नहीं गलती हो गई सरकार माफ़ कर दो मालिक बोलो क्या वैसे बोलना पड़ेगा ओके ठीक है भाई चलो वॉट इज कॉस्ट वॉट इज कॉस्ट वॉट इज कॉस्ट वॉट इज कॉस्टिंग एंड वॉट इज डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट प्राइस एंड वैल्यू फटाफट बताओ वॉट इज कॉस्ट मॉनिटरी वैल्यू ऑफ ऑल सैक्रिफाइजेस मेड टू अचीव एन ऑब्जेक्टिव दैट इज टू प्रोड्यूस गुड्स एंड ऑब्लिक और सर्विसेज कॉस्ट प्राइस वैल्यू कॉस्ट इज अ कॉस्ट इज अ बोलो एक्सपेंडिचर इनकर्ड या मॉनेटरी वैल्यू ऑफ ऑल सेक्रीफाइस प्राइस इज मॉनेटरी कंसिडरेशन वैल्यू इज द रिलेटिव वर्क कॉस्ट इज अ फैक्ट प्राइस इज अ पॉलिसी वैल्यू इज एन ओपिनियन कॉस्ट इज असर्टेन फ्रॉम प्रोड्यूसर और मैन्युफैक्चरर्स पॉइंट ऑफ व्यू प्राइस फ्रॉम सेलर्स पॉइंट ऑफ व्यू वैल्यू फ्रॉम कंज्यूमर्स पॉइंट ऑफ व्यू वॉट इज कॉस्ट अकाउंटिंग सॉरी वॉट इज कॉस्टिंग वेरियस मैथड्स ऑब्लिक टेक्निक्स वेरियस मैथड्स ऑब्लिक टेक्निक यूज फॉर असरटेनमेंट ऑफ कॉस्ट आर नोन एज कॉस्टिंग वेरियस ये दोनों सेंटेंस को मैंने मर्ज कर दिया समझ रहे हैं ना वेरियस बोलो मेथड्स ऑब्लिक टेक्निक्स यूज्ड फॉर कॉस्ट असरटेनमेंट आर नोन एज कॉस्टिंग तो लेरियस मैथड्स लिखो वेरियस मेथड्स लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता वेरियस मेथड्स ऑब्लिक क्या लिखो टेक्निक्स यूज्ड फॉर यूज्ड फॉर कॉस्ट असरटेनमेंट यूज फॉर कॉस्ट असरटेनमेंट आर नोन एज आर नोन एज बोलो कॉस्टिंग वेरियस मेथड ऑब्लिक टेक्निक्स यूज फॉर कॉस्ट असरटेनमेंट आर नोन एज कॉस्टिंग वट इज कॉस्ट अकाउंटिंग वट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट वो हम कल डिटेल में सीखेंगे चलेगा बच्चों तो जैसे मैंने इंस्ट्रक्शंस दिए उसमें कोई डाउट नहीं है आपको बस एक दो मिनट में हम थोड़ा ये पूरा हमारा टीम के बारे में एक पाँच मिनट में बात कर सकता हूँ तो फॉर्चुनेटली प्रशांत सर एंड अमित सर बोथ आर हियर प्लीज कम सर सो <coughs> <So, coughs> अब हम जो आज है फर्स्ट डे थोड़ा अच्छा दाढ़ी वाड़ी कलर करके आए और सब है बाद, बाद में वाइट हो गए तो तुम ये बोलोगे नहीं ना भाई कि हमारे साथ चीटिंग हुआ बोल के <coughs> नहीं ना यस yes. ओके okay. सो so, ये प्रशांत साढ़ा है सर ही नीड्स नो इंट्रोडक्शन एंड ऑब्वियसली अमित सर तोड़ जो आप जानते हो ओके सो अमित सर आपको पढ़ाएंगे ऑडिट एंड एस एम एंड प्रशांत सर आपको पढ़ाएंगे एफ एम प्रशांत सर क्या पढ़ाएंगे एफ एम तो प्रशांत सर का लेक्चर होगा 2:30 को और अमित सर का रहेगा ऑब्बियसली एसएम के लिए 4:30 थर्टी एंड ऑडिट के बाद इसके इमीडिएटली बात ठीक है बच्चों सो आई विल हैंड ओवर द माइक टू देम एंड वो अपने सब्जेक्ट के बारे में दो मिनट आपको बात करेंगे इवन दो दे नूड नीड नो इंट्रोडक्शन माई फ्रेंड्स ये लोग अपने सब्जेक्ट में बहुत फेमस है चलेगा बच्चो यस प्रशांत से पहले गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग एवरी वन तो मैंने देखा अभी विनोद सर क्या कर रहे मतलब जो सब्जेक्ट मैं पढ़ा रहा हूँ उसका भी रिविजन करवा रहे तो प्रशांत सर क्या पढ़ाते एफ एम पढ़ाते क्या पढ़ाते एफ एम पढ़ाते मतलब सर इतना रिविजन करने की आदत है सर को कि ये भी चीज़ रिविजन करा रहे हैं सर आपसे आई होप यू एंजॉय द फर्स्ट सेशन गाइज एवरीबडी दो लाइव दोज आर लाइव हियर ओके और जो लोग ऑनलाइन में है ऑलमोस्ट बहुत लोग ऑनलाइन में है और साथ साथ में आप फेस टू फेस सुबह सुबह टाइम पे पहुंचे थे क्या आप लोग और रोज पहुंचने वाले हो क्या कौन सा लेक्चर रहेगा इसके बाद ऑडिट रहेगा आपका फिर आप लंच करोगे थोड़ा रिजनेबल खाना मेरा एग्जामिनेशन मत लेना दबा के खाओगे आओगे राइस वाइस दे दो हां भैया दे दो है ना नींद आ जाएगी ऐसा मत कुछ करना नींद आने नहीं दूंगा मैं डोंट वरी एट ऑल द सब्जेक्ट इट सेल्फ इज मोर इंटरेस्टिंग एंड आई विल मेक इट मच मोर इंटरेस्टिंग फॉर यू गाइज फाइनेंस मैनेजमेंट फाइनेंशियल मैनेजमेंट में फाइनेंस वर्ड आता है फाइनेंस इट सेल्फ इज मनी ऑब्वियसली हर कोई सीए बनना चाहता है पैसा कमाने के लिए भाई अल्टीमेट गोल तो वो भी है वही नहीं है वो भी है ठीक है तो डेफिनेटली आपका इंटरेस्ट आने वाला है और मैं पढ़ाऊंगा तो और भी अच्छे से आ जाएगा आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है <coughs> आपके जो नोट्स वोट्स से उसके बारे में बात नहीं किया तो बेटर है आपको पता है ऑलरेडी उसके ऊपर हमने इंस्टाग्राम का रील भी बना दिया है कितने नोट्स है ठीक है आपने लाइक भी कर दिया है आई एम श्योर आपने शेयर भी कर दिया रहेगा यही सपोर्ट चाहिए था आपके पास से अब बस बैच में अटेंटिवली आ जाओ मज़ा आ जाएगा बैच पढ़ते वक्त इंटरक्टिव सेशंस रहते हैं हमारे फार्मूलेज वगैरह सब से आपको प्यार हो जाएगा कैलकुलेशंस जहां पर भी आएंगे मैथमेटिकल कैलकुलेशंस डोंट वरी वी आर गोइंग टू सॉल्व दैट ईच एंड एवरी स्टेप बाय स्टेप इन द क्लास तो आपको मैथ्स का अगर थोड़ा डर है तो वो भी रखने की जरूरत नहीं है मैंने मैथ्स जो है पूरा का पूरा ट्रेनिंग बाद में सर से ले लिया है ठीक है ओवर टू यू सर एफ एम के तक हम लोग पढ़ेंगे और तुरंत उसके बाद एस का भी लेक्चर रहेगा और अभी तुरंत बाद ऑडिट का भी लेक्चर है तो तोड़ सर पढ़ाएंगे उन्होंने मुझे स्पॉन्सरशिप के लिए बोला कि आप टी शर्ट पहन लो मैं आपको यू नो स्पॉन्सरशिप दे दूंगा तो हायर्ड बाय ए सर तोड़ मालिक गुड मॉर्निंग मालिक होपफुली एवरीबडी इज डूइंग गुड और आशा करता हूँ कि आप तोड़ करें होंगे मालिक तो भारत माता की जय तो मालिक बस आपको ये बता रहा हूँ कि ग्रुप टू की जर्नी जो आपकी रहेगी वो बहुत तोड़ रहेगी ओके इज़ एंड बेसिकली आज का पहला लेक्चर है ओके इज टू बी वेरी प्रिसाइज स्टार्ट करें ओके इज एंड एन्श्योर दैट यू आर अचीविंग योर टारगेट्स कंसिस्टेंट रहे और मोर प्रोबेबली मतलब देखो कॉन्सेप्ट एंड एवरी एलिमेंट विल बी कवर्ड लेकिन आपको uh, जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ओके इज़ यू नीड टू एंश्योर कि आप रिवीजन साथ साथ में करते रहिए तो ऑल टुगेदर बिकॉज ये मैंने मेरे मतलब uh, सर भी ये बताए होंगे कि टू बी टू बी वेरी प्रिसाइज मेरे पूरे इतने साल के ग्रुप टू में एटलीस्ट लास्ट पाँच छह साल के ग्रुप टू में ओके okay, जो इंटरमीडिएट के इसमें पहली बार मैं ऐसे देख रहा हूँ कि यार साढ़े पांच बजे बच्चा फ्री हो जाता है तो फाइव थर्टी इज अ वेरी गुड टाइम बिकॉज यूजअली क्या हो जाता है सात साढ़े सात के बाद है ना फिर तो कुछ बचता ही नहीं लाइफ में फिलहाल बचा हुआ है वो खाना ठूसना है और अल्टीमेटली वॉट वी नीड टू अचीव देन रिविजन एंड अदर एलिमेंट्स विल बी पेंडिंग तो ऑल टूगेदर बस आपका ये तोड़ जर्नी रहे एंड uh, अपन मिलेंगे लेक्चर में मालिक तोड़ मालिक ऑल द बेस्ट मालिक तो जो विनोद सर ने आपको चैप्टर वाइज टेस्ट बोला था वो चैप्टर वाइज टेस्ट जो है वो हमारे तीनों के सब्जेक्ट्स के लिए एप्लीकेबल रहेगा सिर्फ फर्क इतना है कि मेरे लेक्चर्स की हद तक वो टेस्ट आपके ड्यूरिंग द बैच कंडक्ट किए जाएंगे आपको प्री अनाउंस टेस्ट रहेगा सरप्राइज टेस्ट मुझे भी पसंद नहीं है तो डरना मत आपको प्री अनाउंस टेस्ट रहेगा और सर का भी प्री अनाउंस टेस्ट रहेगा आपको आज ही पता चल जाएगा कि आपके कौन से टेस्ट के डेज है तो टेंटेटिव डेज जैसे रहेंगे वैसे आपको प्रॉपरली जजमेंट आ जाएगा कॉस्टिंग की बैच कंप्लीट होने के बाद कॉस्टिंग के टेस्ट चालू होंगे ताकि आप जो साढ़े पांच बजे फ्री हो रहे हो तो वाकई में वो टाइम आपने पढ़ाई के लिए ही इन्वेस्ट करना चाहिए इसलिए ये टेस्ट रखे गए थैंक यू वेरी मच गाइस बाय बाय। सी यू कल साढ़े सात बजे बराबर टाइम पे आ जाना बच्चों। ठीक है